टीमों के लिहाज से फायर पावर में माहिर है। सबसे पहला जो मैच है वो होने वाला है यूजी एम्पायर का, जिन्होंने अभी अभी बताया कि हम बस 5 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे खिलाड़ियों का डिवाइस थोड़ा सा ड्रेन था चार्ज करके हम जस्ट ज्वाइनिंग कर ही रहे हैं, तब तक दूसरी टीम जो हमारे अगेंस्ट में खेलेगी उनको बुला लीजिए। तो यूजी जैसे कि पता है हमको रावण भाई क्वालिफाई कर चुकी थी, तो यूजी आज खेलेगी। उसके अलावा वो पहली टीम जिन्होंने टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स जैसी अजय और अमर टीम को मात देकर अब यहां पे जो है राउंड रॉबिन में टॉप 16 में अपनी जगह बनाई थी, अब क्वार्टर फिनाले के लिए खेलेंगे। उनका नाम है द डेंजरस पागल M10 से, टीम M10। पागल M10 सेकेंड मैच से ज्वाइन करेंगे। पागल का मैसेज आया है कि मैं थोड़ा सा सो गया था मेरी टीम गई है तो कोई नहीं, मैं सेकेंड मैच से ज्वाइन कर रहा हूं। रोहन के बदले पागल रिप्लेस करेंगे अपने आप को सेकेंड मैच से, लेकिन यूजी एम्पायर बनाम पागल M10। और आज की कहानी बहुत ही रोचक है रावण भाई, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ओपिनियन पोल साफ साफ दर्शाता हुआ फैन बेस को, लेकिन फैन बेस से ज्यादा राउंड भाई मुझे लगता है यहाँ पे कई चीजें जो हैं उतार चढ़ाव हो सकती है। आज का हमारा ई स्पोर्ट्स ऑडियंस से जो सबसे बड़ा सवाल है राउंड भाई, वो है कि आज क्वार्टर फिनाले के लिए क्वालिफाई करेगा कौन। चार ऑप्शन दिए गए थे, यूजी एम्पायर, सॉलिड एज अ टाइटेनियम, पागल M10 और ए बी जॉन्टी। लेकिन आज का सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट मेरे लिए पर्सनली ये है कि पागल M10 को अब तक सबसे अधिक 42% वोट मिले हैं। लेकिन रावण भाई एक चीज देखना पड़ेगा, सॉलिड एज ए टाइटेनियम इट्स मोर ऑफ अनडिफिटेंट सॉर्ट ऑफ अ टीम, बिल्कुल जो है इनको हराना काफी मुश्किल होता है क्लैश कॉर्ड में। उसके बावजूद उनके सामने ए बी जॉन्टी, यानी कि हमारे जॉन्टी भाई जो दोबारा से आज अपनी टीम को लेकर जो मैदान में उतरेंगे, मैं पहले बता दूं कोई मुझसे सवाल जवाब नहीं करेगा कि इज इट गोइंग टू बी ओरेंगेटॉन और जॉन्टी भाई टीम, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, मुझे सिर्फ कहा गया है ए बी जॉन्टी इज कमिंग अप विथ हिज टीम। मुझे ये बिल्कुल नहीं बताया गया है कि इज इट गोइंग टू बी ओरेंगेटॉन, इज इट गोइंग टू बी समवन एल्स, मुझे नहीं पता। और इस बारे में मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगा क्योंकि इस बारे में मुझे लगता है ए बी जॉन्टी इज द मेंटोर ऑफ द टीम, वो बोले तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर बात करी जाए रावण भाई, तो टाइटेनियम के सामने जॉन्टी भाई के फैंस ने उनको दबा के वोट्स दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी ए बी जॉन्टी के ऊपर फैंस को पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है कि ये आज जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रावण भाई, मुझे लगता है पहला मैच कांटे की टक्कर का होगा, पागल M10 बनाम यूजी एम्पायर। सबसे कम वोट्स यूजी एम्पायर को मिले हैं 10%, लेकिन राउंड भाई आपको लगता है अगर यही सवाल आज से 6 महीना पहले हमने पूछा होता, जब इनफॉर्म एपी, इनफॉर्म जावा, इनफॉर्म प्रिंसिंग और चिक्स खेलते थे इसी टीम में यूजी आयुष के साथ, आपको लगता है ये वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल उल्टा होता? बिल्कुल बिल्कुल उल्टा होता, क्योंकि हम यूजी एम्पायर की बात कर रहे हैं गाइस, वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम, जिसके पास इस वक्त इंडिया का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर जावा बॉय एज अ कैप्टन है, एक ऐसा खिलाड़ी एपीजिया जो अपने कमबैक घोषित कर चुका है, झारखंड का वो लाल एपीजिया क्या आज पागल M10 की धाकर टीम के सामने कमाल कर पाएंगे कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और इसी बीच रावण भाई, पंजाब के पंकज सिंह चौधरी यानी कि जावा बॉय ने एंट्री ली है, उनके साथ झारखंड के लाल एपीजिया, भारत के दी मोस्ट अंडररेटेड स्नाइपर एपीजिया यहां पे आ चुके हैं। यूजी की ओर से दो बड़े खिलाड़ी यहां पे नेतृत्व करते हुए राउंड भाई सेकेंड मैच से ज्वाइन करेंगे पागल, पागल M10 सेकेंड मैच से ज्वाइन करेंगे। आई थिंक राउंड भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बेहतरीन तरीके से इन टीमों को देख रहे हैं, मैंने तो इस टूर्नामेंट में पहली बार देखा है पागल M10 की टीम को। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या यूजी एम्पायर के पास ये मौका है इन दी एब्सेंस ऑफ पागल M10, क्या यूजी एम्पायर डिफीट कर सकती है पागल M10 की टीम M10 को विदाउट पागल M10? आराम से कर सकते हो रोकी भाई, क्योंकि ना आपको भी पता है मुझे भी पता है, ठीक है। जावा का ना जो फायर रेट ऑफ फायर है ना, मारने का जो मारता है, वो जो डैमेज देता है सामने वाली टीम को ना, वो एक अलग लेवल पे मारता है वो, ठीक है, वो सबको पता है, वो प्रिंस होते हैं ना तब तो। मतलब इनके पास अगर जय है, ठीक है, कुमार है, ठीक है, ये सालों से दोस्त हैं, तो ये भी सालों से दोस्त है ना, मारेंगे तो ये भी डैमेज तो ये भी तगड़ा देंगे, फायर पावर तो दोनों का है। एंड अगर आप देखो राउंड भाई यहाँ पे, तो मुझे एक चीज काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिली है,
यूजी एम्पायर ने जो टीम लेके क्वालिफाई करी थी सेम लाइनअप उतारी है। नितिन एक नया खिलाड़ी इनकी ओर से इंट्रोड्यूस हुआ है क्योंकि आयुष जो है इन दिनों छुट्टियां मना रहे हैं थोड़ी सी नेपाल में, तो इस वजह से ही इज नॉट अवेलेबल विथ अस। लेकिन यूजी की पूरी टीम यहाँ पे मैदान में आई है। इसके अलावा अगर मैं पागल M10 की टीम की बात करूं तो पागल के अलावा पूरी की पूरी वही लाइनअप यहाँ पे आज खेलेगी ऐसा हमें लग रहा था, बट नहीं, रॉन भाई देयर इज नो अभिमन्यु ओवर देयर। हालांकि अभिमन्यु आई थिंक उस दिन सबसे ज्यादा किल करे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे ज्यादा। जय वॉज देयर नो डाउट, बट सबसे ज्यादा किल आई थिंक अभिमन्यु ने करे थे। आई एम नॉट सीइंग अभिमन्यु, विच इज अ लिटिल बिट सरप्राइज फॉर मी। लेकिन पागल M10 ने जिस तरीके से राउंड भाई इस वक्त की सबसे इनफॉर्म टीम, उस दिन टोटल गेमिंग के समर्थकों ने भी इनकी तारीफ करी, तो आज देखना पड़ेगा पागल M10 किस तरीके से जो है यूजी एम्पायर का सामना करते हैं। तो गाइज तैयारी कर लीजिए, पहला मुकाबला ये जो हो रहा है ये होने वाला है पागल M10 बनाम यूजी के बीच में, बेस्ट ऑफ 5 का ये मुकाबला। जो जीतेगा वो जाएगा सीधा क्वार्टर फिनाले। पंजाबी प्लेयर बोलते अर्श ने यहां पे जो है ऐलान किया, एंड अर्श इज द यंगेस्ट असोल्टर इन इंडिया, एंड हियर वी गो बिकॉज इट्स शो टाइम। जी गाइस, और सेकंड मैच सॉलिड एज ए टाइटेनियम और AB जॉन्टी के बीच में होगा। लेकिन उससे पहले मुकाबले में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, मैं रॉकी रायचैन, आप सबका हार्दिक स्वागत है एट द बैटल इन फ्रीस्टाइल। और न्यू ईयर रेवोल्यूशन का शेड्यूल जो है अपडेट किया जा रहा है, हमारे मॉडरेटर्स बस उसको टाइप ही करें। राउंड भाई Am I right? जी, बिल्कुल तैयार है हम लोग। जी गाइज, आपको मैं नहीं कहूंगा कल सुबह तक, आपको इन ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम तक मिल जाएगा शेड्यूल। आज थोड़ा सा हमारे डिस्कॉर्ड के बॉट का ग्लिच हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट माफी चाहूंगा, मैंने आज बोला है तो आज ही शेड्यूल मिलेगा। आज का दिन थोड़ा एक आध घंटा लेट हो सकता है, पर आज का कल नहीं करूंगा, आज ही आपको शेड्यूल दिया जाएगा इसी लाइव स्ट्रीम के दरमियान। और दूसरी तरफ रावण भाई आते ही वहां पे अगर आप देखें यूजी को पहला झटका नितिन के रूप में लग चुका है, AP जिया वहां पे पूरी कोशिश कर, ओ माय गॉड, अर्श ने यहां पे आते ही दो लाशें बिछा दी, और अर्श ने आते ही वहां पे कस्टम चैट में लिखा था जी पंजाबी प्लेयर बोलते। जी गाइज, यानी कि पंजाब द स्वैग लाए हैं अर्श, रोहान को नॉकआउट करने में कामयाब हो चुके प्रिंसी। प्रिंसी के पास मौका, APZR एंड प्रिंस सिंह आगे बढ़ते हुए, ओके यहाँ पे AN94 के ड्रैग शॉट मिस आउट हुए। AN94 एक अरसे के बाद राउंड में क्लैश क्वाड में इंट्रोड्यूस कराई गई है, और काफी पसंदीदा बंदूक मानी जाती थी AN94 क्लैश क्वाड्स में, लेकिन नए नए अपडेट्स के साथ, बदलाव के साथ जो है AN94 कई बार हटाई गई। प्रिंस सिंह के ऊपर डैमेज आता है, हेलमेट वेस्ट पहले राउंड में मिलती नहीं है, कॉम्पिटिटिव मोड हमने ऑन रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें ट्रैक शॉट वहां पे लगाने में असमर्थ रहे, APZR का ट्रैक शॉट भी मिस आउट। AN94 से कब तक बात बनेगी ये देखना काफी लाजमी होगा। जी कुमार, और कुमार का जबरदस्त हेडशॉट, और इसी के साथ पागल M10 की टीम 1-0 से आगे। जी गाइज, सामने डेफिनेटली द किंग ऑफ फ्री स्टाइल पागल M10 की टीम है, लेकिन मैं जानता हूं ई स्पोर्ट्स की ऑडियंस जाती है सामने खड़ी हुई एम्बिशियस यूजी एम्पायर किस तरीके से यहां पे प्रदर्शन कर सकती है। रावण भाई ने भी कहा है मैच के शुरुआत से पहले कि बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, पागल M10 खुद रिप्रेजेंट सेकेंड मैच से करेंगे। पहले मैच में यूजी के पास डेफिनेटली 100% मौका है अगर लीड लेनी है। ओह व्हाट अ हेडशॉट राउंड भाई, क्या बात है, आपकी बात पे मोहर लगाते हुए प्रिंस सिंह ने एक करारा हेडशॉट AC-80 से यहां पे लगाकर रोहन को यहां पे जता दिया अपना एक्सपीरियंस। लेकिन ये इतना आसान होने वाला नहीं है क्योंकि सामने पागल M10 की ओर से प्योर फायर पावर देखने को मिल रहा है। LVL रोहन को मौका मिला है इन द प्लेस ऑफ पागल M10। सेकेंड मैच से पागल M10 आने वाले नितिन को दोबारा से नॉकआउट किया गया है, नितिन को और जावा बॉय को लगातार दोबारा से नॉकआउट, लगातार बैक टू बैक नॉकआउट्स के बाद यूजी की टीम थोड़ी सी यहाँ पे फंस जा रही है। बहुत ही बेहतरीन हेडशॉट APZR यहाँ पे पूरी कोशिश करते हुए, और साइथे का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, और ट्रिपल किल यहाँ पे पंजाब के अर्श का। 2-0 से लीड पे जा चुकी है टीम M10 पागल M10। राउंड भाई अब तक डोमिनेंस अपना बरकरार रखा है इन्होंने, लेकिन बींग से डैड यूजी एम्पायर किसी भी पल कमबैक कर सकती है, क्योंकि राउंड भाई वन ऑफ योर फेवरेट स्नाइपर्स APZR को मिल चुकी है स्नाइपर। क्या लगता है राउंड भाई, क्या AP के स्नाइपर में अभी भी वो धार है, क्या ये झारखंड का लाल आज भी
उतना ही आपको लग रहा है मजबूत है जितना 6 महीने पहले। मैं बता दूंगा इस काफी कम लोग जानते हैं एपीजे okay, जी स्नाइपर है ना जी, एपीजे ना जी, स्नाइपर को प्यार नहीं करता है, स्नाइपर इसको प्यार करती है। वेल सेड राउंड भाई। एंड एपीजे राउंड भाई, एक वक्त में इनको कंपेयर किया जाता था स्नाइपर गॉड पहाड़ी के साथ। कई लोग इस डिबेट में रहते थे कि हु इज द बेस्ट स्नाइपर इन द रीजन, इज इट एपीजे, इज इट पहाड़ी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वहां पे डेफिनेटली इलीट ने टूर्नामेंट जीता, स्नाइपर गॉड पहाड़ी के नाम पे मोहर लग गई। लेकिन कहना पड़ेगा एपीजे का टैलेंट भी कमाल का है। और ये देखिए शॉट जबरदस्त लगाया है उन्होंने, लेकिन सिंगल आर्म से 1v3 क्लच करना बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। ओके 1v3 क्लच करना पड़ेगा एपी को। दो खिलाड़ी रश करते हुए एक बार फिर से सिंगल आर्म से बहुत अच्छी कोशिश, लेकिन अब तक मैच को एक तरफा तरीके से लीड पे रखते हुए 3-0 से लीड है पागल M10 की टीम। टीम M10 क्या यहाँ पे यूजी एम्पायर वापसी कर पाएगी? राउंड भाई शेड्यूल भी दे दिया गया है, मैचेस भी जबरदस्त चल रहे हैं। ए बी जॉन्टी के आने की खुशी में आज ऑडियंस जो है काफी उत्साहित लग रही है। अर्श अभिमन्यु है रॉकी भाई। अच्छा, मुझे नहीं पता था गाइस, क्योंकि मैंने पहली बार देखा है। अगर कुछ भूल चूक हो जाए, कुछ गलत सर बोलू तो माफ करना। एक्चुअली क्या होता है ना गाइस, मेरे लिए ये सारे प्लेयर्स नए हैं, मैं थोड़ा ई-स्पोर्ट्स ज्यादा फोकस करता हूँ। ये फ्री स्टाइल से अभी ई-स्पोर्ट्स में स्विच हुए हैं टीम M10, तो मुझे थोड़ा कम नॉलेज है इनके खिलाड़ियों के बारे में। बट आपकी बात बिल्कुल सही है ऑडियंस की, एज ए कास्टर हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की। आई एम रियली सॉरी, माय अपोलॉजी, नाम अलग देखा मैंने तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। okay. जी कुमार रण भाई, हर बार ऐसा लगता है पहला डैमेज यूजी देती है, लेकिन पहले दो नॉक हमेशा यहाँ पे पागल M10 निकाल दें। और अर्श को इस बार नॉकआउट कर दिया। इस बार नितिन ने कहा बहुत हुई आपकी, अब हमारी चलेगी। और ये देखिए रोहन भी गए, जीजी कुमार, और ये क्या देख रहा हूं मैं, जावा बॉय काफी डैमेज हो चुके हैं। जावा को संभल के खेलना पड़ेगा। एपीजे और स्काइलर चली है जय के ऊपर हमला करने की कोशिश। नितिन को रिवाइव देने की कोशिश नहीं कर रहा है राउंड भाई कोई भी, शायद 1v2 आसान सा क्लच निकालना चाहते हैं। बट ये मेरे समझ के बाहर, नितिन को बचाया जा सकता था अगर कोशिश करते। जावा को पूरे हील की जरूरत है, आवश्यकता। जीजी कुमार क्लच गॉड है, निकाल सकते हैं क्लच। इन्होंने ज्ञान गेमिंग से भी सुपर सब्स्टिट्यूशन खेला इस टूर्नामेंट में, उसमें भी कमाल करा था। लेकिन बीइंग से डेड बिहार के लाल जीजी कुमार का कर ही है कमाल। कुछ लोग कहते हैं बिहार से काफी कम टैलेंट देखने को मिलता है, मैं कहता हूं ये देखिए आपके सामने मैं टैलेंट लेके आता हूं। और रावण भाई जैसा कि आपने कहा था, मानना पड़ेगा ऐसा लगता है स्नाइपर से एपी नहीं बल्कि स्नाइपर एपी को प्यार करते हैं। एक तरफ झारखंड का लाल तो दूसरी तरफ बिहार के कमाल कुमार। जी गाइस, जी कमाल कुमार, क्या बात है। ई-स्पोर्ट्स गाइस इसीलिए सबको पसंद है कि ई-स्पोर्ट्स कभी भेदभाव नहीं करता। ई-स्पोर्ट्स के लिए कभी भी यह फर्क नहीं पड़ता कौन कहां से है। ई-स्पोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ टैलेंट चलता है, चाहे लड़का बिहार का हो, चाहे लड़का पंजाब का हो, चाहे लड़का झारखंड का हो, कोई आसाम से है, कोई बंगाल से है, कोई उड़ीसा से है, कोई गुजरात से है। तो गाइज यहाँ पे ई-स्पोर्ट्स एक फ्रेंडली वातावरण है। और देखिए राउंड भाई, ई-स्पोर्ट्स की ऑडियंस भी काफी इसीलिए मैच्योर होती है, हमारे यहाँ झगड़े कम और डिबेट ज्यादा होती है। डिबेट को लोग कई बार झगड़े का रूप दे देते हैं, बट डिबेट डिबेट होती है, झगड़े झगड़े होते हैं। ई-स्पोर्ट्स में डिबेट होता है गाइस, झगड़ा नहीं। आज देखिए जैसे हमने ओपिनियन पोल दिया है, दैट इज अ डिबेट, दैट इज नॉट अ वॉर। और यहाँ पे जय को नॉकआउट कर दिया गया राउंड भाई। एंड राउंड भाई एक चीज माननी पड़ेगी यहाँ पे, जिस तरीके से दोनों ही टीम्स सामने वाली टीम के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अगर आप देखें सबसे पहले जाओ भाई साहब, राउंड भाई बैक टू बैक ये पांचवा राउंड है, और लगातार पांचवे राउंड में एक बार फिर से हेडशॉट लगाया प्रिंस सिंह ने। क्या लगता है राउंड भाई, अब तक सबसे ज्यादा मैच में डैमेज प्रिंस सिंह का होगा मुझे ऐसा लगता है, इफ नॉट एपी, क्योंकि स्नाइपर के साथ है एपी तो ऑब्वियसली बात है स्नाइपर्स का डैमेज थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन प्रिंस सिंह, रण भाई मुझे ऐसा लगता है आज यूजी एम्पायर के पास एक मौका है स्टेटमेंट देने का कि हमारी टीम कुछ दिनों के लिए थोड़ी सी आउट ऑफ फॉर्म हुई थी, लेकिन टैलेंट हम में अभी उतना ही है। देखिए प्रिंस सिंह एक और हेडशॉट रण भाई, सबसे ज्यादा डैमेज दिया इन्होंने इस पूरे पांच राउंड तक, सबसे ज्यादा डैमेज प्रिंस सिंह का यहां पे दर्ज है। प्रिंस सिंह उनके साथ जावा बॉय और नितिन, और M8 2B का इस्तेमाल कर रहे हैं नितिन, कोशिश कर रहे हैं जीजी कुमार को रोकने की आवश्यकता। रोहन
टीम एक्टेंट, टीम एक्टेंट, रोहन रोहन जी जी कुमार नॉकआउट हो चुका, क्या क्लच निकाल पाएंगे वन विकेट रोहन जी, बिल्कुल नहीं, और ट्रिपल किल 2-3 से लीड, और जैसा कि रोहन भाई ने कहा 100% चांस है यूजी के पास, जब तक पागल मैदान में नहीं आ रहे तब तक लीड बरकरार कीजिए, क्योंकि आप तभी जो है प्रेशर में डाल पाएंगे, अगर ये एक ही तरीके से लीड लेते हुए चलेंगे तो पागल M10 किस किस्म की तबाही मचा सकते हैं हमने देखा था। इस वक्त की भारत की सबसे इनफॉर्म टीम टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स को मात दे दी इन्होंने इस टूर्नामेंट में, हालांकि ये टोटल गेमिंग का एरिया नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स एक फुल मैप की प्रोफेशनल ईस्पोर्ट्स टीम है, बैटल इन फ्री स्टाइल में ये उनका पहला सीजन था, लेकिन कहना पड़ेगा वहां पे टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स ने भी अच्छा मुकाबला दिया, कड़ा मुकाबला दिया, लेकिन पागल M10 की टीम बहुत डेंजरस है। क्या आज यूजी एम्पायर ईस्पोर्ट्स टू फ्रीस्टाइल का स्वाद चखा पाएंगे पागल M10 को, या आज भी द किंग ऑफ फ्रीस्टाइल पागल M10 की टीम एंट्री नहीं विजयी भव होगी। आज का बेहतरीन शॉट राउंड भाई, जय का जादू अब नहीं चल रहा है, जय के पीछे लगा दिया है एपी को, और जिस किस्म से एपी की स्नाइपर चल रही है माशाल्लाह, और जी कुमार भी डाउन है, प्रिंस सिंह नॉकआउट और नितिन भी नॉकआउट हो चुके हैं, अर्श आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पे पूरी कोशिश चल रही है, यहाँ पे 2v2 मुकाबला, 2v2 मुकाबला एपी अपने स्नाइपर्स के साथ है, जावा बॉय पे ज्यादा प्रेशर रहेगा, जावा बॉय के पास एक कार 98 और डबल बैरल है, क्या यहाँ पे एपी, देखिए एपी बिल्कुल स्टेबलाइज, अपने दिमाग से भी खेलते हैं, उनको बैकअप की आवश्यकता पड़ेगी, दो खिलाड़ियों ने रश कर दिया तो एपी खतरे में पड़ सकता है, बहुत तेज है दिमाग से एपी, तुरंत दो कदम पीछे हटा लिया, क्योंकि उनको पता है वहां पे दो खिलाड़ियों के रश का सामना हम स्नाइपर्स के थ्रू तो नहीं कर सकते। जावा के डबल बैरल की यहां पे जरूरत अवश्य पड़ेगी, कार 98 इनके पास अवश्य मौजूद है, और ये देखिए राउंड भाई UAV का इस्तेमाल किया गया जावा बॉय के जरिए, क्या यहां पे जावा बॉय सही टाइम पे सही वार कर पाएंगे, He's looking for a shot. नहीं, यहां से बात नहीं बनेगी, एक खिलाड़ी बिल्कुल बाईं तरफ, और यहां पे जावा बॉय के ऊपर एक सेकंड में यहां पे शॉट लगा दिया पंजाब दे शेर अर्श यानी कि अभिमन्यु ने, क्या एपी अपने डबल स्नाइपर्स की बदौलत यहां पे क्लच कर पाएंगे, क्या पागल M10 के सामने यूजी 2-2 की बराबरी कर पाएगी, देखिए दोनों तरफ स्नाइपर्स है, रोहन पंगा ले रहे हैं यहाँ पे एपी के सामने, स्नाइपर से पंगा महंगा पड़ेगा, व्हाट अ हेडशॉट, व्हाट अ हेडशॉट बाय एपी, क्या बात है, जबर जबर भैया, जबर एपी, कमाल कर दिए, झारखंड के एपी जियर ने कमर तोड़ दी वहां पे, और रोहन को दिखा दिया स्नाइपर टू स्नाइपर, मुझसे मत बहस कीजिएगा आप, स्नाइपर टू स्नाइपर एपी इज अनबीटेबल, और यहां पे अगर आप देखें स्काइलर चली और क्लोज रेंज ना होने की वजह से 4-2 की लीड, 4-2 की लीड मिल चुकी है पागल M10 को, लेकिन मानना पड़ेगा रावण भाई एपी से इनको बच के रहना पड़ेगा, एपी इज हियर, झारखंड के लाल एपी इज हियर ने यहां पे दिखा दिया है अपना कमाल, अगर यहां पे टीम कोऑर्डिनेशन सही रहती है तो यहां पे टीम M10 को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जब तक पागल M10 हिमसेल्फ पागल M10 जब तक नहीं आते तब तक उनकी टीम M10 को यह मोर्चा संभाल के रखना पड़ेगा, पूरी कोशिश करे अभिमन्यु यानी कि अर्श, और उसी तरीके से अगर आप देखें तो कार 98 चली है, प्रिंस सिंह को लगभग 80 से ज्यादा का डैमेज है एपी जिया के पास, मुझे एक सिंगल ऑम तो दिख रही है, क्या डबल ऑम है इनके पास, एपी ने नाक में दम करके रखा हुआ है, जिस सिंगल ऑम है इनके पास एपी किस हद तक घातक साबित हो सकते हैं हमने देख लिया, किस तरीके से टीम M10 को नाक में दम करके रखा हुआ है हमने देखा, और कहना पड़ेगा आज की डेट में एपी के स्नाइपर राउंड भाई मुझे ऐसा लग रहा है शायद नए अपडेट के बाद एपी जियर से बेहतर स्नाइपर शायद ही कोई होगा, अपार्ट फ्रॉम माफिया को तो मैं नहीं करूंगा कंपेयर क्योंकि माफिया इज द स्नाइपर ऑफ द ईयर, वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपर्स में एपी का नाम मैं जरूर गिनूंगा आज की डेट में, माफिया को नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि माफिया इस वक्त दी बेस्ट प्लेयर है, तो डेफिनेटली मैं तो नहीं करूंगा इस वक्त कंपेयर, बट एपी एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करना चाहते हैं, एक अरसे के बाद टीम में लौटे हैं, मैं बता दूंगा इस एपी जो है एक म्यूजिशियन है, एक बीट बॉक्सिंग जो है आर्टिस्ट भी हैं एपी, तो एपी अपने उस म्यूजिकल करियर की वजह से कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिए थे, नाउ ही इज बैक एंड होपफुली ही विल बैक विद अ बैंग, लेकिन बैक विद अ बैंग करने के लिए उनको पागल M10 की टीम का सामना करना पड़ेगा, वी आर वेरी हैप्पी टू सी एपी इज हियर मेकिंग अ ह्यूज कमबैक, यहां पे अगर आप देखें पागल M10 की टीम काफी रिलैक्स्ड है, कार 98 का जबरदस्त शॉट एपी के ऊपर डैमेज आता हुआ, एक मेडिकेट यहां पे लगानी पड़ेगी एपी को,
और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे पूरी शिद्दत से पागल एम्प्टन की टीम डिफेंस भी दिखा रही है। एक पल को ऐसा लग रहा था कि फांस रहे थे, लेकिन उसके बाद समझ गए कि यूजी वाले बड़े चालाक हैं, हमसे रश करवा रहे हैं। इस बार ये लोग रश नहीं कर रहे, उल्टा खिलाड़ियों से रश करवा रहे हैं। जावा बॉय के पास राउंड भाई ग्रोजा तक आ चुकी है। क्या जावा ग्रोजा सेटिंग लगा, और भाई प्रिंसिंग पे फिर से डैमेज एपिजिया। देखते हैं क्या होने वाला है। जा बॉय जीजी कुमार, जय अर्श रोहन जीजी कुमार, और यहां पे प्रिंस नॉक हो सकते थे, प्रिंस यहां पे फंस चुके हैं। एपी प्रिंसिंग नॉकआउट, जावा बॉय के ऊपर रश आता हुआ, जावा बॉय पे रश आता हुआ, यहाँ पे सारे खिलाड़ी नॉकआउट, और एक ही झटके में पागल एम्प्टन की टीम ने 5-2 की लीड बढ़ा ली और पूरी तरीके से यूजी एम्पायर को यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि कुछ नया प्लान बनाइए, क्योंकि डिफेंसिव टैक्टिक्स हमारे सामने नहीं चलेंगे। राउंड भाई प्लान बी की जरूरत है यूजी को, क्या लगता है? और एपी 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 चलता हुआ चैट में, एपी झारखंड में कहां से है रॉकी भाई? अब इस सवाल का जवाब एपी दे पाएंगे, आई नो ही इज फ्रॉम झारखंड। रॉकी मामू मामी कब लाओगे स्ट्रीम पे? देखो गाइज, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता, आज भी झूठ नहीं बोलूंगा। दरअसल आपकी जो होने वाली मामी है वो डॉक्टर है, तो कुछ लोग शायद ये अटकलें लगा रहे थे कि शायद रॉकी भाई भी बाकियों की तरह यू नो मामी को भी यूट्यूब पे लाएंगे, मामी का भी अलग से चैनल बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं यूट्यूब में हूँ 2-3 साल के लिए, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, उसके बाद मैं फिर से किसी बैंकिंग प्रोफेशन में लौट जाऊँगा। एंड माई वाइफ इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर ऑलरेडी, उनका MBBS जो है परस्यू हो चुका है। सो दैट्स वाई आई वॉन्ट माई फैमिली आउट ऑफ द यूट्यूब, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे यूट्यूब में इंक्लूड नहीं करना चाहता उनको। तो जो ऑनेस्ट बात है वही बोल रहा हूँ। यहाँ पे एपीएस या नितिन को बैकअप की आवश्यकता है, और जावा बॉय ने बैकअप दिया भी यहाँ पे। एपीएस या जीजी कुमार, जय हर्ष, एपीएस या नितिन एंड जावा बॉय आगे बढ़ते हुए, जावा बॉय जीजी कुमार जय हर्ष। अगर आप देखें यहाँ पे एपी ने राउंड भाई नाक में दम करके रखा है, और समझ गई है पागल M10 की टीम कि अगर हम ओपन टेरिटरी में एक सेकंड के लिए भी आएंगे तो एपी नाक में दम कर रहा है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इमोट लगा रहे हैं, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं जीजी कुमार। जीजी कुमार पूरी कोशिश कर रहे हैं खुद को रिलैक्स करने की, लेकिन जावा बॉय और नितिन ने भी यहाँ पे अच्छा खासा मोर्चा संभाल के रखा हुआ है। एपी जिया उनके पास AWM है, शायद एपी थोड़ा ऊपर से, ओ आओ अर्श को काफी डैमेज आया है, और नॉक करने में कामयाब राउंड भाई, झारखंड के एपी जियर ने नाक में दम कर रखा है। और इस वक्त पागल M10 के सामने अगर यूजी की ओर से कोई कमबैक करा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एपी है। जीजी कुमार और जय दोनों ही क्लच गॉड्स हैं, लेकिन जय के पास मैक्स 7 और कार्नेटियर है, जो जय की स्पेशलिटी नहीं है। जीजी कुमार के पास अवश्य मैक 10 और AC-18 है, जो ये अक्सर जो है हमें चलाते हुए दिखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं सिर्फ एक चीज सोच रहा हूं। यहाँ पे ओके जय एपी के सामने कार 98 चलाने का रिस्क उठा रहे हैं, और ये मुश्किल पड़ेगा। जीजी कुमार के सामने एपी, जीजी ओ नहीं, नितिन प्ले जोन से नॉकआउट, और ये महंगा पड़ सकता है, ये महंगा पड़ सकता है, महंगा पड़ सकता है, बहुत ही प्यारा शॉट। और यहाँ पे एपी, क्या बात है, एपीजिया का डबल किल और कमबैक करा दिया यूजी को। कैन वी सी द हैशटैग फॉर यूजी, 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 कम ऑन गाइस, चैट में सिर्फ और सिर्फ एपी 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 चल रहा है, क्या बात है। और एक ही झटके में यहां पे एपी 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 एपी, और एपी के अलावा चैट में मुश्किल से मुझे कुछ दिख रहा है, UGAP दिख रहा है यहाँ पे। रॉकी मामू ऑफिशियल टूर्नामेंट में कास्ट करो, मजा आएगा, क्योंकि ऑफिशियल कास्टर की कास्टिंग बोर्ड लगती है। प्लीज मामू, नहीं ब्रो ऐसी बात नहीं है, ऑफिशियल कास्टर्स कलर कास्टिंग कर रहे हैं और वो उनका जो है जॉनरे है, मेरा जॉनरे शाउट कास्टिंग है। जिस दिन शाउट कास्टिंग के लिए मुझे मेरे गरीना के ऑफिशियल्स बुलाएंगे उस दिन मैं जरूर जाऊंगा। अभी मुझे लगता है कि आई एम नोबडी टू डिसाइड कि मुझे किसी की जगह लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। I am a nobody. With all due respect, जिस दिन गरीना मुझे ये सौभाग्य ये मौका देगा उस दिन मैं जरूर लूंगा। इस वक्त मैं जो कर रहा हूँ मुझे उसमें काफी फोकस रहना है, क्योंकि guys कई मल्टीपल चीजें आने वाली हैं, इंटरनेशनल ऑर्ग आने वाले हैं, रॉकी भाई नई ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन करने वाले हैं,
और बहुत सी चीजें हैं जो इस साल होने वाली हैं। ई स्पोर्ट्स को तो मैं बिल्कुल नए मुकाम पे लेके जाऊंगा, बिल्कुल नए मुकाम पे। ये साल ई स्पोर्ट्स के नाम रहेगा, ईयर 2022 विल बी द ईयर ऑफ द ई स्पोर्ट्स, मार्क माई वर्ड्स। उसी तरफ 3-5, भाई 3-5 को कहा जाता है? मेरे से 3-5 करता है तू, लेकिन यहां पे वाकई में 3-5 हो रहा है। प्लान जी का तो पता नहीं, जी ने कहा हमारा प्लान यही काफी है। यहाँ पे एपी जेड डबल स्नाइपर्स, एक स्नाइपर से भाई ने नाक में दम कर रखी थी, डबल स्नाइपर से तो कहर ही बरसाएंगे ये। लेकिन एपी को संभल के रहना पड़ेगा, ऊपरी सतह से हमला हो सकता है एपी पे। अरे भैया, ओए होए 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 होए, रावण भाई मुझे लगता है टीम टीम M10 को लगता है उनका चिट प्रतिद्वंद्वी मिल गया जी। गेस व्हाट, टीम M10 टीम M10 को ना अभी फिलहाल ना जी पूरी यूजी से खतरा नहीं है, उनको सिर्फ एपी से खतरा है जी। और एपी ने नाक में दम करके रखा है रावण भाई, जहां से छोड़कर गए थे वहीं से वापसी करी। अपने म्यूजिकल करियर के लिए कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया था इन्होंने, बट अब अगर आप देखें तो एपी कमाल के फॉर्म में। अर्श के पास 4 मेडिकेट, यानी जय ने अपनी मेडिकेट उनको दे दिया रावण भाई हीलिंग बैटल के लिए। बट ये रिस्क है, मैं अभी भी कहूंगा ये रिस्क है, क्योंकि रावण भाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, एपी के पास 8 मेडिकेट है। देखिए अगर आपके पास 4 है तो एपी के पास 8 है, और हीलिंग बैटल में एपी से पंगा आई थिंक महंगा पड़ेगा। कोशिश जारी, जय पूरी कोशिश करते हुए नितिन के ऊपर, 2 खिलाड़ी नॉकआउट। और यहाँ पे जय 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 जय, नहीं बात नहीं बनेगी। एंड अगर आप देखें अर्श का हेल्थ ही नहीं जा रहा है, और एपी भी गए, और हीलिंग बैटल अर्श जीतेंगे, अर्श जीतेंगे 6-3, 6-3, दे आर इन द लीड। रण भाई मुझे लगता है मैन टू मैन एडवांटेज था, रश कर सकते थे यूजी की टीम ऊपर, शायद ग्लू वॉल ना होने की वजह से रिस्क नहीं लिया जी। और यहाँ पे 6-3, 7-8 सेकंड में मारना रहता है, ठीक है जी, 6 से तो पहले मार लेने लगा 6 सेकंड के पहले ही। रॉकी भाई आपका लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? जी लव किया था उसके बाद अरेंज। हमने ए बी जॉन्टी को वोट किया है क्योंकि हमको लगा ओजी ही रहेगा। रॉकी भाई ब्रो अब मेरे को नहीं पता कौन आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखो मैं और रावण भाई बिल्कुल नहीं जानते ओजी आ रही है कौन आ रहा है, हमें सिर्फ जॉन्टी गेमिंग लिखने को कहा गया था। इसलिए देखिए मैंने कोई क्लिक बेट नहीं करा, मैंने ओरेंगेटॉन लिखा नहीं है, हमको सिर्फ जॉन्टी भाई बोला गया था, तो हमने जॉन्टी भाई का ही थंबनेल पे लगाया है। आपको पता है मैं बिल्कुल उल्टी सीधी हरकतें नहीं करता। ओ रावण भाई नाक में दम कर रखा है एपी ने। अरे भाई कुछ लोग कहते हैं रावण भाई कि अरे झारखंड से कोई खिलाड़ी नहीं है क्या? भाई मैं कहूंगा खिलाड़ी नहीं, मुझे लगता है झारखंड का एक खिलाड़ी 4 के बराबर है। नाम है एपी जिया, एपी को रिवाइव देना चाहिए। नहीं रिस्क उठा रहे हैं, यहाँ पे 1v1 है रावण भाई, शॉट 1v1, जीजी कुमार बनाम जावा बॉय, एंड 1v1 है। एपी पीछे नॉक पड़े हैं, जय को रिवाइव नहीं मिल सकता है, जावा बॉय के पास ग्लू भी नहीं है। जावा बॉय, ओह व्हाट अ हेडशॉट बाय जावा बॉय, 6-6-4, टेक इट। रावण भाई पहले ही मैच में 12,000 से ज्यादा बंदे इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे कि इस मैच का नतीजा क्या होगा। क्या हाल रॉकी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो सर? क्या हाल रॉकी मैं बहुत अच्छा हूँ। अब तक शेड्यूल नहीं दिया न्यू ईयर रेवोल्यूशन का, गाइस टाइपिंग ही चल रही है, मेरे मॉडरेटर्स वो बॉट का ग्लिच था, बॉट का ग्लिच सही हो गया। आपको कल नहीं बोलूंगा मैं, आज ही मिलेगा, और जब तक मैं लाइव हूँ हो जाएगा। रावण भाई प्लीज टेक अ लुक ना, वो डिस्ट्रॉयर को बोल के थोड़ा शेड्यूल डलवा दीजिए कल का, कल जितने बजे भी मैच जी कर ही रहे हैं, ठीक है जी, काम चल ही रहेगा गाइस, भरोसा रखिए हम पे। आपसे ज्यादा मैच दिया कुमार को, ठीक है 150 का निकलते ना तुरंत ही पकड़ा दिया, क्या मारा क्या शॉट था एपी। यहाँ पे मुझे लगता है अगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये टिक गए कुछ देर और तो क्या पता यहाँ पे कमबैक देखने को मिले। बट यहाँ पे एपी के अलावा भी यूजी के बाकी खिलाड़ियों को अपना कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। और ये देखिए कोशिश अच्छी है, देखिए एपी अकेले, ओ रावण भाई फिर से 1v2, देखिए ये एपी की बदौलत हुआ है, ये एपी की बदौलत हुआ। और ये देखिए स्काइलर भी चली, लवली। ओ नहीं जावा बॉय से बहुत बड़ी मिस्टेक, जावा बॉय से बहुत बड़ी मिस्टेक, जय बनाम एपी 1v1। ओ माय गॉड एपी इज हियर, यू आर अ लेजेंड एपी,
यू आर अ लव। रावण भाई ये टैलेंट नहीं तो और क्या है? कहां गए वो लोग जो कहते थे झारखंड में टैलेंट नहीं है? निकल के आओ जरा, एक खिलाड़ी झारखंड का चार के बराबर है। कतई जहर में। आज के बाद कोई पूछना नहीं झारखंड का कोई खिलाड़ी है स्पोर्ट्स में, नाम लिख के रख लो और अगर लिख लिया है तो याद कर लेना ए पी इज हियर। झारखंड का लाल क्या कर रहा है कमाल, ए पी इज हियर, आंखों में अंगारे। और एक बार फिर से रावण भाई पागल एमटेन के सामने क्या कमबैक करा पाएगी यूजी? यूजी ये जावा जावा जावा, ओ माय गॉड, जावा को बैकअप की जरूरत है रावण भाई। अगर यहाँ जय भी डाउन है, जय भी डाउन है, जावा ने कमाल करके रखी हुई है। प्रिंस सिंह एपी 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 काफी लंबा फ्लैग लगा रहा है, जावा को हील करने का मौका चाहिए, जावा को हील करना पड़ेगा यहाँ पे। नितिन देखिए 3v2 है, अगर मुकाबला बाहर जाता है, मैं अगर यूजी की जगह होता तो बाहर बुलाता, मैं अगर यूजी की जगह होता तो डेफिनेटली बाहर बुलाता, क्योंकि हमारे पास एपी है और इस वक्त मैन टू मैन एडवांटेज है, अंदर घुस के लड़ने का लॉजिक है कि हम। ये देखिए नितिन नॉकआउट हो गए, अगर जावा दोबारा से नॉकआउट हो तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। और ये देखिए हो गई गलती, फंस गए एपी। एपी क्या हर बार एपी, ओह माय गॉड, रावण भाई ये क्या देख लिया मैंने। एपी 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 एपी, आज चाहे मेरा गला बैठ जाए, आज हैशटैग एपी रुकना नहीं चाहिए। कहां गई स्पोर्ट्स की ऑडियंस? हैशटैग एपी से दिस इज गॉडडैम टैलेंट, हैशटैग एपी एपी एपी, क्या बात है। अब तक रावण भाई लोग कहते झारखंड से स्पोर्ट्स प्लेयर कौन है? एक खिलाड़ी चार के बराबर, भाई साहब, अरे बाप रे बाप, व्हाट अ प्लेयर। क्योंकि मैं फुटस्टेप नहीं दिए, पता है ये खिड़की से ना वो खिड़की तक बैठ के गए, ठीक है भाई, और अचानक से खड़े होकर पट के दिया, पता ही नहीं था बंदे को बंदा कहाँ है। आई थिंक रावण भाई एपी के पास एक्सपीरियंस भी है, स्नाइपर भी है, पहाड़ी देखा, माफिया देखा, कसाना भी देखा हमने, लेकिन एपी ये वो खिलाड़ी है जिसको कई बार भारत के बेस्ट स्नाइपर्स के लिस्ट में कंपेयर किया गया कई खिलाड़ियों से। आई थिंक एपी के पास मौका है, यह 2022 शायद एपी जिया के नाम हो सकता है। भाई जय कोशिश कर रहे हैं एपी पे हमला करने की, और नाक में दम कर रखा है अकेले एपी ने। आई एम डैम श्योर इस वक्त टीम M10 में यही चर्चा चल रही होगी, भाई ये कौन है भाई, पगला वगला तो नहीं गया है, कौन है सामने, नाक में दम कर रखा है, हम चार चार असोल्टर और एक स्नाइपर आके क्लोज में हमारे को दिक्कत देगा। और रावण भाई अगर यूजी ने ये पहला राउंड पहला मैच निकाल लिया तो मैं बता रहा हूं ये एक ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा वोट दिए हैं पागल M10 को उनके तो होश ही उड़ जाएंगे कि ये क्या देख लिया हमने। ओह माय गॉड, दिस प्लेयर इज एब्सोल्युटली अ जॉर्ड। स्काइलर नाक में दम कर रखा है एपी ने, जब तक एपी खड़े हैं तब तक यहां पे खतरे की कोई बात ही नहीं है। देखिए रावण भाई चालाकी से अब ब्लू वॉल ब्रेक कर रहे हैं, गन रिलोड गन रिलोड गन रिलोड, और देखिए कितना तेजी से स्काइलर चली, ओ ब्लू वॉल गलत लगी है, ब्लू वॉल गलत लगी है, एपी को बैकअप की आवश्यकता पड़ेगी, और ग्लू लगा दी, देखिए रावण भाई बैकअप दिया उनके साथी ने, जावा ने ग्लू लगाई थी वो। अर्श नॉकआउट है, मौका 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 यूजी के पास, मौका जीजी कुमार एपी नॉकआउट है, प्रिंस से जावा वन, ओह माय गॉड, ओ यूजी का लाजवाब कमबैक, यूजी अंपायर यू ब्यूटी, वाह 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 वाह, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस ऑफ फायर पावर। टीम M10 जिन्होंने किसी को एक राउंड तक जीतने के लिए मशक्कत में डाल रखा था पहले मैच में, टोटल गेमिंग स्पोर्ट जैसी बड़ी टीम को हरा कर आए, लेकिन
यूजी एम्पायर ने भी यहाँ पे दिखा दिया, वी आर बैक एंड टेक अ बाउ यू ब्यूटी एपीज हियर, टेक अ बाउ, व्हाट अ गेम प्ले बाय एपीज हियर। चैट में चलना चाहिए गाइस, एपी 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 एपी, क्या बात है, कमाल हो गया। लेकिन रावण भाई अब आएगा मजा, बैक गया है रोहन, आ रहा है किंग ऑफ फ्रीस्टाइल, प्रेजेंटिंग यू ऑल द वे फ्रॉम राजधानी दिल्ली, आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हम द किंग ऑफ फ्रीस्टाइल पागल M10, आ रहा है वो यहाँ पे अपनी टीम का नेतृत्व करने के लिए। एपी 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 चल रहा है चैट में, ओ माय गॉड, एक ही रात में पूरे के पूरे सितारे बदल दिए। एपी इज हियर, ऑसम, रिस्पेक्ट फॉर एपी, चैट में चल रहा है। टीएसजी 11:30 बजे बोला गया इस मैंने, एपी इज सेकेंड पार्टी, नो ब्रो, एपी इज हियर इज जस्ट एपी। राण भाई पागल के आने की आशंकाएं यहां पे बढ़ चुकी हैं, एंड आपने एक्सपेक्ट करा था राण भाई ऐसा कुछ होगा, नहीं, पागल को अभी भी नहीं बुलाया गया है, पागल को अभी भी नहीं बुलाया गया है। लेट मी आक्स कि कहीं सब्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत ना करें, चलिए स्टार्ट करने बोला गया है, यानी मेरे को भी अभी रिप्लाई यही आया है कि वन मोर गेम टू देम। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, पागल M10 अभी भी मैदान से एब्सेंट। राउंड भाई एक और राउंड का मौका दिया गया है रोहन को, एक और राउंड दिया गया है रोहन को कि आप जाइए अपने आप को साबित कीजिए। पागल M10 ने एक और मौका दिया है, राउंड भाई टू लिटिल टू लेट तो नहीं होगा, क्योंकि जिस किस्म के फॉर्म में खेल रहे हैं एपी, नाक में दम कर रखा है इन्होंने। स्नाइपर स्नाइपर, एपी इज हियर भाई साहब, अमेजिंग सपोर्ट बाय प्रिंस सिंह। खतरा नहीं है अभी, यूजी के तीन प्लेयर से खतरा नहीं है अभी, सिर्फ एपी इज हियर से खतरा है। भाई साहब क्या फायर पावर है, क्या माशाल्लाह फायर पावर है। राउंड भाई इस टीम को मैं हमेशा काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, यूजी एम्पायर, कुछ दिनों से इनका थोड़ा सा प्लेयर्स का जो फॉर्म है वो गिरा था, क्योंकि टीम में कई बदलाव हुए, एपी अपने म्यूजिकल करियर की वजह से एब्सेंट थे, उसके अलावा आयुष जो है अपने कंटेंट क्रिएशन की वजह से ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, तो ईस्पोर्ट्स में यूजी की टीम को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी इन कुछ दिनों में, तो कई हेटर्स भी इनको जो है हेट करने लग गए, उल्टी सीधी बातें भी बोली गई, बट आज फाइनली उन्होंने दिखा दिया, एट द एंड ऑफ द डे टैलेंट और स्किल जीतता है, बक बक नहीं। एट द एंड ऑफ द डे API कम बैक करा, दिखा दिया उन्होंने किस किस्म का फायर पावर है उनके पास, और पता नहीं मेरी खांसी कब ठीक होगी। लुक एट एपी, ही इज सो हैप्पी। गेट पे आए क्या? नहीं, एपी मोट लगा रहे हैं। जस्ट अ सेकंड, लेट मी शो यू द मैच, मैं भूल गया था कि डिस्कॉर्ड पे स्क्रीन शेयरिंग नहीं चली है। राउंड भाई नाक में दम कर रखा है एपी जियर ने, ऐसे स्नाइपर शॉट्स शायद ही किसी ने देखे होंगे, और कुछ बुद्धिजीवी कह रहे हैं सेकंड पहाड़ी इज एपी, मैं कहूंगा ही इज द वन एंड द ओनली एपी जियर। चैट में सिर्फ एपी 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 चल रहा है, और कुछ पागल M10 के समर्थक भी कह रहे हैं वी नीड पागल M10, बट मैं बता दूंगा इस पागल की ओर से अभी तक रिप्लाई यही आया है, वन मोर राउंड फॉर द बॉयज, एक और राउंड दिया गया है उनके साथियों को। रोहन बनाम जावा बॉय, जावा बॉय का खूबसूरत शॉट UGI से, एक बार फिर से एपी, और जय को भी नॉकआउट, 1-0 की बढ़ाते हैं, यो जे, क्या बात है, यूजी एम्पायर। रावण भाई मुझे पता है मजा क्या है, रावण भाई एक तरफ एक ऐसी टीम है जो क्लैश में स्पेशलिस्ट है, किंग ऑफ फ्रीस्टाइल, लेकिन उसके सामने भी एक ई स्पोर्ट्स टीम ने दिखा दिया कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे एक्सपीरियंस भी मायने रखता है,
जिस तरीके से खेल रहे हैं, डेफिनेटली पागल एमटेन की टीम ऑन पेपर काफी मजबूत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने टोटल गेमिंग के सामने खेला, टाइकून्स के सामने खेला, अनबिलीवेबल। लेकिन यूजी इज अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट टास्क। अगर आप देखो, एपी ने आते ही दिखा दिया कि स्नाइपर आपके सामने माफिया भी आए होंगे, वो माफिया थे, हम एपी हैं भैया, और आए हैं तो आपको थोड़ा झारखंड का स्वाद जरूर चखा के जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें, एपी ने गजब ढाके रखी है, चैट में सिर्फ एपी चल रहा है, नाक में तम करके रखा हुआ है। रॉकी भाई, मेरी स्टेट कश्मीर से टीम्स बुलाइए। अप्रो, आई थिंक जियान इज फ्रॉम कश्मीर, ताहिर अली खान इज फ्रॉम कश्मीर, तो आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि कश्मीर से काफी सितारे हैं अपने पास। ये पिजिया चावा बॉय रण भाई, मैं बताऊं तो यहां पे अगर पागल M10 की टीम को मैं लीड कर रहा होता, तो इस वक्त मैं यही कहता, जितना ज्यादा हो सके हमें पहले मैचेस में, पहले राउंड में लीड चाहिए। अन्यथा अगर आप देखें, जैसे जैसे राउंड बढ़ते चले जाएंगे, और भैया सिचुएशन के हिसाब से एपी को मिलती चली जाएगी स्नाइपर, और एपी को स्नाइपर मिली तो यही होगा जो इस वक्त हो रहा है। जॉय डेफिनेटली क्लच गॉड है, बट माफी चाहूंगा, इस वक्त जिस किस्म का गेम चल रहा है, क्लच करना बड़ा मुश्किल होगा। जय ने बहुत ही खूबसूरत शॉट लगाया यहाँ पे, 1v3 इम्पॉसिबल टास्क फॉर जय। एपी जावा नितिन, अच्छी कोशिश, जावा बॉय को नॉकआउट कर दिया यहाँ पे जय ने, पर काफी ग्लू लग गई है यहाँ पे, रिवाइव भी मिल जाएगा जावा बॉय को। जय बिल्कुल अकेले, नीचे तो आना पड़ेगा। एपी लगातार किल पे किल किए जा रहे हैं, मुश्किलों में डाल के रखा हुआ है जय को, बाहर तो आना ही पड़ेगा। 1v3 इम्पॉसिबल टास्क, 1-0 से लीड में, और आज इतिहास रच देंगे। जावा बॉय के ऊपर खूबसूरत ड्रैग, इनस्कोप ड्रैग यहाँ पे जय द्वारा, अच्छी कोशिश, इस बार की बात नहीं बनी। ओ, एपी को भी नॉकआउट कर दिया, लेकिन इस बार नितिन का प्रहार, और 2-0 से यूजी एम्पायर एक बार फिर से लीड पे, 2-0 दे आर इन द लीड। ओ माय गॉड जी गाइस, हे पैंथर वाइटी थैंक यू फॉर द 100 rupees सुपर चैट, हेटेड इंसान थैंक यू फॉर द 400 rupees सुपर चैट, और यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है रावण भाई, देखने वालों को। रावण भाई, मुझे पता है किस चीज का मजा आ रहा है, मैं इस वक्त उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो ये कह रहे थे कि वन साइडेड जीत होगी, सिर्फ 18% वोट मिले थे, इनफैक्ट पहले मैच से पहले तो 15% लोगों ने वोट दिया था यूजी को। और मैं यहाँ पे वही सोच रहा था, क्योंकि गाइज मैच शुरू करने से पहले, लाइव आने से भी पहले, मैं और रावण भाई चर्चा कर रहे थे, और रावण भाई ने मुझे फुसफुसाते हुए यही कहा, टाइम पे पागल नहीं आया ना तो देर हो जाएगी। मैंने कहा श्योर, क्योंकि जय अभिमन्यु और कुमार वही है। बोला नहीं नहीं वहां पे एपी और प्रिंस सिंह जो है, नाक में दब करके रखा है इन्होंने, और रावण भाई जैसा कहा आपने वही देखने को मिल रहा है। देखिए रावण भाई का भी एक्सपीरियंस मानना पड़े, उन्होंने पहले कहा 100%, 1-2% नहीं, 100% चांस है कि अगर पागल M10 सही वक्त पे नहीं आए तो इस यूजी की टीम को रोकना असंभव है। ये देखिए रावण भाई, 104 ऊपर से खुजली, ऑलरेडी लीड में है यूजी, और स्नाइपर मिल गई इस स्नाइपर गॉड को, नाक में दम कर रखा है एपी ने, और यहां पे लड़ाई शुरू। जय डेफिनेटली इज अ गेम चेंजर फॉर द टीम M10, लेकिन रावण भाई यहां पे जय को भी बैकअप की आवश्यकता पड़ेगी। ये देखिए तेजी, और नहीं 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 नहीं, यूजी 3-0 से लीड में, 3-0 से लीड में है। रॉय भाई आई थिंक आज ईस्पोर्ट्स ने बता दिया कि अगर फ्री स्टाइल के खिलाड़ी आके ईस्पोर्ट्स खेल सकते हैं, हम तो ईस्पोर्ट्स वाले हैं, हम भी फ्री स्टाइल खेल सकते हैं। आज तो दिखा दिया भाई, कमाल कर दिया। रॉकी भाई, असम से कोई नहीं आता है क्या? ज्ञान ट्रोलेक्स फ्रॉम ज्ञान गेमिंग, क्या बात कर रहे हो? पागल का कैप्टेंसी मिस कर रहे हैं रॉकी भाई, दिक्कत हो जाएगी, पागल को जल्दी बुला लो। ब्रो मैं कैसे बुलाऊं, मैं तो मैसेज कर सकता हूं। रॉकी भाई हरियाणा से, टेक्निकल के है, स्कैरी है, बहुत से खिलाड़ी हैं। स्कैरी एक्चुअली बेसिकली जाट तो है, बट ही यूज्ड टू स्टे इन जयपुर, तो अब आपकी मर्जी है, आप उन्हें गिन भी सकते हैं हरियाणा में, नहीं भी गिन सकते। रण भाई जय को बहुत जल्दी कदम उठाने पड़ेंगे, वरना यहाँ पे चिड़िया चुके खेत वाला सीन है, और एपी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे।
के राउंड में सेटअप टीम कितना बड़ी भाई जी, थोड़ा बिना मारने का नहीं सोच रहे, बचने का सोच रहे, और उसका पूरा फायदा ना यूजी उठा रही है, ये बच रहे हैं तो उनको मारो ऐसे राउंड भाई। कहना पड़ेगा पहले टीम एमटेन भी अटैक कर रही थी, लेकिन जब से ये खिलाड़ी आया है ना उसके बाद हर कोई बचने की सोच रहा है नाक में। और भाई क्या साइटें चल रही है वहां पे, आई थिंक प्रिंस सिंह थे शायद, और बॉम के शोर मेरे कान में आ रहे हैं अभी भी। यहाँ पे अगर आप देखें जय नॉकआउट हो चुके हैं, रश आएगा, विजय कुमार के पास हेल्थ ही नहीं है, और रावण भाई मुझे लगता है यहाँ पे पागल M10 अगर अगले गेम में नहीं आए तो खेल खत्म, खेल खत्म यहाँ पे 4-0। ए भाई कहाँ गए वो लोग जो कहते थे भाई ईस्पोर्ट्स वाले कहना पड़ेगा राउंड भाई आज किंग ऑफ फ्रीस्टाइल पागल M10 की टीम के सामने भी यूजी का अचूक प्रदर्शन, क्या कमाल का गेम प्ले। रॉकी मामू कर्नाटक से राहुल सिंह था कि ब्रो उड़ीसा से कोई ईस्पोर्ट्स प्लेयर है, एरो गोल्डी इज देयर, उड़ीसा से हमारे विलेन 25 है संबलपुर से, बहुत से खिलाड़ी है भाई उड़ीसा के, एरो इनसेन है, बहुत से खिलाड़ी है भाई, एकादा की बात ही मत करो, दुनिया भर के खिलाड़ी है भाई। राउंड भाई मुझे एक भी खिलाड़ी ओपन टेरिटरी में नहीं दिख रहा है, और मैं टीम M10 की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ भारत में नहीं, अपने देश में नहीं, विदेशों में भी जाके झंडा लहरा के आए हैं, ओपन एरिया में ग्लू वॉल्स लगा के रश करते हैं, बट जब से एपी को देखा इन्होंने वो भी सोच में पड़ गए ये क्या देख लिया हमने। अभी कुछ दिन पहले टोटल गेमिंग ने हमारे सामने दी बेस्ट स्नाइपर प्लेयर ऑफ द इंडियन रीजन माफिया को लगा दिया था, लेकिन ये तो कुछ अलग ही है, ये ना तो स्विच हिट चला रहा है ना कुछ, ये ऐसे स्नाइपर चला रहा है जो कि चल रही है एक्यूरेसी से, इतना एक्यूरेट स्नाइपर चला रहे हैं, स्विच इतना नहीं कर रहा जी, जो भी मार रहे हैं ना, आपकी आवाज कम हो गई, हमारी आवाज जी। प्रिंस सिंह नॉकआउट, प्रिंस सिंह का खिला आएगा, ये मौका है टीम M10 के पास, ओ नहीं वाओ राहुल भाई क्या शॉट लगाया वहां पे जय को, क्या टीम को पीछे उड़ा के रख दिया एपीजिया ने, एपीजिया यहां पे नाक में दम करके रखा है राहुल भाई, हिलने का मौका नहीं मिल रहा है वहां पे, अगर आप देखें वहां पे पूरी टीम पीछे हट गई, और यहां पे टीम M10 को समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है हमारे साथ, मैन टू मैन एडवांटेज के बावजूद भी टीम को पीछे धकेल दिया, एपी के स्नाइपर ऐसे चल रहे हैं जैसे आग उगल रहे हो, वहां पे अगर आप देखें रोहन ओ भाई साहब रोहन भी नॉकआउट, लगातार मुकाबले में रोमांच जय के ऊपर एम गड़ा के बैठे हैं, ब्लू वॉल डेफिनेटली लगेगी यहां पे, जय कोशिश कर रहे हैं वहां से, जय पूरी कोशिश कर रहे हैं, जय शॉट, जय के ऊपर डैमेज आया है, अर्श भी नॉकआउट हो चुके हैं, जावा बॉय भी नॉकआउट हो चुके हैं, नितिन को टिके रहना पड़ेगा, नितिन को रिवाइव देना पड़ेगा, ओके किल सिक्योर दिला दी, जावा बॉय को रिवाइव देते हुए, जावा बॉय हो चुके हैं रिवाइव, सामने की तरफ बंदा, यहां पे पूरा मौका जय बना मेपी, क्या बात है, ओ माय गॉड राउंड भाई डिड यू जस्ट सी द शॉट, ओ माय गॉड राउंड भाई, आपकी हंसी के पीछे मैं ये शरारत समझूं या आपका डिसबिलीव कि आपको भी मेरी तरह पहले ही बोला था, मैंने पहले ही बोला था जी, एपी स्नाइपर को प्यार नहीं करते हैं, स्नाइपर इनसे प्यार करती है, मैंने पहले ही बोला, और राउंड भाई मानना पड़ेगा आपका एक और प्रेडिक्शन सही था, देखिए राउंड भाई बिल्कुल खुश नहीं थे पहले ही राउंड से, वो कह रहे थे पागल को खेलना चाहिए क्योंकि हल्के में ले रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें कमर तोड़ दी राउंड भाई, कमर तोड़ के रख दिया टीम M10 की, टीम M10 को समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है हमारे साथ, हर मैच में हम बढ़िया कर रहे हैं लेकिन अरे बाप रे बाप, रावण भाई पूरी टीम ऊपर जा रही है, और आप यकीन मानिए यहाँ पे कम से कम दो तीन का तो सफर, अरे भैया नहीं 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 नहीं, रावण भाई ये तो कुछ अलग ही फॉर्म में, यूजी दौड़ा दौड़ा के यहाँ पे पागल M10 की टीम को पीछे धकेल दिया, किसी को नॉकआउट, कमाल का शॉट वहां पे अर्श का बेहतरीन शॉट, और कहना पड़ेगा रावण भाई आज पूरी की पूरी ओपिनियन पोल की यूजी एम्पायर की टीम ने धज्जियां उड़ा के रख दी, और दिखा दिया हम आउट ऑफ फॉर्म हो सकते हैं लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम खेलना भूल गए हैं, वी आर स्टिल द यूजी एम्पायर, और आज भी राज हमारा ही चलता है। एपीजीआर की कमाल की सुप्रीम कमबैक, ट्रायम्फिक कमबैक, अर्श और कुमार पीछे हट गए, रावण भाई एक बार फिर से हीलिंग बैटल की कोशिश करेंगे, इस बार अर्श करेंगे,
कहना पड़ेगा राउंड भाई, एपी इस बार क्या मौका देंगे? मुझे नहीं लगता इस बार एपी ज्यादा मौका देंगे। देखिए जीजी कुमार खतरों से खेल रहे हैं, एपी के सामने ये काफी रिस्की कदम है। इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट स्नाइपर्स, क्या नितिन जावा को बचा पाएंगे? अर्श आ गए, दोनों खिलाड़ी ऊपरी सतह पे मौजूद। जावा को बचाने की एक कोशिश, यहां पे रिवाइव मिलेगा, बिल्कुल मिला, लेकिन जावा दोबारा से नॉक। वेयर इज एपी, एपी एपी शॉट का जो मेडिकेट है वो यहां पे समाप्त करने की अच्छी चाल। नीचे आए जीजी कुमार, एपी जी की ऊपर से कैमरा हट ही नहीं रहा है। टीम M10 से कई खिलाड़ियों के खाते भी नहीं खुले, अकाउंट ही नहीं खुला है। 5 राउंड हो चुके हैं, नाक में दम कर रखा है एपी ने। Oh my God! What was that? Oh, bye 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 bye! उन्हें बाप रे, रावण भाई नाक में दम कर दिया है, नाक में दम कर दिया है यहाँ पे। Oh, what a shot that was! What a shot that was! नितिन नॉक आउट भाई, एपी, एपी, एपी! रावण भाई, मुझे लगता है जो लोग बंदे बोलते हैं ना ओपी गेम प्ले, ओपी गेम प्ले, वो चेंज करके होना चाहिए क्या, एपी गेम प्ले, एपी गेम प्ले। गाइस हैशटैग एपी गेम प्ले, नॉट ओपी गेम प्ले, चेंज योर वर्ड्स, यू शुड टेक बैक योर वर्ड्स, इट शुड बी एपी गेम प्ले। और रावण भाई, रोकी भाई, रोकी भाई, टीम M10 वर्सेस एपी जीयर हो रहा है फिलहाल तो, मैं ऐसा देख रहा हूं, मुझे इतना दिख रहा है बस। एंड रावण भाई यकीन मानिए एपी ने नाक में दम कर रखा है वहां पे, और टीम M10 को समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये, नाक में दम कर रखा है एपी ने, ऐसा लग रहा है कोई अलग गेम चल रहा है। और टीम M10 अगर चल, अरे भैया रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहे। एपी, एपी एक बार फिर से, इस बार जय भी नॉकआउट है, क्या पीछे से अकेले स्नाइपर लेके जाएंगे रावण भाई? ये वही करने की सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ, अजीब बिल्कुल, लेकिन नॉकआउट है यहाँ पे इनके खिलाड़ी। एपी अलग ही गेम चल रहा है एपी का। Why? Oh my God! Oh my God! He is the sniper god for sure. एपी बनाम रोहन 1v1. एपी बनाम, ये क्या देख रहा हूं मैं? एपी बनाम रोहन 1v1, और पीछे हट गया रोहन। रोहन को पीछे हटना पड़ा 1v1. रोहन बनाम एपी, मौका है रोहन के पास वापसी कराने का। राउंड में अगर ये राउंड जिता दिया तो मैं एपी को कुर्सी में खड़ा होकर स्टैंडिंग ओवेशन दूंगा। सांस तो मेरी भी थम गई है, मेरे को लग रहा है पता टीम M10 अभी ये सोच रही होगी कि एक राउंड निकाल दे, 7-0 ना हो तो प्रेशर वो पूरा बना रहा है। अगर वाइट वॉश हुआ राउंड भाई, मैं स्टैंडिंग ओवेशन दूंगा इसी कुर्सी पे खड़ा होकर एपी को। अभी फिलहाल ना रोहन के ऊपर बहुत प्रेशर होगा क्योंकि ना पूरा समझ रहे हो ना जी, इनके ऊपर ही टिका हुआ है। और ये राउंड जीते तो 2-0 की लीड हो जाएगी यूजी के पास। नाक में दम कर रखा है भाई, ओ भाई, ओ भाई, कोई रोक लो एपी को। एपी, ओह माय गॉड, एपी इज हियर, यू आर जोर्ड, एपी इज हियर, यू आर जोर्ड। एपी भाई भगवान है। एपी इज हियर, आपके चरण कहां हैं? एपी इज हियर गाइस, द न्यू स्नाइपर गॉड, ओ माय गॉड। रावण भाई टीम M10 द किंग ऑफ फ्री स्टाइल की टीम को 7-0 से रौंद के रख दिया यहां पे यूजी ने। एंड द स्टार हिमसेल्फ एपी इज हियर, जितनी तारीफ करूं उतनी कम, एपी यू ब्यूटी। और रावण भाई आई थिंक ये यूजी का एक नया कमबैक है, ये कमबैक जो है यूजी को ईस्पोर्ट्स में काफी आगे लेके जाएगा, ये कमबैक आने वाले दिनों तक यादगार रखा जाएगा। 2-0 से यूजी एम्पायर लीड में है रावण भाई, अब लगातार 3 मैच अगर जीतती है टीम M10 तभी क्वार्टर फिनाले में जा पाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह चिन्ह, They need Pagal M10 or the game has been over right now.
एपी भाई जोड़ भाई, एपी भाई जोड़। हाँ एंड एपी रुक जाता तू। रण भाई एक और चीज और एपी कह रहे मैं थक गया। एक और चीज है रावण भाई कि पागल जी एम10 कैन स्टिल प्ले फ्रॉम द टीम ऑफ ज्ञान गेमिंग आल्सो, सुपर सब्स्टिट्यूशन में वहां पे भी खेल सकते हैं वो, बट इस वक्त टीम एम10 मुझे तो लग रहा है अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। 2-0 से लीड है गाइस, एंड जिन लोगों ने वोट दिए थे मैं उनको ढूंढ रहा हूं कहां गए। अरे भाई रण भाई जैसा कि एपी ने कहा मैं थोड़ा सा थक गया हूं। भाई 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 लगा लो दम, पूरा इट्स पूरा पूरा एपी। प्रेशर लिया था, पूरा प्रेशर लिया था एपी भाई ने अपने ऊपर। मतलब एक गेम ऐसा था ना कि मतलब 100 गेम खेल लियो एक गाइस साथ, वो सारे भी इतना बंदे कैसे एपी गेम होता प्ले प्लीज, सारे बंदे एपी गेम प्ले, सारे बंदे #एपी गेम प्ले, और चैट में सब लोग राउंड भाई 20,000 बंदे स्ट्रीम को देख रहे हैं, सबके हक्के बक्के चेहरे, सबकी सिट्टी पिट्टी गुल है कि ये हम क्या देख रहे हैं। पागल M10 की टीम, द किंग ऑफ फ्री स्टाइल की टीम को 7-0 से मात दे दी एपी। राउंड भाई एक और हेडशॉट, एक और हेडशॉट है इस बार किंग फर्स्ट फिशर से। क्या खेल रहे हैं एपी, अरे बाप रे बाप। और रावण भाई ने टास्क दिया एपी भाई क्या 15 किल कर पाओगे, एपी ने कहा मैं तो थक गया हूं। ब्लड। एपी इज हियर, क्या कमाल खेल रहे हैं। रावण भाई आई थिंक एक इंटरव्यू तो बनता है उनका, क्या कहते हो बिल्कुल 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 बिल्कुल। और गाइस इनकी क्या वॉइस लगता सुनोगे है। ना रोके भाई, जी इनकी वॉइस सुनोगे ना आपने, मैंने तो सुनी एपी भाई की वॉइस, जी बहुत प्यारी वॉइस है, बहुत प्यारी। इनका जो बोलने का टोन होता है ना, आप मतलब हंसते ही रहोगे, बहुत मस्त इंसान है। गाइस क्या लगता है क्या इंटरव्यू। ओ भाई रावण भाई रुकने का नाम नहीं ले रहे एपी। लगता है इन्होंने मेरी बात को सीरियस ले लिया है रोकी भाई, मेरी बात का सीरियस मतलब मेरी बात को ना सीरियसली लिया है लेट्स इन्होंने सी एपी भाई ने। गाइस, क्या हमें एपी इज हियर एंड यूजी एम्पायर का इंटरव्यू लेना चाहिए, बताइए भाई साहब। गॉड है गॉड, रॉकी भाई ये तो गॉड है। मैं गाइस अपने पास ऐसे ई स्पोर्ट्स में बहुत टैलेंट है, दिक्कत पता है क्या है, लोग सिर्फ जो है छोटी मोटी किस्सों के चक्कर में टैलेंट को भूल जाते हैं। एपी इज हियर इज वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपर्स, एंड डेफिनेटली चाहे इनको अवार्ड नहीं मिला, डेफिनेटली जिस सीजन वो खेल रहे थे उस सीजन इनसे ज्यादा पहाड़ी ने किल करे थे, इसलिए स्नाइपर ऑफ द ईयर पहाड़ी को मिला था, लेकिन एपी इनके टैलेंट पे कभी हमको डाउट नहीं था। एपी के जिस किस्म के एक्यूरेट स्नाइपर के शॉट्स लगते हैं शायद ही किसी के लगते हो। एंड ना सिर्फ एपी, देयर इज वन मोर प्लेयर अक्कू 08 जिसके बारे में मैं काफी जो है तारीफ करता हूँ, बट आजकल अक्कू दिखते नहीं है। फर्स्ट ब्लड भाई ये राउंड है वो जो शायद टीम M10 अपने कब्जे में कर सकती है। 1v4 एक आसान सा राउंड, और जय ने डबल किल करके एक एक की बराबरी करवा दी। जी गाइज आई लव पागल M10 रॉकी भाई, बट ये क्या देख रहा हूं मैं। देखिए गाइज इसमें मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पागल M10 को मैंने मैसेज किया, अभी तक सीन नहीं किया लास्ट मैसेज उन्होंने, अगर इन्होंने नहीं देखा है तो आई एम डैम श्योर, आई थिंक राउंड भाई शायद बिलीव भी नहीं करेंगे पागल M10 की, क्या बात कर रहे हैं आप। राउंड भाई क्या लगता है विल ही बिलीव। ना 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 नहीं कर लेंगे मेरे ख्याल से ना, जी ये टीम को ना एक वो दे रहे हैं कि समझो ना कि आप जी जी जीतोगे मौका दे रहे तो हैं। जी लोग, हाँ जीतोगे तो आपको मिलेगा ठीक है, हारने का जो होता है ना वो भी थोड़ा से हो ऐसा समझो ना, जी सिर्फ जीतने का स्वाद नहीं हार का भी स्वाद चखो थोड़ा, स्वाद चखो क्योंकि ये ई बस बस स्पोर्ट्स है राउंड बिल्कुल भाई, यहाँ आप बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल। पिटोगे। हेट नहीं देनी चाहिए जी किसी को, जी बट वो फेस करा रहे हैं आई थिंक। जी पिटना तय है, ई स्पोर्ट्स है ये, और यहाँ पे कोई भी टीम ऐसा नहीं कह सकती हम अजय हैं अमर हैं, हमको भी पिटाई पड़ी है। टोटल गेमिंग हो, इलीट हो, DSG हो, सबने कभी ना कभी तो मार खाई है। ये देखिए मौका मिल गया टीम फर्स्ट M10 को, ब्लड, टीम M10 अब अटैक कर रही है राउंड भाई, अब अटैक कर रही है। अब अटैक कर रही है, और अब आई थिंक
मौका भी है, दस्तूर भी है। बिल्कुल अकेले प्रिंस ही, प्रिंस सिंह बिल्कुल अकेले है और साइड से चल रही थी। और इसी के साथ 2-1 से लीड में टीम M10, कम ऑन टीम M10। रण भाई सारे बंदे यस लिख रहे कि एक इंटरव्यू तो बनता है। ओके जितने भाई लोग मुझसे बात करना चाहते हैं आप मुझसे डिस्कॉर्ड पे भी बात कर सकते हैं। भाई आज तो एपी का इंटरव्यू बनता है क्योंकि जिस किस्म से वो खेल रहे हैं। टीम कोई भी जीते रोगे भाई जी, टीम टैलेंट जीते, यूजी जीते, हाँ मैन ऑफ द मैच एपी भाई रहे हैं आज। टैलेंट तो होना चाहिए, बंदे बोल रहे हैं जोर। आज आई थिंक राउंड भाई यहाँ से कोई सरप्राइज कमबैक करके अगर टीम M10 जीत भी जाती है तो भी एपी का ये जो परफॉर्मेंस है ये काफी यादगार रहेगा, काफी यादगार रहेगा। क्योंकि कई लोगों ने कई टिप्पणियां की कि नए अपडेट के बाद स्नाइपर नहीं चलती और कई चीजें बदलाव की वजह से जो है नष्ट हो चुकी हैं, बट बिल्कुल नहीं, एपी ने दिखा दिया आज भी टेक्स्ट बुक स्टाइल, ओल्ड स्कूल स्टाइल में आप अगर एक्यूरेट स्नाइपर चलाएं आपको अब भी जो है काफी किफायती किल्स मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें खिलाड़ी मौजूद और जय बनाम एपी। ओ भाई राहुल भाई डिड यू जस्ट सी दैट, व्हाट अ एपिक हेडशॉट। एक और नॉकआउट। रावण भाई ये ऐसे ही खेलते चले गए, आने वाले दिनों में अगर यूजी एम्पायर कोई टूर्नामेंट लिफ्ट करे ना चैंपियनशिप में बिल्कुल सरप्राइज नहीं होने वाला। जिस किस्म के फॉर्म में कमबैक करा है एपी ने, ये तो कुछ अलग ही फॉर्म में है भाई। एपी सामने वाली टीम को मार नहीं रहे, रुला रहे हैं। अब क्लोज रेंज में स्नाइपर ऐसे चल रही है, इस तरीके से तो मैंने डबल बैरल नहीं देखी एक अरसे से चलते हुए। ओ माय गॉड, एपी जियर ने आज तो भैया कमर तोड़ के रख दी है और यूजी ने दिखा दिया फायर पावर बनाम फायर पावर है। एंड राउंड भाई आई थिंक अब टाइटेनियम भी थोड़ी सोचेगी कि हमें भी जॉन्टी गेमिंग को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बंदों ने वोटिंग करी थी सोच रहे थे एक तरफा शायद मैच होगा, पागल M10 की टीम फायर पावर बहुत आगे आसानी से जीत जाएंगे। भाई साहब यहाँ तो कुछ और ही कहानी चल रही है, नितिन को सिर्फ घूमना है, एपी को बस शॉट बनाने का मौका दीजिए। मैं लिख के देता हूँ रावण भाई 4v2 है बट एपी के ऊपर कोई रश नहीं करेगा, मैं लिख के देता हूँ आपसे। ट्विन डोर के बाहर कोई निकलने नहीं वाला है, ये मैं लिख के देता हूँ आपको। जिस किस्म से एपी खेल रहे भाई, रावण भाई ट्विन डोर के अंदर भी नॉकआउट कर दिया। मैं क्या देख रहा हूँ ये, अरे बाप रे बाप, तबाही मचा के रखी है भाई। डिस्ट्रक्शन का डेफिनेशन इज एपीज हियर। रावण भाई ये नाक में दम कर देगा अगर एकाएकात राउंड और इनके पास स्नाइपर टिक गई ना ये। अरे नहीं 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 नहीं, अर्श बिल्कुल पंगे मत लीजिए इनसे, टीम ने रेस्ट मार दी। इस बार गए एपी, इस बार कोई मौका नहीं। पूरी टीम ने, तीन बंदों ने रश लगाई है, नाक में दम कर रखा है एपी। प्रेशर तो आया रोकी भाई, जो बंदे अकेला तीन पे रश करता था ना जी, वो तीन बंदे मिलके अकेले पे रश कर रहे हैं, मतलब प्रेशर तो है टीम पे। रॉकी मामू अब एपी भाई चमकेंगे, अब बताएंगे एपी भाई वो कौन है और उनका औकात क्या है। सही बात है ब्रो, दिल्ली से प्लेयर नेम रॉकी मामू। राउंड भाई एक 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 एक, 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 एक मजे की बात सुनो, कुछ बच्चे लिख रहे हैं रॉकी भाई जय हैकर है, मैं पहली बार देख रहा हूं इस, अगर जय हैकर है तो उनकी टीम 7-0 से कैसे हार गई। राउंड भाई वाह भाई मैं पहली बार ऐसा देखा है, अगर मैं वो कमेंट को सीरियसली भी लूं कि अगर जय हैकर है तो उनकी टीम 7-0 से कैसे हार गई। ये कोई 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 गलत किस्म का हैक लगा लिया लगता है जय ने। राउंड भाई अब कुछ बंदे ये बोलेंगे अभी अपडेट आया ना इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा, अभी ये बोलेंगे का क्या ही होगा। ओह मैन कम ऑन गाइस चीयर अप यार। खान भाई फिर से आ गए क्या, छुट्टी पे गए थे कुछ दिन।
कम ऑन खान भाई, कुछ दिन से दवाई ले रहे थे, कुछ दिन से दवाई ले रहे थे, अच्छा फिर से अब साइड इफेक्ट हो गया है। अब नहीं ले रहे होंगे। जा भाई बिल्कुल अकेले। मैं वही सोच रहा हूँ कि रावण भाई मैं इस कमेंट का क्या जवाब दूं, क्योंकि जय अगर हैकर है फॉर एग्जाम्पल, एक पल को मैं इस कमेंट को मजाक में ही सीरियसली ले लूं, तो किसी हैकर की टीम 7-0 से कैसे हार गई? शॉट जाओ भाई। रिस्क ले रहे हैं जावा से, मुश्किल में पड़ सकते हैं, 4-2 की लीड है। जय दो स्नाइपर ले सकते थे, एक जावा बॉय से निकाल सकते थे, बट वो सिंगल ही चला है फिलहाल। एपी ने तो बहुत कम टूर्नामेंट खेली है, आज इतना अच्छा कैसे खेल रहा है, हैक और व्हाट? अरे ब्रो कम टूर्नामेंट का बात, रावण भाई आप इस बात से अग्री करो, कम टूर्नामेंट खेले एपी ने, क्या बोल रहे हैं भाई? एपी जी दवाई ले लो, दवाई ले लो, रिकॉर्ड उठा के, पुराने रिकॉर्ड उठा के दवाई दवाई ले लो गाइस। अगर जान लोगे ना तो तुम अपना भगवान बदल दोगे भाई, एपी जीयर वो नाम है। एपी जीयर ने टूर्नामेंट कम खेले, क्या बात कर रहे हो आप? कह रहे एपी जीयर ने टूर्नामेंट कम खेल रहे, आज अचानक इतना अच्छा कैसे खेला? अचानक तो बिल्कुल नहीं, आपको आपको मैं मेरे चैनल पे एपी के पुराने मैचेस दिखा दूं। एक एक टाइम था कुछ एक टीम थी, आई थिंक केके भाई की टीम थी, तीन बंदे बचे थे ठीक है शॉर्ट रेंज में, हाँ, और तीन बंदों को ना शॉर्ट रेंज में मारा था एपी भाई ने लास्ट में अकेले रह के। अभी भी हाईलाइट डली हुई है, चेक कर सकते हो आप। नहीं मैं दोष नहीं दूंगा, खान भाई को तो छोड़िए, वो तो बीमार है, खान भाई तो बीमार है। आई थिंक एक हां किसी की टीम थी, मेरे को प्रॉपर याद नहीं है। शॉट मिस नितिन, और 4-3 इज द स्कोर लाइन, और यहां पे लगातार एपी रुकने का नाम नहीं ले रहा, और बंदे रावण भाई तालियां बजा के कह रहे हेलो हेटर्स कैसे हो आप। और राहुल हंस रहे, नहीं गाइस आप लोग मुझे बताओगे कि मैं पहली बार ऐसा हैकर देखा है, जो जो मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि जय अगर हैकर है तो भाई जय की टीम 7-0 से कैसे हार गई? मतलब जय ने ऐसा हैक लगाया जिससे उनकी टीम हार जाए? मतलब जय तुम ये बोलना चाहो जय दुश्मन की साइड से आया है। जय का शायद ऐसा हैक लग गया होगा, फ्रेंडली फायर ऑन हो गया होगा खुद खुद पर खुद, हाँ अपने 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 ही लोगों को मार रहे होंगे। नहीं क्या बोल रहे हो गाइस, थोड़ा प्लीज थोड़ा सेंस तो हो, एटलीस्ट आपके कमेंट को थोड़ा सीरियसली तो ले कोई, सोच के देखो कोई मेरी तरह 30 का नहीं, कोई 20 से 25 साल का भी कोई होगा वो सोचेगा भाई क्या बच्चे यार क्या बोल रहे हैं भाई, जो टीम 7-0 से हार गई वो कैसे हैक यूज करेगा भाई? भाई एपी भाई आ गए फिर फॉर्म में। और रावण भाई अगर कोई ये कहे कि एपी हैक यूज कर रहे हैं तो मैं बता दूं एपी ने हेडशॉट कम बॉडी शॉट ज्यादा मारे, और अगर बॉडी शॉट हैक होता है तो फिर मैं भी हैक करूं। प्रिंस सिंह का लाजवाब हेडशॉट, 4-4 की बराबरी। खान भाई दवाई खत्म हो गई क्या आपकी? पहाड़ी को बुलाओ उसके सामने ये बच्चा है। ब्रो आप लोग कंपेयर क्यों करने लगते हो यार, मुझे समझ नहीं आता आप कंपेयर क्यों करते हो। भी रोकी भाई आपको भी दे रहे हैं, रोकी प्रेडिक्शन हैकर है। अब मैं प्रेडिक्शन हैकर हूं दैट इज ओके, बट भाई एंड नॉट, मैं मुझे ये चीज बहुत खराब लगती है जब कोई कंपेयर करता है ना, पहाड़ी को एपी से करो, माफिया को इससे करो उससे करो, वो गलत चीज है। सब सबका खेलने का तरीका अलग अलग है। AP is more of a accurate sort of a sniper. आप देख रहे हैं ये वो switch hit बहुत ज़्यादा नहीं लगाते, ये उस किस्म का खिलाड़ी है जो सिर्फ अपनी accuracy पे focus है। एक और ऐसे इन्हीं के तरीके से खिलाड़ी है राउंड में up to 08, वो भी बहुत बढ़िया खेलते हैं। बॉस में थे ये नॉकआउट कर दिया, AP नॉकआउट। प्रिंस सिंह का शॉट, खूबसूरत शॉट, नॉक करने में असमर्थ रहे, नॉक हो जाएंगे प्रिंस भी, एक खिलाड़ी नॉक, लेकिन बात नहीं बनेगी। 5-4 टीम M10 इज इन द लीड, फॉर्म में आ रही है टीम M10। हेटर्स की जली रॉकी भाई, अरे
अरे भाई वो बात नहीं है, हेटर हेटर्स का बात छोड़ो, मैं सिर्फ इतना क्या इतना पूछना चाहता हूँ, न्यूट्रल हो गए ठीक है, मान लो आप बिल्कुल मेरी तरह हो, किसी के सपोर्टर नहीं हो ठीक है, चाहे यहाँ पे टीजी के सपोर्टर्स हो, ऑरिंगटन के हो, टीएसजी के हो, यूजी के हो, किसी के भी हो, पागल के हो, किसी के भी हो, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस कमेंट का क्या जवाब दूं मैं कि जय हैकर है, अगर जय हैकर है तो जय की टीम 7-0 से कैसे हार सकती है, हरा नहीं 7-0 से हार कैसे सकती है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं अगर मैं उस कमेंट का क्या जवाब दूं मैं, मतलब क्या खाली जय का फ्रेंडली फायर ऑन हो गया था, उन्होंने अपने ही साथी मार दिए, ये कहने का मकसद है आपका? ओ माय गॉड, दिल्ली से प्ले कर, मेरे को भी खेलना है यार, कुछ बताओ रॉकी भाई। अरे डेफिनेटली, अरे यार क्या नोक मन निकाला है दिल से पे भी भाई ने, कमेंट पे ध्यान था, सॉरी। एंड ओके ओके ओके, रोमन का किल सिक्योर अभी तक नहीं कर पाए, अब किल सिक्योर। और भाई 3v2 फाइट, एपी इज हियर अपने डबल स्नाइपर से आगे बढ़ते हुए, नाक में तम करके रखा हुआ है। पागल M10 की टीम को बिल्कुल सरप्राइज एलिमेंट में रखा हुआ है, शायद कोशिश कर रहे हैं फिर पंगा, एपी इज हियर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, नए अनोखे फॉर्म में एपी एक बिल्कुल नए अंदाज, एक बिल्कुल नए फॉर्म में वापसी करते हुए एपी जेयर इन यूजी एम्पायर, कमर तोड़ के रखी हुई। जावा पे रस करा ना रुकी भाई तो निकाल लेंगे एपी भाई, मुझे तो नहीं लग रहा जावा पे कोई भी संजोग में रश करना समझदारी की बात है इस वक्त, क्योंकि एपी स्नाइपर को भी डबल बैरल की तरह चला रहे हैं, जावा पे डैमेज हुआ है, अब शायद रश करें कोई रिस्क लेगा। तो जय तेजी से आगे आए हैं नीचे, कोशिश कर रहे हैं एपी का नाम जय, खतरों से खेल रहे हैं, एपी इतनी आसानी से हाथ में आएंगे नहीं। देखिए पेशेंस, स्काइलर कहीं पे चली, शॉट, ओह जावा बॉय नॉकआउट, ये गड़बड़ हो गई शॉट, लेकिन जय ने क्वात्रा किल कर दिया, टेक अ बाउ जय, वेल प्लेड जय, 6-4 राउंड बाय, फाइनली टीम M10 के पास मौका कमबैक करने का, एपी भाई मार ही डाला रे भाई, अब तो ऐसा लग रहा है कि सेल में कपड़े बेच रहे हैं, दे दो भाई 150 का दो राउंड भाई, राउंड भाई बंदे कमेंट पढ़ो, कह रहा है रॉकी भाई खेल नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है सेल लगी है, 150 के दो डेढ़ सौ के दो, मतलब समझ रहे AWM के शॉर्ट्स की बात कर रहा है, क्या है 150 के दो चल रहे हैं वहाँ पे भाई, सेल लगी पड़ी है, मस्त कमेंट है भाई, ऐसा लग रहा है सेल लगी पड़ी है, 150 के दो भाई, ओह भाई APCN ने नाक में दम करके रखा हुआ है, जय ने सबसे ज्यादा किल करे हैं यहाँ पे, शॉर्ट है भाई, प्रिंस सिंह को नॉकआउट कर दिया, रिवाइव देने की कोशिश, जल्दी से रिवाइव दिया गया है, लेकिन क्या बात बनेगी, एपी अभी तक पहुंचे नहीं है, एपी फाइनली ऊपर आ चुके हैं, एपी बनाम अर्श और लगातार शॉट्स चल रहे हैं यहाँ पे, जय और अर्श यहाँ पे अकेले, नॉकआउट कर दिया जावा भाई को, नॉकआउट है प्रिंस सिंह भी तेरी से आगे बढ़ते हुए, नितिन 2v2 फाइट है, नितिन फंस गए, एपी के पास बैकअप का ज्यादा चांस था, ओके नितिन के साइड से ही आना पड़ेगा, पीछे से अगर आते हैं तो एपी नाक में दम कर देंगे जी, एपी के साइड से तो रिस्क ही नहीं ले रहे हैं राउंड भाई, वहां पे 150 के दो हो जाएंगे ना जी, तो गाइस सेल लगी है 150 के दो क्या यहाँ पे एपी जिया एक बार फिर से लगा पाएंगे सामने वाली टीम की सेल, ये गलती कर, ओ भाई राहुल भाई व्हाट द हेल वाज दैट, रिवाइव हो जाएंगे राहुल भाई, इस वक्त तो अर्श की सांसें फूली हुई हैं, नहीं गलती कर गए एपी, रिवाइव हो जाएंगे और अब 1v2 खेलना पड़ेगा, और इसी के साथ 7-4 कमबैक बाय टीम M10, टीम M10 का लाजवाब कमबैक, स्टैंडिंग ओवेशन, 7-4 इज द स्कोर लाइन, और 2-1 से कमबैक करते हुए टीम M10, रावण भाई अगर अभी भी नहीं आए
पागल M10 तो दिक्कत हो जाएगी। मानना पड़ेगा इस मैच में भी 6 किल और 4000 से ज्यादा का डैमेज एपीजीए का, लेकिन जय 13 किल करके एक बार फिर से कमबैक कराते हुए। तो गाइस 2-1 है स्कोर लाइन, यूजी एम्पायर 2 मैच जीत चुके हैं और 1 मैच जीता है टीम पागल M10 ने। कॉन्ट्रा फामोस ये क्या होता है? पता नहीं। फुल मजा आ रहा है एपीजी कह रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। एपीजी कह रहे हैं मुझे फुल मजा आ रहा है। वैसे एपी आपको तो मजा आ ही रहा है, देखने वालों को और ज्यादा मजा आ रहा है। रण भाई 2-1 स्कोर लाइन हो चुका है। अगर यहाँ पे पागल M10 की टीम ने वापसी कर ली तो 2-2 की बराबरी हो जाएगी, लेकिन अगर यूजी जीतती है तो खेल यहीं पे खत्म। क्वार्टर फाइनलिस्ट बन जाएंगे, पहले क्वार्टर फाइनलिस्ट। आगे बढ़ते हुए यूजी कमर तोड़ के रखी हुई है सामने वाली टीम की, एंजॉय कर रहे अपने गेम को एपीजिया। रॉकी भाई ओनली स्नाइपर क्लैश करवाई है, मैं बता रहा हूं ये जय नहीं जय वाईटी है रॉकी भाई। ट्रिपल किल कर दिया रोहन ने, अपने पोजीशन का पूरा फायदा उठाया। 1-0 से लीड में टीम M10। रॉकी भाई माई सेल्फ आलिफ, हेलो आलिफ, कैसे हो आलिफ? जितने भी भाई लोग देख रहे हैं दनादन 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 लाइक ठोको गाइस, लाइक ठोको, लाइक ठोको गाइस, लाइक ठोकिए गाइस। और राहुल भाई बिना कहे 20,000 लाइक कर दिए पब्लिक ने, बिना कहे। वुड यू बिलीव दैट? जिस पल पागल M10 की टीम हटेगी सबकी फटेगी। आप टेंशन मत लिया करो रॉकी भाई, जिसकी जलती है जलने दो अच्छे से। टीम M10 के जो फैंस है ना उनमें खुशी की झलक। जबरदस्त शॉट और इस बार पूरी की पूरी यूजी की टीम के ऊपर भारी पड़ गए और एपी अब तक पहुंचे नहीं थे। ओ भाई राहुल भाई व्हाट द हेल वाज दैट? क्या कमाल का, वहां पे मैंने ऐसा लगा सिर नहीं, ऐसा लगा कोई कलिंगर फूटते हुए देखा हो। दूसरे माले से इतना बड़ा कलिंगर जब हम फेंकते हैं ना राउंड भाई, वो फूट के जैसा होता है, वैसे मैंने देखा जय का माथा फूटते हुए। भाई ये M1014 ऐसे चला रहे हैं जैसे मजाक चल रही हो, और साथ में है इनके P90। राउंड भाई 3v1 है फिर भी कोई एपी पे रश नहीं कर रहा है, नाक में दम कर रखा है एपी ने। अलग ही लेवल का गेम प्ले, बट इस बार ग्लू नहीं है एपी के पास अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। सतह पे बंदे नीचे कोई मौजूद नहीं है। एपी एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और एपी ने रस लगा दिया 3 बंदों पे। रावण भाई ये मैं क्या देख रहा हूं, 3 बंदों पे एपी ने रस लगा दिया और बाकी के 3 बंदे पीछे हट रहे हैं। शॉट, लेकिन यहां पे बात नहीं बनी। एंड यहाँ पे पागल M10 वापस आ चुके हैं। राउंड भाई ब्रेकिंग न्यूज़, पागल M10 आ चुके हैं, पागल M10 आ चुके हैं, एंड ही इज वेरी वरिड। वो कह रहे हैं मेरी टीम ने स्टार्ट करवा कैसे दिया। मैंने कहा उन्होंने बोला स्टार्ट करने तो हमने कर दिया। ही इज सेइंग मुझे नेक्स्ट मैच में किसी भी हालत में आने दो। एंड लेट मी टेल यू व्हाट, पागल कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा अब, लेकिन अगर ये मैच नहीं जीतती आपकी टीम तो शायद पागल M10 के लिए मैच ना होता। बिल्कुल 1 हो जाएगा। चावा बॉय, अरे भैया फर्स्ट ब्लड, उन्होंने लगाई है सही टाइम पे, शॉट है भाई, लेकिन पीछे से भी बैकअप आया एपी। इस बार एंगल नहीं बन पा रहा है। ओ
और जीजी कुमार को भी रिवाइव दे दिया गलत कदम नितिन द्वारा, नॉकआउट किल्स को सिक्योर नहीं करा, गलती कर गए। नितिन थोड़े से प्रेशर में, राउंड में न्यू खिलाड़ी है। ये एपी को देखिए खुश हो रहे हैं, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें यहाँ पे कोहराम मचा के रखा हुआ है। राजस्थान से कौन कौन है भाई? मैं यहाँ पे पहले एक मैच कास्ट कर लूँ, फिर उसके बाद आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। हेलो ओपी सरकार, हेलो। और भाई 10:30 बजे मैच होना है टाइटेनियम वर्सेस जॉन्टी गेमिंग का, लेकिन अगर आप देखें इस वक्त दिलों की धड़कनें तेज हैं। क्या पागल, M10 आएंगे, वापसी कर चुके हैं, वो मैसेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं आ तो गया था, चालू करवा दिया क्या? मैंने कहा हाँ, 2-1 से लीड में है इस वक्त यूजी। नितिन गलती कर गए, शॉट पहला बंदा जरूर नॉक करा है। और यहाँ पे 3-0 की लीड। रण भाई इस वक्त टीम M10 के पास भी मौका है 7-0 से बदला लेने का, 7-0 से पागल M10 के पास भी मौका है बदला लेने का। और अगर ये बदला इन्होंने ले लिया तो कमाल हो जाएगा, फिर यूजी और इनकी मैच बराबरी पे आ जाएगी, और पागल M10 अगर लास्ट मैच में आते हैं तो पासा पलट जाएगा। अरे अभी यूजी इसी जगह से खेल लेना, मतलब उनके बंदे वहाँ वहाँ उनकी पोजीशन है कि वहाँ से AP भाई कवर नहीं दे पा रहे उनको, वो एक ऐसी जगह पे रहना पड़ेगा जहाँ से AP भाई उनको कवर दे पाए 150 के 2 150 के 2। पर भाई वैसे भी अब तक का गेम अगर मैं देखूं तो इस पूरे मैच में AP को स्नाइपर भी अभी अभी मिली है, लास्ट राउंड में मिली थी, लेकिन लास्ट राउंड में तो बहुत जल्दी रश कर दिया अर्पिन सिंह नॉकआउट। एपी को सिर्फ एपी की स्नाइपर बचा लेंगे जी, ना सिर्फ एपी की स्नाइपर बल्कि एपी का टीममेट का बेहतरीन कवर जो है बचा कर रख रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड से एपी पे हमला हो सकता है, गलती कर रहे हैं। नॉकआउट प्रिंस सिंह दोबारा से, और बार बार एपी प्रेशर आ रहा है, बार बार प्रेशर आ रहा है, हर बार एपी नहीं करके देंगे। 4-0 से यहाँ पे टीम M10 लीड पे, पागल इज बैक, मजा आ रहा है रॉकी भाई, मजा तो आना भी चाहिए क्योंकि अब पागल M10 भी वापसी कर रहे हैं, और पागल M10 वापस आ चुके हैं, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। वेर इज पागल M10? नेक्स्ट मैच में आ रहे हैं, ही टेक्स्टेड मी, उन्हें कहा मैं आ रहा हूं, बिल्कुल भी स्टार्ट मत कीजिएगा। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है, तेजी से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जीजी। ओ डैमेज आ गया कुमार पे, और अब एपी बरसे राउंड भाई, अब दिक्कत में डाल देंगे ये। शॉट है भाई, शॉट बिल्कुल, रोहन को यहाँ पे संभलने का मौका नहीं। और राउंड भाई जिस चीज की मैं बात कर रहा था, स्नाइपर अभी तक आई नहीं थी, अब कायदे से इनके पास स्नाइपर है, अब कायदे से टीम भी आगे जा रही है 4-0 स्पीड में। मैं देखना चाहूंगा क्या यूजी यहाँ से ये मैच जीत पाएगी, क्या एक और मैच जीत के पागल M10 बराबरी कर लेंगे, उसके बाद दोबारा से लास्ट मैच में घमासान फाइट होगा। टाइटेनियम बनाम जॉन्टी गेमिंग का मैच होना है, हर कोई यहाँ पे उस मुकाबले के लिए उत्सुक हो रहा है। फंस सकते हैं यहाँ पे, जय को नॉकआउट कर दिया अकेले, और यहाँ पे डबल किल, 4-1 से दमदार वापसी, यू जे, क्या बात है, कमाल का मुकाबला। रॉकी भाई कहाँ से हो? मैं सर सूरत गुजरात से हूँ, तो सारे के सारे भाई लोग मुझे सब्सक्राइब करें, तो गुजरात से हूँ बोल के नहीं, अच्छा कास्टर बोल के, तो वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक करें, उसके ऊपर क्लिक करके जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल्स को जरूर दबा दीजिएगा। गाइस देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे, जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। रॉकी न्यू लाइनअप, रॉकी का न्यू लाइनअप, मेरा न्यू लाइनअप होने वाला है, अच्छा ऐसा है क्या? जितने भाई लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो गाइस, 600 सब्सक्राइबर्स मोर टू गो फॉर कंप्लीटिंग 1,260,000 सब्सक्राइबर्स, 1,260,000 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए मुझे 600 सब्सक्राइबर और चाहिए। आप लोग सब्सक्राइब करोगे कि नहीं करोगे? करना पड़ेगा, मुझे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक करो, उसको क्लिक करके मुझे बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाओ, क्योंकि पागल M10 जो है आने वाले, और इस मैच का टोटल लाइक टारगेट होने वाला है पूरे मोर देन 26,000 लाइक्स, 26,000 से ज्यादा का लाइक टारगेट तो बनता है गाइस, मैं तो कहूं 27,000 भी आप कर सकते हो। वो जो थम्स अप वाला क्लिकिंग का बटन है उसके ऊपर क्लिक करो, उसके ऊपर क्लिक करके फटाफट लाइक कर दो। राउंड भाई एक बार फिर से यूजी कमबैक करते हुए दिख रही है यहां पे, फंस गए रोहन बिल्कुल अकेले, प्रिंस को जरूर नॉकआउट किया, लेकिन उसके बाद दोबारा से डबल किल और 4-2,
और यूओजी से एपीएल जीरा एक बार फिर से निगाहें यहाँ पे दिखाते हुए 4-2 इज द स्कोर। जितने भाई लोग देख रहे हैं वो जो थम्स अप वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करके फटाफट लाइक करो गाइज, जल्दी लाइक करो गाइज। इस मैच का टोटल लाइक टारगेट होने वाला है 26,000। क्या आप लोग 26,000 से 30,000 के बीच में लाइक टारगेट पूरा करेंगे? मुझे आप पे पूरा यकीन है क्योंकि आज दमदार मैचेस हो रहे हैं। आज अगर हम लोग देखें जिस किस्म के मैचेस हमको आज देखने को मिल रहे हैं, इट इज जस्ट कमेंडेबल। कौन जीतेगा इस टूर्नामेंट ग्रैंड फिनाले ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन और रावण भाई फिर से एपी, हर बार एपी ने नाक में दम करके रखा और जय को तो हिलने भी नहीं दे रहे हैं। गरज भी रहे हैं और ब्रश भी रहे हैं। अरे भाई एक बार फिर से, इस बार रोहन ऐसा लग रहा है ग्लू हटी तो दुर्घटना घटी। चावा बॉय को समाप्त कर दिया जय, नितिन भी नॉकआउट और शॉट। ओ भाई रॉय भाई दो डाउन, दो गोलियां दो डाउन। ओ माय गॉड व्हाट व्हाट Oh my god! What the hell was that? Hashtag oh my god! G guys, hashtag OMG in the chat! Rahul bhai APC is back! G guys! Okay bhai, jo log likh rahe the na chat mein, एपीसीआर हैकर है, अब लिखो ये दिलों का हैकर हो सकता है गेम में नहीं। माय गॉड #OMG in the chat एंड वन लाइक, एक लाइक तो बनता है एपी के लिए। वो जो थम्स अप वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करके लाइक करो आप लोग। आप जी गाइज जहां पे आप लोग लाइव देख रहे हैं उसके बिल्कुल नीचे देखिए एक थम्स अप का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके वन लाइक फॉर एपीजीआर फॉर हिज एपिक एपिक कमबैक। जी गाइज #OMG in the chat आपने नहीं लिखा तो फिर आप बिल्कुल भी ईस्पोर्ट्स को सपोर्ट नहीं करते हो। #OMG in the chat रॉकी मामू यू आर ग्रेट कास्टर इन होल फ्री फायर कम्युनिटी, थैंक यू। रॉकी अंकल आपकी शादी हो गई? नहीं बस अभी शादी तय ही हुई है। गाइज AP is here। रावण भाई आई थिंक आपको हाईलाइट भी मिल गया और ये हाईलाइट अगर नहीं डाली रावण भाई तो कई लोग खफा हो जाएंगे। स्पेशल आएगी, मोंटेज आएगा, मोंटेज इसको द न्यू स्नाइपर गॉड है। रावण भाई क्या कहते हो, द न्यू स्नाइपर गॉड भाई साहब बैटल इन फ्री स्टाइल में, बैटल इन टेक्सटबुक स्टाइल के एपीजीआर ने आज कमाल करके दिखा दिया। हाय साहब और नाक में दम करके रखा हुआ है। स्काइलर चल रही है एपी को परेशान करने की लगातार कोशिश, सारे ग्लू वॉल खत्म। रणा भाई कुछ खिलाड़ी तो अपनी जगह ही नहीं बदल रहे, ये सोच के कि अगर एक आध सेकेंड और मौका दे दिया तो एपी चांस नहीं देंगे। रोहन नॉकआउट है, जाओ भाई नॉकआउट है, पर भी खिलाड़ी मौजूद और जय ने कोई मौका नहीं गवाया। जय को सिर्फ एपी के लिए तैनात किया गया है। प्रिंस सिंह और बहुत ही प्यारा शॉट प्रिंस सिंह का। जय अर्श रोहन भाई अगर मौका मिलता है तो मैं तो पागल एमटेक की जगह हूं तो बिल्कुल मौका ना छोड़ू। चांस देना अच्छी बात है बट यहां तो मुझे लग रहा है चिड़िया चुके खेत वाला सीन है। और ये देखिए 4-4 की बराबरी। ओ माय गॉड #OMG तो चैट में चलना ही चाहिए। भाई साहब भाई चैट में OMG चल ही रहा है और चलना भी चाहिए। जिस किस्म से फॉर्म में खेल रहे हैं वहां पे एपी, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में सुर्खियां बनने वाली हैं। जल्दी से जल्दी लाइक करो गाइस, वो जो थम्स अप वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करके फटाफट से लाइक कर दो गाइस। फिर से एक बार रावण भाई एपी ने क्या कहूं मैं। और ये लीजिए 5-4 टीम दोबारा से लीड में।
अरे भाई रावण भाई, आज अगर इनका इंटरव्यू नहीं लिया तो स्ट्रीम बंद कर देना पड़ेगा फिर तो, मुझे लग रहा है पब्लिक जीने नहीं देगी। मैं फोन करूंगा स्पेशली जावा भाई पूरे बाप रे बाप। इंटरव्यू तो पूरी टीम का बनता है बट एपी का जरूर बनता है भाई साहब। आई थिंक द डे वे इंडिया हैड एक्चुअली सीन द पोटेंशियल ऑफ एपी राउंड भाई, ये टैलेंट हमेशा से मैं कहूंगा सबसे ज्यादा अंडररेटेड रहे हैं एपी, बट आज एपी ने दिखा दिया अपनी वैल्यू, आज एपी ने दिखा टैलेंट दिया। टैलेंट झुकता नहीं रोगे भाई, टैलेंट बिल्कुल झुकता नहीं, टैलेंट नहीं झुकता है, हो सकता है देर लगे नजरों में आने के लिए लेकिन टैलेंट टैलेंट ही होता है और आज एपी ने दिखा दिया। मुझे जहां मौका मिलेगा मैं बिल्कुल साबित कर दूंगा मैं वाकई में इंडिया के बेस्ट स्नाइपर्स में से एक का खिताब डेफिनेटली डिजर्व करता हूं। देखिए राउंड भाई फिर से जय के ऊपर एम, दाएं बाएं देखिए क्या कवर दे रहे हैं एपी, हर्ष को नॉकआउट, दोनों साइड कवर दे रहे हैं, दोनों साइड कवर दे रहे हैं। तो अगर आप देखें देखिए जा भाई नॉकआउट, एपी क्लोज में चले गए स्नाइपर लेके, दाएं बाएं हर तरफ नितिन भी डाउन है, बैकअप दे रहे हैं, देखिए प्रिंस सिंह के बगल से दे रहे हैं ताकि प्रिंस के ऊपर अगर कोई जंप अटैक करता है मौका मिले। नाउ 1v1 जय बनाम एपी, जय जय बनाम एपी, जय बनाम एपी, जय बनाम एपी 1v1। इस बार जय की मैक 7 सही चली और एपी की ओम का शॉट मिस हुआ, 5-5 की बराबरी। रॉकी भाई वन साइड सपोर्ट मत कीजिए, मैं कहा वन साइड सपोर्ट कर रहा हूं ब्रो, वन साइडेड गेम प्ले चल रहा है, एक तरफ पूरी टीम M10 और एक तरफ सिर्फ अकेला एपी। अगर आपको लगता है मैं वन साइडेड सपोर्ट कर रहा हूं तो आप पागल हो ब्रो, यू आर मैड। मैं सपोर्ट किसी को नहीं कर रहा ब्रो, मैं कास्टर हूं, सपोर्टर नहीं। एपी कौन सा बड़ा यूट्यूबर है, वन साइडेड कहां, क्या बात कर, क्या बात कर रहे हो गए, मैं भी वही सोच रहा हूं। वन साइडेड अगर गेम प्ले चल रही है तो उसे मेरी गलती नहीं है। प्रिंसिंग डाउन और भाई फिर से जीजी कुमार को नॉकआउट कर दिया एंड जय इज प्रीटी मच अनकंफर्टेबल टू टेक अ फाइट। पीछे हटे, पीछे हटे, क्या बैकअप दे पाएंगे एपी उस एंगल से, मुश्किल है, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा शायद, शायद बाई तरफ से जाने की कोशिश करे। जावा बॉय इस बीच नॉकआउट हो गए, लेफ्ट हैंड साइड से बैकअप आने की कोशिश जय की, जय नॉकआउट हो गए, नितिन ने खूबसूरत बैकअप दे दिया वहां पे और अब नितिन को बैकअप दे रहे एपी। फिर से मुकाबला 2v2, 5-5 की बराबरी पे मुकाबला, नाक में दम कर रखा है एपी। रोहन और अर्श पूरी कोशिश करे, टीम M10 को आज वाकई में कॉम्पिटिशन मिल गया। रोहन अर्श नितिन एपी भाई, साहिल नशे में तो नहीं है, क्यों, क्यों? मुझे मैसेज करे रॉकी भाई आज लाइव नहीं करोगे क्या क्या हो क्या गया है भाई? अरे अभी ना साहिल लिंक स्पैम कर रहा था, रजिस्टर डिस्कॉर्ड से करा है, मैंने उसको फोन करा, मैंने कहा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया उसका, 15 दिन हो गया अभी क्यों कर रहा है, मैंने कहा तो चलो अरे अच्छा है क्या, मैंने कहा भाई साहिल अलग ही लेवल है अपना साहिल। स्काइलर एक बार फिर से एपी आगे बढ़ते हुए, एपी 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 नितिन को बैकअप देने की कोशिश, नितिन नितिन को बैकअप देना पड़ेगा, नितिन बना में एपी निकल लेंगे। अर्श नितिन अर्श रोहन रोहन आर्श रोहन, क्या यहाँ पे कुछ ना, स्काइलर चली नितिन नॉकआउट, एपी डैमेज, एपी भी गए, एपी भी गए, एपी यहाँ पे 6-5 से टीम M10 लीड में, और अगर टीम M10 जीती तो शो टाइम पे मुकाबला जाएगा, शो टाइम पे मुकाबला जाएगा गाइस। यस न्यू स्नाइपर प्लेयर बट पार्टी इज गॉड, रॉकी भाई हो सकता है स्नाइपर गॉड ओनली पार्टी रॉकी भाई, मैं भाई अरे भाई हम कहां मना कर रहे हैं भाई, हम कहां मना कर रहे हैं, आप लोग कंपेयर क्यों करते हो यार, कंपेयर क्यों करते हो भाई, एपी इज अ वेरी गुड स्नाइपर, आप तुरंत उसको चले जाते हो कंपेयर करने पार्टी के उसमें, या फिर माफिया से कंपेयर कर दोगे, कंपेयर क्यों करते हो गाइस, एपी इज हियर इज द वन एंड द ओनली एपी इज हियर,
पहाड़ी इज दी वन एंड ओनली पहाड़ी, माफिया इज वन एंड दी ओनली माफिया, ऐसा नहीं रख सकते क्या? आप कंपेयर पर क्यों चले जाते हो? कंपेयर क्यों प्लेयर के ऊपर होता है? प्लेयर के ऊपर होता है ना, आप कसाना कैसा मस्त जियान मस्त चला रहा था स्नाइपर पे, सबके पे सबका होता है यार। अब आप कंपेयर करोगे कसाना या जियान, रॉकी भाई बताओ, लेजेंड या किलर रॉकी भाई बताओ, ये क्या बात होती है? किसी एक खिलाड़ी को इंडिविजुअल रहने दो ना, वो बेचारा अपना गेम प्ले दिखा रहे हैं, आपको क्या दिक्कत? यहाँ पे दो खिलाड़ी नॉकआउट है राउंड भाई, एक बार फिर से टीम एमटेन के पास मौका, आसान सा लीड ले सकते हैं, आसान सा लीड ले सकते हैं टीम एमटेन, प्रिंस सिंह नॉकआउट और ये मुकाबला जीत कर शो टाइम में खींच सकते हैं मुकाबला, ये राउंड जीत के शो टाइम पे मुकाबला चला जाएगा। लेकिन फर्स्ट ब्लड राउंड भाई, ये गलती भी हो सकती है यूजी के द्वारा, क्योंकि अगर पागल एमटेन आए तो पासा पलट जाएगा, पूरा पासा पलट जाएगा। यहाँ पे एपी कमाल के फॉर्म में जरूर है, लेकिन टीम एमटेन को आप हल्के में नहीं ले सकते। जय और अर्श पूरी तरीके से तैयार, 1v4 1v4 मुकाबला, 1v4 और इसी के साथ 7-5 और टीम एमटेन 2-2 की बराबरी करते हुए यहाँ पे एक एक स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है। 2-2 इज द स्कोर लाइन और अब टीम एमटेन से मुझे लगता है बुला लेना पड़ेगा, मुझे लगता है अब पागल एमटेन को बुलाना लाजमी है क्योंकि उनकी टीम भी रिस्क नहीं लेगी। 7-5 इज द स्कोर लाइन गाइज, एक बार फिर से इस बार तो एपी ने 5000 से ज्यादा का डैमेज दिया लेकिन उसके बावजूद भी 2-2 की बराबरी। रावण भाई 2 पॉइंट टीम एमटेन के, 2 पॉइंट और ये देखिए बैग गए हैं रोहन और अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं पागल एमटेन और यहां पे पंजाबी में देखिए कुछ वर्ड एक्सचेंज हो रहे हैं। हुंदी सी चंद तक रहा बंदा ने, तारे ने पसंद मेनू हेथिया सारे लेते, ये शायद आई थिंक जावा से डिबेट हो रही है, दोनों पंजाब तो हाँ। तो गाइज आ चुके हैं द किंग ऑफ फ्री स्टाइल पागल एमटेन, देख रहे हो टाइमिंग देख रहे हो आने की जी, पागल को मुझे बोलना पड़ेगा बैठा था है ना, पागल एमटेन को सिर्फ बोलना है पेट हटा लेना इफ देयर इज, पागल एमटेन आ चुके हैं कहीं आवाज आ रही? आ रही है हाँ, वो बोल रहा है कि कॉम्पिटिटिव करना, वो शायद तो नहीं हुआ, कॉम्पिटिटिव कर देता हूं मैं, आई थिंक कॉम्पिटिटिव, हां जी कॉम्पिटिटिव नहीं हुआ था, माय मिस्टेक, कॉम्पिटिटिव हो चुका है। एमटेन भाई रिमूव पेट, ओके पेट हटाने गए हैं, पेट हटाने गए एमटेन, पागल एमटेन पेट हटाने गए हैं, ओके गन तो ऑफ ही था फिर से ऑन हो गया, अच्छा कॉम्पिटिटिव पता नहीं कस्टम के कॉम्पिटिटिव किया ना इसकी वजह से हो गया होगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, इट्स शो टाइम राउंड भाई, पागल एमटेन आ चुके हैं, हैशटैग पागल एमटेन, हैशटैग यूजी एम्पायर, राउंड भाई अब आएगा मजा जी। दोनों टीमें बराबरी की परिस्थिति में, लेकिन एज मैं अभी भी कहूंगा कहीं ना कहीं यूजी की ओर झुका हुआ क्योंकि एपी जेयर की ताकत उनके पास है, लेकिन पागल एमटेन, पागल एमटेन आ चुके हैं गाइस, द पागल एमटेन इज हियर। Bro, I am going to vaccination for tomorrow. What do you want to say? Don't take tension, bro. कुछ नहीं होगा. Team M10 यहाँ पे आ चुके हैं. पागल M10 यहाँ पे आ चुके हैं. और अब रावण भाई सिनारियो चेंज हो सकता है. पागल M10. एक गहरी सांस लेते हुए कि M10 को जो है अभी अभी आए हुए ये पहला गेम होगा. पूरा गेम देखा है उन्होंने चारों के चार मैचेस और नितिन को नॉकआउट कर दिया. दमदार शॉट वहां पे. दमदार शॉट नितिन को नॉकआउट कर दिया. रिवाइव मुझे नहीं लगता एपी जाएंगे देने क्योंकि राइट एंड साइड एंगल पे दो खिलाड़ी मौजूद हैं.
एक ही ग्लू बॉल है, जय के ऊपर हमला नहीं बनी, जय को मुश्किल से शायद 10 या 20 का ही डैमेज आया होगा। जबरदस्त शॉट मुश्किल से पड़ गए, प्रिंसिंग बैक शॉट आज को नॉकआउट करने में कामयाब, जावा बॉय मुश्किल पर, जीजी कुमार भी नॉकआउट, एपीजिया यहाँ पे देखिए 3v2 मुकाबला हो सकता है, जावा बॉय को भी हील करने का पूरा मौका दिया जा रहा है, जय और एपीजिया आमने सामने, जावा बॉय के पास मेडिकेट नहीं है, पीछे खड़े एक खिलाड़ी को एलिमिनेट किया था, जावा मेडिकेट निकाल सकते हैं उनसे, और प्रिंस सिंह यहाँ पे जोश में, पागल M10 बिल्कुल उनके बगल में खड़े हैं, पागल M10 पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पे आते ही अपनी टीम को एक जीत दिलाने की एक अच्छी कोशिश, दो दो की बराबरी हो चुकी है, यूजी एम्पायर बनाम पागल M10 की टीम का मैच चल रहा है, दो दो की बराबरी हो चुकी है, जबरदस्त शॉट एपीजीआर को नॉकआउट कर दिया, जय ने दो खिलाड़ी नॉकआउट कर दिए, लेकिन यहाँ पे जावा बॉय ने भी नॉक किया था जय को, बट 1-0 की बढ़ोतरी, पागल M10 की टीम 1-0 से लीड में, क्या बात है। जॉन्टी भाई का मैच अगला है गाइस, जॉन्टी भाई बनाम मुकाबला होने वाला है टाइटेनियम का, कंपेयर क्यों करते हो भाई, वही मैं बोल रहा हूँ ब्रो, व्हाई यू पीपल आर कंपेयरिंग एनीवन, पैट हटा कर क्या होगा, पैट हटा देना चाहिए ब्रो ऐसे ही। अर्श जो है गाना लिख रहा है रॉकी भाई, जो भी है, गन प्रॉपर्टी भी ऑफ कर दिया मैंने, घबराने की कोई बात नहीं, गन प्रॉपर्टी ऑफ है, कॉम्पिटिटिव मोड ऑन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या यहाँ पे पागल M10 के आने के बाद सिनारियो बदल जाएगा, द स्टार हिमसेल्फ, द किंग ऑफ द फ्री स्टाइल पागल M10 और यूजी जावा बॉय नॉकआउट, पागल M10 के आते ही टीम M10 में नया जोश, एपी के ऊपर बैक शॉट, एपी बनाम पागल M10, एपी बनाम पागल M10, लेकिन किया जा रहा, जय को भी नॉकआउट कर दिया गया है यहाँ पे, मुकाबले में जबरदस्त रोमांच, एक बार फिर से पागल M10 के ऊपर निगाह, लेकिन सामने की तरफ खड़े यूजी एम्पायर के सुपरस्टार एपी जिया, जय को अभी भी रिवाइव मिला नहीं है, पागल M10 के इमोट का बदला इमोट से दिखाया यहाँ पे यूजी ने, वो रावण भाई यहाँ पे अब तो मुकाबला बराबरी पे ही नहीं टिट फॉर टैट तक पहुंच चुका है जी, दोनों तरफ पहले पागल ने लाफ इमोट दिखाया, फिर प्रिंस सिंह ने लाफ इमोट दिखाया, यहाँ पे एक एक की बराबरी हो चुके, दोनों तरफ यहाँ पे आग उगलते, और रावण भाई डबल स्नाइपर्स टू AP, ओ माई गॉड, पागल M10 नीड टू फाइंड हिज वे आउट, क्योंकि अब एपी रहम नहीं बरतेंगे, इट इज डू और डाई, इस बार एपी रहम नहीं बरतेगा, और पागल M10 भी बिल्कुल भी रहम के मूड में नहीं आए हैं, अब तक जो हुआ वो कॉम्पिटिटिव था, लेकिन अब जो है मुकाबला शुरू हो चुका है। रॉकी भाई एक टाइम था जब इंडिया के टॉप 5 स्नाइपर्स में पहाड़ी, एपीजीआर, ज्ञान, ऋषभ हुआ करते, बिल्कुल ब्रो, पीसी में कौन सा स्पेसिफिकेशन है, मैं एक नया पीसी बिल्डअप करा रहा हूं अभी, जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, मैं नया स्टूडियो बना रहा हूं गाइस अपने लिए, गेमिंग रूम बना रहा हूं भाई, जावा बॉय नॉकआउट, अर्श को नॉकआउट करने में असमर्थ रहे अब तक एपी, शॉट मिस, नॉकआउट जावा बॉय दोबारा से, और एक ही छटके में, ओ ये देखिए जय का बेहतरीन शॉट और फंस गए, क्या बात है, 1v2 हो गया फाइट, पागल M10 1v2, बहुत ही प्यारा शॉट, 2-1 का स्कोर लाइन, 2-1 इज द स्कोर लाइन, 2-1 इज द स्कोर लाइन गाइस, 2-1 का स्कोर लाइन, और दोनों तरफ अब रावण भाई स्लेजिंग भी शुरू हो गई है, दोनों तरफ स्लेजिंग भी शुरू हो गई है, कमाल का मजा आ रहा है गाइस, जबरदस्त मुकाबला चलते हुए, पागल फॉर्म में है रॉकी भाई, तो इमोट तो शो हो गई, एब्सोल्युटली इमोट दिखाया तो क्या हो गया, नहीं कुछ नहीं हुआ ब्रो, मैं तो बस कह रहा हूँ मजे में दिखाया, गेम है, इमोट इज द पार्ट ऑफ द गेम, मैं तो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता इन सब चीजों का, आप लोग बुरा मानते हो, मैं तो कह रहा हूँ इमोट का मतलब एक दूसरे को थोड़ा स्लेज करते हुए, ऐसा
स्लेज अलग चीज है। गेम में हां गेम में सभी सोच रहे उसके मौत पे हंस रहा है। रियल लाइफ में सभी भाई हैं। कोई किसी को कुछ नहीं बोलता गाइस। जय ये माफ कीजिएगा जय कह रहा हूं मैं। अर्श भी पंजाब से है। जाओ भाई भी पंजाब से है। और पता नहीं मेरी जुखाम कहां से है जो खत्म ही नहीं हो रही है भाई। हर बार जितनी बार फैक्ट्री में मुकाबला है हर बार दिक्कत में पड़े हैं यहां पे यूजी। और ओ रावण भाई तगड़ा मुकाबला चल रहा है। तगड़ा आर्या पार का मुकाबला चल रहा है अर्श और कुमार के सामने। एपीएनसी डाउन। एपी एपी क्या यहाँ पे दो दो की बराबरी होगी। रावण भाई कांटे की टक्कर का मुकाबला चल रहा है अर्श बिल्कुल अकेले। अर्श और क्या कमाल का शॉट अर्श। यू ब्यूटी व्हाट अ शॉट दैट वाज बाय अर्श। टीम M10 के अर्श कमाल के फॉर्म में। क्या अर्श यहाँ पे टीम यूजी को पछाड़ पाएंगे। पंजाब द सुपरस्टार अर्श डबल किल करते हुए यहाँ पे 1v2। दो मेडिकेट भी है हीलिंग बैटल में भी काम आ सकती है। और जावा पीछे से आ गया कहां हीलिंग बैटल नहीं होगी यहाँ पे। 1v2 है हम हीलिंग बैटल नहीं करेंगे। जावा को नॉकआउट कर दिया। एपी क्लोज रेंज में गए राउंड भाई बट स्नाइपर हो गया। ओह माय गॉड लेकिन क्वाड्रा किल भाई अर्श। ओह माय गॉड अर्श का क्वाड्रा किल। वूहू टीम M10 यहां पे बदला लेते हुए 3-1 इज द स्कोर लाइन। राम भाई टाइटेनियम और जॉन्टी भाई भी तैयार हो रहे होंगे लेकिन ये क्या कमाल का मैच चलता हुआ यहाँ पे। रोकी भाई आप भूल गए अभी मन्यू ने सेम जगह पे रह के टाइकून्स को स्क्वाड वाइप आउट की थी पूरी कोड्रा किल मारा था यही जगह पे सेम जगह थी। ये जगह ही लकी है उसके लिए मेरे को लग रहा है। एंड एक और चीज कहनी पड़ेगी शायद मुझे लगा जावा का अप्रोच थोड़ा सा कैजुअल था वहां पे क्योंकि एपी के पास स्नाइपर है। वी कांट एक्सपेक्ट ऑलवेज फ्रॉम एपी की एपी निकाल के देंगे मैच। और ठीक है एपी हर बार अपना काम कर देंगे लेकिन यू कांट एक्सपेक्ट कि हर बार जो है बैंग ऑन जो है काम मिल ही जाएगा बन ही जाएगा वो हो नहीं सकता है। एपी एट द एंड ऑफ द डे ही इज ऑल्सो ह्यूमन। पागल M10 फंस गए वहां पे काफी तेज मूवमेंट दिखाते हुए पागल M10 ऊपरी सतह पे अब जा चुके हैं। जय और पागल M10 की जोड़ी ने अब तक मुकाबले में जबरदस्त रोमांच पकड़ के रखा हुआ है। और वहां पे अगर हम लोग देखे तो लगातार एपी जियर ने भी मोर्चे को संभाल के रखा हुआ है। पागल M10 और जय की जोड़ी अब तक यहाँ पे कामयाबी की ऊंचाइयां छूते हुए। दूसरा जाओ बॉय प्रिंस सिंह और एपी जियर ने भी यहाँ पे मौके वारदात पे पोजीशन पकड़ के रखी और एपी को बिल्कुल ठिकाने पे लगा दिया कि नीचे किसी को मत आने देना आप बाकी हम देख लेंगे। एपी को बिल्कुल कोने पे खड़ा कर दिया गया है कि एक भी खिलाड़ी चाहे पागल हो चाहे जय हो किसी को नीचे मत आने दीजिएगा बाकी हम संभाल लेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें एपी का पोजीशन काफी देखने लायक। रण भाई अब मुझे लगता है उस कमाल के क्लच के बाद अर्श के उस कमाल के क्लच के बाद मौका काफी जबरदस्त चलता हुआ और काफी गर्मा गर्मी चल रही है मैच में। 8 किल अकेले वहां पे प्रिंस सिंह ने जो है लगा दिए हैं। देखते हैं क्या होने वाला। पागल M10 अपने मूवमेंट का नजारा करते हुए लेकिन यहाँ पे पहुंच गया प्रिंस सिंह। प्रिंस सिंह पहुंच गया जाए 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 पूरी कोशिश करते हुए जाए जय 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 ने प्रिंसिंग को नॉकआउट कर दिया। 1v2 क्या जय यहाँ पे क्लच निकाल पाएंगे क्या जय यहाँ पे क्लच निकाल पाएंगे। वहां पे पीछे की तरफ एपीसीआर भी मौजूद है। जावा और एपीसीआर जो पिछली बार नहीं कर पाए थे इस बार करके दिखाया। 2-3 इज द स्कोर लाइन। 2-3 इज द स्कोर लाइन और इस बार कोई इमोट नहीं। इस बार सिर्फ और सिर्फ गेम प्ले से जवाब। 3-2 इज द स्कोर लाइन। मौका काफी गर्म हो चुका है यहाँ पे। ओ माई गॉड पागल M10 फुल सपोर्ट गाइस। बड़ा मजा आ रहा है सबको। राहुल भाई हर कोई चैट में हंस रहा है सबको मजा आ रहा है। सबको मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। सबको मजा आ रहा है यहाँ पे। ये बढ़िया था गुरु बंदे लिख रहे ये बढ़िया था गुरु। सबको बड़ा मजा आ रहा है गाइस। देखने वालों के पैसे वसूल तो लाइक क्यों ना हो गाइस। इस मैच का टोटल लाइक टारगेट 32,000 लाइक से ज्यादा 32,000 से ज्यादा का लाइक टारगेट तो बनता है। 32,000 ज्यादा का लाइक टारगेट गाइस बनता है। और कुमार के ऊपर राउंड भाई एक बार फिर से फंसे हैं एपी। और पागल M10 को
जल्दी से जल्दी इलाज करना पड़ेगा एपी का, क्योंकि इनके पास से अगर स्नाइपर नहीं छीनी, यानी अगर आपने इनको वाइप आउट नहीं किया तो दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती ही चली जाएंगी। देखिए रावण भाई किल करे ना करे, लेकिन एपी मेडिकेट जरूर यहाँ पे खत्म करवा देते हैं, और इसी वजह से टीम M10 लगातार मुसीबत में पड़ रही है। और यकीन मानिए एकाध राउंड में तो कोशिश की भी थी एपी के खिलाफ स्नाइपर टू स्नाइपर उनको रोकने की, पर बात ही नहीं बनी। वो भी समझ गए भाई साहब सामने कुछ अलग लेवल की स्नाइपिंग, ऊपर बंदा खड़ा है आर्शिस, ओ माय गॉड व्हाट अ हेडशॉट दैट वाज रावण भाई, और परखच्चे उड़ा दिए अर्श के हेलमेट के। और एपी वहां पे देखिए मुझे तो नहीं लगता अर्श दोबारा ऊपर जाएंगे रावण भाई, अगर मैं होता तो नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता उस शॉट के बाद तो बिल्कुल नहीं। कुमार को देख लिया गया है, क्या एपी कुमार पे सही शॉट लगा पाएंगे? ओ भाई रावण भाई अलग गेम चल रही है, अलग गेम चल रही है, झटके में पूरी पागल M10 की टीम का पासा ही पलट गया, 3-3 की बराबरी, 3-3 की बराबरी, और कोई इमोट नहीं, सीधा स्ट्रेट और एकदम सटीक खड़े रह के नजरे से नजरे मिलाकर चुनौती पेश करते हुए यूजी, और दो जी आण दो, 3-3 इज द स्कोर लाइन, दोनों टीमें दो दो मैच जीत चुके हैं, शॉर्ट टाइम में मैच चलता हुआ, कमाल का मुकाबला चल रहा है, वाई मैप इज नॉट स्नाइपर गॉड वन एंड ओनली पहाड़ी बट एप इज हियर इज डीमन रॉकी भाई, शाउट आउट तो ये कौन है भाई, मैं टाइम आउट दे दूंगा दोबारा से स्पैम किया तो। यहां पे मैच क्या चल रहा है और आप शाउट आउट के लिए स्पैम कर रहे हो यार, इतना खतरनाक मैच चल रहा है रावण भाई, हजारों की तादाद में बंदे इंतजार कर रहे हैं क्या होने वाला है यहाँ पे, पागल M10 या UG के बीच में मैच बिल्कुल फंस चुका है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली इंडियन ई-स्पोर्ट्स टैलेंट, दोनों तरफ भारतीय ई-स्पोर्ट्स का टैलेंट हमें दिखता हुआ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पागल M10 की टीम के सामने। और भैया रावण भाई शय को कदमों से उछाल कर नॉक किया, भाई रावण भाई प्रिंस सिंह अलग ही फॉर्म में, और पागल M10 सिर्फ दर्शक बनकर इंतजार कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस बार यूजी ने कमर तोड़ दी, और तबे कदमों से पागल M10 आगे बढ़ते हुए टीडिंग 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 टीडिंग, पागल M10 बिल्कुल दबे हुए कदमों से बिना फुटस्टेप दिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं, डबल बैरल पागल M10 के पास है, क्या 1v4 क्लच डबल बैरल से निकल पाएगा, वहां पे बंदों ने देख लिया क्लू कैरेक्टर का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, और यहाँ पे पीछे से आ गए खिलाड़ी, शॉट मिस आउट, पागल M10 की तेज ग्लू बॉल और तेज मूवमेंट का दोहरा, और जावा बॉय ने यहाँ पे यूजी एम्पायर को 4-3 की दिला दी है लीड, वाओ 4-3 की लीड यहाँ पे मिल चुकी है, और हर कोई खुश है यहाँ पे, हर कोई खुश है आज, कोई मैं देख रहा हूं एक दूसरे को गाली कोई नहीं दे रहा है, सब खुश है, एवरीवन इज हैप्पी। राइस्टार को क्यों स्टेटमेंट देता है, राइस्टार को क्यों स्टेटमेंट देता है इमोट दिखाने से, क्या है स्टेटमेंट स्टेटमेंट भाई, अभी तो लॉकडाउन था बैंक बंद थी, ये दोनों ने एक दूसरे को इमोट दिखाया तो राइस्टार कहां से आ गया, उस दिन स्काईलॉर्ड को खींच रहे थे आज राइस्टार को खींच रहे हो, क्या बोल रहे हो भाई, इलाज क्यों नहीं करवाते हो अपने, भाई स्पोर्ट है हम स्पोर्ट का कंटेंट दिखाते हैं उसके ऊपर बात करो ना, कंट्रोवर्सी के ऊपर बात क्यों करते हो भाई, अरे कंट्रोवर्सी के ऊपर बात भी करें तो यहाँ पे तो भी, पागल M10 और UG के मैच के बीच में अगर एक दूसरे को इमोट देखे तो राइस्टार कहाँ से आ गया, कोई लॉजिक है कुछ भी, कंटेंट कहाँ है एपीजीआर रण भाई, पागल M10 इनकी रडार पे हेडशॉट आ सकता है कभी भी, और मैं अभी भी कह रहा हूं रावण भाई अगर पागल M10 ने ये मैच जीतना है एपी को किसी एक मैच में संपूर्ण तरीके से वाइप आउट करना पड़ेगा, इनके पास डबल स्नाइपर्स रही मुकाबला कोसो दूर लेके चले जाएंगे ये, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। देखिए रावण भाई मैच काफी सीरियस हो चुका है, पागल M10 की टीम गालिबन एलिमिनेट हो सकती है इस टूर्नामेंट से, और UG के ऊपर भी वही सेम खतरा मंडराता हुआ, इंटरव्यू के लिए पब्लिक आतुर हो रही है, बेकरार हो रही है, सुनना चाहते हैं एपी से कि क्या कहना है, अगर आप देखें ओ माय गॉड का चलता हुआ हैशटैग, पागल M10 एक तरफ मूवमेंट दिख रही है और दूसरी तरफ एपी जिया की एक्यूरेसी स्नाइपर्स के साथ,
शेयर के ऊपर काफी डैमेज आया है। हर्ष को नॉकआउट कर दिया गया है। जीजी कुमार वहां पे फंस गए। जीजी कुमार 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 ओ नहीं 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 नॉकआउट नॉकआउट हो गए। बहुत ही बेहतरीन शॉट। जॉय पूरी कोशिश कर रहे प्रिंस सिंह को नॉकआउट करने का, कामयाब हो जाएंगे अपने इरादों में कामयाब जॉय। पागल एम10 और एपी जियर आमने सामने, पागल एम10 और एपी जियर आमने सामने और जॉय भी मौजूद है। राउंड भाई 1v2 अगर ये क्लच निकाल दिया तो ये क्लच ऑफ द डे होगा, लेकिन ये हो नहीं सकता है क्योंकि जॉय ने यहाँ पे ट्रिपल किल करा के 4-4 की बराबरी करा दी है। द कॉम्पिटिशन इज नॉट ओवर येट, न्यू टैलेंट वर्सेस द एक्सपीरियंस इज स्टिल ऑन। मजा आ रहा है रॉकी भाई, बहुत मजा आ रहा है। ये हुई ना बात, पब्लिक को मजा आना चाहिए भाई, क्या बोलते हो? पब्लिक को मजा आना चाहिए भाई, यही तो चाहिए अपने को। और यहाँ पे अगर आप देखें दोनों तरफ, कम ऑन पागल एम10 चल रहा है, जोड़ गेम प्ले बाय बोथ ऑफ द टीम यहाँ पे चल रहा है। जी आगे बढ़ते हुए कुमार जय आर्श एंड पागल एम10 ऊपरी सतह पे। और ये देखिए राउंड भाई, पागल एम10 की टीम बिल्कुल अपने चालों को चलते हुए सीधा ऊपर चली गई है। और आप यकीन मानिए कच्ची गोलियां तो यूजी ने भी नहीं खेली है। ये देखिए कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पे एपी। ओ हो हो, प्रिंस मस्त खेल रहा है, 12 किल। ओ भाई जी, प्रिंस सिंह ने अकेले 12 किल करे हैं, 4-4 की बराबरी। इस मैच के हीरो प्रिंस सिंह हैं, लेकिन जय ने भी 7 किल करे हैं, पिछला राउंड भी जिता के दिया ट्रिपल किल करके। डैमेज आया जय पे। फिर से एपी नीचे की तरफ, एक खिलाड़ी मौजूद। जी कुमार बाल बाल बच गया राउंड भाई। ओ एपी के ऊपर पिछली ओर से हमला हो गया, मौका मिल गया, मौका मिल गया यूजी को। जावा 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 विद अ फैंटास्टिक शॉट। नितिन नितिन का बहुत ही प्यारा शॉट राउंड भाई। जय 1v2, क्या क्लच निकाल पाएंगे? जावा बॉय नॉकआउट हो गए। एक्साइटमेंट दोनों साइड बराबरी का मुकाबला है, दोनों साइड। मैं तो ये सोच रहा हूँ किसको देखूं किसको ना देखूं। मैं तो आप सोचिए, आप सोचिए मैं किस पे कैमरा डालूं किस पे ना डालूं। 20,000 बंदे रात के 11 बजे इंतजार कर रहे हैं कि चल क्या रहा है भाई। पागल एम10 ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है। रॉकी भाई इमोट दिखा कर, अरे मेरे भाई इमोट इज द पार्ट ऑफ द गेम। रण भाई क्या बोलूं मैं अब, क्या छोड़ो, गेम देखो गाइस। में बिकता है इमोट यार, गेम देखो, करीना खुद देती। गेम देखो गाइस, गेम देखो, सब पार्ट ऑफ द गेम। आपको क्या दिक्कत है यार? यूजी वालों को कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने इमोट का वो चीज इमोट से दिखा दिया, बात वहीं खत्म हो गई। उस चीज को आप लोग इतना क्यों सीरियस बनाते हो यार? इमोट इज द पार्ट ऑफ द, क्या हो गया उसमें? दोनों टीम एंजॉय कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कितने लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। एवरीवन इज हैप्पी, एक अच्छा मैच देखने को मिल रहा है, तगड़ा मैच है। पहला क्वार्टर फाइनलिस्ट हमको मिलने वाला है बैटल इन फ्री स्टाइल का। पागल M10, रण भाई एक चीज माननी पड़ेगी, पागल ने आज का पहला मैच खेला है लेकिन फॉर्म में दिखे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखा है पहला मैच खेल रहे हैं आउट ऑफ टच, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है, बिल्कुल फॉर्म में। लेकिन आज जिस किस्म से एपी जिया ने गेम प्ले करा है इज जस्ट कमेंडेबल। लेकिन आज इस आखिरी मैच में अगर यूजी ने जीतना है तो प्रिंस सिंह का जीतना। पागल भाई को देखो, पागल भाई को श्योर बिल्कुल लेटे हुए हैं। देखो मजे लेके खेल रहे हैं। जबरदस्त शॉट, एपीजीआर नॉकआउट, मौका मिल गया पागल एम10 की टीम को कमबैक करने का। फर्स्ट ब्लड कर दिया गया है, 5-5 की बराबरी हो सकती है यहाँ पे। इसी जय नॉकआउट हो चुके हैं। पागल एम10
प्रिंस नितिन जावा बॉय के रॉन भाई जावा बॉय भी एक अच्छे स्नाइपर है और अगर नॉक कर पाते हैं पागल को, लेकिन बीच में प्रिंस सिंह भी नॉकआउट हो गया, दिक्कत में पड़ गई टीम। नितिन एंड जावा बॉय इज ऑन ट्रबल। पांच पांच की बराबरी करने की कोशिश यहां पे, शॉट 1v3 1v2 लेकिन यहां पे पांच पांच की बराबरी पागल M10 एंड यूजी के बीच में। जबरदस्त मुकाबला राउंड भाई, उंगलियों के नाखून खत्म हो गए बे। पैसा वसूल मैच है रॉकी भाई। गन एट्रीब्यूट्स ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है। डेटा वसूल मैच रॉकी भाई, पैसा वसूल नहीं, डेटा वसूल मैच राउंड भाई। दिस इज वेरी नाइस कमेंट, डेटा वसूल मैच, एवरीवन इज हैप्पी, डेटा वसूल मैच चल रहा है। कौन जीतेगा गाइस कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या लगता है ऑडियंस का ओपिनियन मैं जानना चाहता हूं। पांच पांच की बराबरी, दोनों टीमें दो दो मैच जीत चुके हैं, कौन होगा पहला क्वार्टर फाइनलिस इन टू द बैटल इन फ्री स्टाइल। क्या पागल M10 जीतेंगे या यूजी पर, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बर्राज में कीजिए कमेंट, मुझे देखना है ऑडियंस क्या सोचती है, कौन जीतेगा यूजी एम्पायर या पागल M10। कम ऑन गाइस कमेंट सेक्शन में हैशटैग लगाओ, जो लोग चाहते हैं यूजी जीते वो लिखिए हैशटैग यूजी, जो लोग चाहते हैं पागल M10 जीते वो लोग लिखिए हैशटैग M10। जबरदस्त शॉट राउंड भाई, जय को नॉकआउट किया गया है। स्काइलर चली, जीती कुमार को पीछे हटना पड़ेगा यहां से, बिल्कुल हटना पड़ेगा या फिर एक बार फिर से यूजी की ओर से तगड़ा हमला। डबल स्नाइपर्स की बदौलत आगे बढ़ते हुए जावा बॉय को मोर्चा संभालने की आवश्यकता और बहुत ही जबरदस्त बैकअप वहां पे एपी का राउंड भाई, एक झटके में वहां पे कमबैक कराने की कोशिश। 1v3 क्लच करना पड़ेगा पागल M10 और 6-5 से लीड में यूजी, यूजी एम्पायर 6-5 से लीड में जा चुके हैं यहां पे। व्हाट अ मैच, एक्साइटेड फॉर जॉन्टी भाई टीम, कौन आएगा जॉन्टी भाई की टीम से, मैं भी काफी एक्साइटेड हूं। अब स्नाइपर डीमन बोलते रावण भाई, बंदे कह रहे हैं इस मैच को यादगार बनाने के लिए इस मैच को कहा जाए डेटा वसूल मैच, क्योंकि नॉर्मली कई लोग मोबाइल के डेटा में देखते हैं ये गेम, तो ये लाइव स्ट्रीम, तो इस वजह से डेटा वसूल मैच कहा जाए। पैसा वसूल मैच तो बहुत होते हैं, ये डेटा वसूल मैच था, डेटा वसूल मैच, जीते चाहे कोई भी पब्लिक के फुल डेटा वसूल। आज मजा आ गया सबको, हैशटैग डेटा वसूल मैच गाइस, हैशटैग डेटा वसूल मैच। मोहम्मद अरसलान भी यही कमेंट कर रहे हैं, डेटा वसूल मैच। यहां पे अगर आप देखें एपीसी कमाल का मुकाबला चलता हुआ पागल M10 और यूजी के बीच में, जबरदस्त राउंड भाई, अगर 6-6 हो गया तो अटैक आ जाएगा भाई, फिर तो खत्म कहानी भाई, मेरे को तो भाई धक 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 होने लगेगा। अरे बाप रे, पागल M10 बनाम जावा, वहां पे प्रिंस सिंह का सॉलिड बैकअप। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है यहां पे, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ पागल M10 अर्श जाए, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है यहां पे, जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। बहुत ही इंटेंस मैच चल रहा है यहां पे, कौन जीतेगा यहां पे पहला, नो पागल M10 नॉक, पागल M10 नॉक, यूजी 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 के पास मौका, यूजी के पास मौका, राउंड बाय जय को अभी इसी वक्त कमबैक करानी पड़ेगी वरना देर हो जाएगा। एपी डैमेज हो चुके हैं, यही वो मौका है। यहाँ पे जीजी कुमार के ऊपर निगाहें बनाकर बैठे एपी जिया, एपी जिया वेट करते हुए जीजी कुमार या फिर जय की ओर से एक लॉट। यहाँ पे एपी डाउन, जावा डाउन, ओ यहाँ पे प्रिंस सिंह बिल्कुल अकेले, प्रिंस सिंह बिल्कुल अकेले, 1v2 प्रिंस सिंह रिवाइव देते हुए एपी को, एपी को रिवाइव मिल चुका है, 2v3 हो चुका है मुकाबला, बहुत ही बेहतर इन शॉट। लेकिन यहाँ पे एपी जिया 1v2 बिल्कुल अकेले, 6-6 की बराबरी होने वाली है यहाँ पे शायद, क्योंकि यहाँ पे सारे खिलाड़ी दोबारा से अपने पाव पे आ चुके हैं, श्रृंग आ चुका वहां पे। ओह माय गॉड, 6-6 की बराबरी, वी आर डाउन टू द वायर, इट्स शो टाइम। जी गाइस,
वी आर एट द मेगा शो टाइम। दोनों टीमों ने दो दो मैच जीत लिए। आखिरी मुकाबले में छह छह की बराबरी हो चुकी है। कौन जीतेगा क्वार्टर फाइनल? विल इट बी पागल M10? विल इट बी यूजी एम्पायर? ओह माय गॉड, द मैच इज ऑन द वायर। कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, पागल M10 या फिर यूजी? कमेंट सेक्शन में लिखिए थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। जल्दी से जल्दी लाइक टारगेट पूरा करो। 32,000 से ज्यादा लाइक टारगेट पूरा होना चाहिए। वो जो थम्स अप वाला बटन है, नितिन डाउन, नितिन डाउन, नितिन डाउन, पागल M10, पागल M10 आगे बढ़ते हुए मौका मिल गया। जीजी कुमार डाउन, एपीसीआर ने जीजी कुमार को डाउन कर दिया। दोबारा से मुकाबले में रोमांच, दोबारा से मुकाबले में रोमांच। जीजी कुमार भी रिवाइव हो गए, नितिन भी रिवाइव हो गए। माय गॉड, क्या मुकाबला चल रहा है यहाँ पे। राउंड भाई कोई भी जीत सकता है, बहुत एक्साइटिंग मुकाबला चल रहा है। लास्ट राउंड में यह मैच जा चुका है। कौन जीतेगा यहाँ पे, यूजी या फिर जीतेगी पागल M10 की टीम? दोनों तरफ तबाही का मंजर। कौन जीतेगा मुकाबला? बिल्कुल कांटे का। लोगों ने अपनी नाखूनों के साथ अब उंगलियां तक चबाना शुरू कर दिया है। Who will be the victor? Who will be the winning team who is going for the quarter finale? कौन जाएगा क्वार्टर फाइनल में? पागल M10 की टीम मुकाबला करते हुए यहाँ पे एपीजिया वहां पे शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। यहाँ पे अगर हम देखें, पागल M10 लगातार वहां पे मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहे हैं। एपी के ऊपर निगाहें, एपी नितिन को बैकअप देते हुए एपी स्काइलर चली और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ग्लू वॉल को बस्ट अप करके नितिन के लिए वहां पे जो है मोर्चा खाली कर दिया। वहां पे पागल M10 को देखने में कामयाब हो चुके हैं, पागल M10 को देखने में कामयाब हो चुके हैं। वहां पे अगर आप देखें, दो खिलाड़ी आने की कोशिश कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, लेकिन एपी जिया का बैकअप आता हुआ इसी बीच एक बार फिर से पागल M10 का बहुत ही जबरदस्त शॉट। एपी बिल्कुल अकेले। पागल M10 कैन इजीली विन दिस। पागल M10 के पास एक आसान सा मौका मैच जीतने का। आयो रुकिए जरा, एक खिलाड़ी नॉकआउट हो चुका है यहाँ पे। पागल M10 आ गए, पागल M10 ने ये मुकाबला जीत लिया है अंत में 7-6 से। व्हाट अ कंपटीशन वी हैड जस्ट विटनेस्ड। डेटा वसूल मैच, पागल M10 की टीम जा रही है क्वार्टर फाइनल में। My God, रोहन भाई एक एपिक मैच, एक एपिक मैच और एपिक अंदाज में खत्म हुआ है। पागल M10 ने यह मुकाबला जीता है और आई थिंक राउंड भाई दोनों टीमों का इंटरव्यू लेना चाहूंगा मैं दोनों टीमों का इंटरव्यू लेना चाहूंगा राउंड भाई यहां पे। बिल्कुल टीएनएम और जोंटी के दोनों को आईडी पास दे दूं मैं जी। टाइटेनियम और जोंटी भाई की टीम को दोनों को आईडी पासवर्ड दे दिया जाए प्लीज। तो गाइस टाइटेनियम सॉलिड एज ए टाइटेनियम एंड जोंटी भाई दोनों ही टीमें अब आने वाली हैं यहां पे मुकाबला करने के लिए। रॉकी भाई आपका नया नाम दो आज, कौन सा नया नाम दो? मेरा हार्ट रेट बढ़ गया रॉकी भाई, हार्ट रेट तो बढ़ना ही था ब्रो, बहुत अच्छा मैच था। डेटा वसूल मैच, सारे बंदे 32,000 लाइक टारगेट तो बनता है गाइस। जॉन्टी भाई एंड टाइटेनियम आ रही है गाइस, कोई भी जीते रॉकी भाई दोनों टीम्स अपनी ही है जी। बहुत बढ़िया खेले दोनों टीमें, खतरनाक खेले। लाइक बनता है गाइस, 32,000 लाइक बनता है गाइस, 32,000 से ज्यादा लाइक टारगेट मैंने बोला था। लाइक कर दीजिए गाइस, कमाल खेलिए पागल M10 और उसके सामने यूजी एम्पायर भी। दोनों टीमों का मैं यहां पे इंटरव्यू लेना चाहूंगा, मैं दोनों टीमों का इंटरव्यू लेना चाहूंगा। ओ माय गॉड, राउंड भाई आ चुके हैं यहां पे द टीम ऑफ ए बी जॉन्टी की ओर से। खुद जॉन्टी भाई टीम का नेतृत्व करने आए, उनके साथ मनीष और विंसमोक आए हैं। तो देखते हैं गाइस क्या होने वाला है, कौन जीतेगा। टाइटेनियम को भेजना पड़ेगा,
पुनीत भाई आ रहे हैं ना, हाँ, मैं पुनीत बोल भाई आ दूं रहे पुनीत हैं। भाई को। ओके तो गाइस टाइटेनियम आ रहे हैं। सुप्रभात सुप्रभात। तो गाइस टाइटेनियम बनाम ओजी, टाइटेनियम बनाम ए बी जॉन्टी, जॉन्टी गेमिंग। तो गाइस काफी जबरदस्त मुकाबला रहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम M10। हार्ट अटैक सिचुएशन था रॉकी भाई, बहुत जी डेफिनेटली। आई थिंक मैं दोनों टीमों का इंटरव्यू यहां पे लेना चाहूंगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जैसा मैच था रॉकी भाई, ये एकदम कमाल का मैच था भाई। 11-11 मैच, 11:11 पे मैच एंड हुआ है। रॉकी भाई यू आर माई इंस्पिरेशन, थैंक यू ब्रदर। पागल इज वेरी पावर, ओपी खेल रहे हैं दोनों टीमें जी। रॉकी भाई यू आर माई इंस्पिरेशन, थैंक यू ब्रो। कोई भी जीते, दोनों टीमें बढ़िया खेली। ओके गाइस टाइटेनियम जब तक ज्वाइन कर रहे हैं, हाय रॉकी भाई, हेलो 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 सर। बोल दिया, पेट ऑफ हुए, मैंने बोल दिया था हम्म। चुंटी भाई की टीम को, वहां पे मैंने मैसेज कर दिया था, ठीक है, पुनीत भाई को पेट ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया सर। जॉन्टी भाई सुना है अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, सुना मैंने भी। अरे वो तो बुरे दिन है। हमारे में टाइम है। जी जॉन्टी भाई अच्छे दिन तो आने वाले हैं। भाभी जी का नाम बताइए रॉकी भाई, जब तक भाभी जी खुद नहीं बोलेंगे तब तक नहीं बताऊंगा। कपल कास्टिंग चाहिए रॉकी भाई, जरूर करेंगे। रॉकी भाई भविष्यवाणी कीजिए ब्रो, बताना बहुत मुश्किल है। जॉन्टी भाई के पास नादिर है, मनीष है, विंस्मोक है, काफी अच्छी टीम है। जॉन्टी भाई का एक्सपीरियंस है, लेकिन सामने टाइटेनियम। अब मेरे को देखना है टाइटेनियम से कौन आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, तब प्रेडिक्ट कर पाऊंगा। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या होने वाला है। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द टीम ऑफ टाइटेनियम। पुनीत भाई से बात बात हो गई, आ रहे हैं, ठीक है, अभी ज्वाइन कर ही रहे हैं। ओके गाइस अरे तो रोके भाई, पुनीत कुछ भाई भी ज्वाइन कर बोलो, रहे हैं जी। चुंटी भाई जहाँ भी हो ना, ठीक है, माहौल तो बना देते हैं, वो तो मैं बहुत बार बोल, माहौल बना देता इज है। वेरी फ्रेंडली, ही इज वेरी फ्रेंडली, ही इज वेरी लवेबल पर्सन। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं कभी क्रिएटर बनना चाहता हूँ, मेरे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो, तो मैं जॉन्टी भाई जैसा डाउन टू अर्थ रहना चाहता हूँ। मतलब आदमी ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, कोई घमंड नहीं, सबके साथ फ्रेंडली, जहाँ जरूरत है मस्ती, जहाँ जरूरत है सीरियसनेस, एक अच्छा खासा ठहराव वाला बंदा है। रियल लाइफ में इनके साथ रहा हूँ, रूम भी शेयर करा है, तो मुझे पता है इज वेरी फ्रेंडली, वेरी गुड पर्सन। दिल से भी है, वैसे भी बहुत जिंदा दिल इंसान है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी करा है, तो एक्सपीरियंस भी बहुत है इनको, गेम का भी और रियल लाइफ का भी। बहुत अच्छे इंसान है जॉन्टी भाई। आप इनके साथ 10 मिनट बैठिए, अगर आपका मूड खराब भी हो तो भी ये ठीक कर देंगे। डेटा वसूल कमेंट्री था रॉकी भाई। नहीं आज मेरी खांसी है, झूठ मत बोलो। ओके टाइटेनियम से पुनीत, एमबॉट और पूपी आए हैं। पेट हटाना, पेट रिमूव। पेट, हाँ पेट का बोल देना।
तो गाइज इस मैच का टोटल लाइक टारगेट मोर देन 35,000 लाइक्स वी आर एक्सपेक्टिंग, एंड देखते हैं क्या होने वाला है गाइस, क्या 35,000 से ज्यादा लाइक टारगेट हमें मिल पाते हैं कि नहीं। पेट हटाने के लिए गए हैं कुछ एथलीट्स, तो जॉन्टी भाई भी यहाँ पे आ चुके हैं, हैशटैग एबी जॉन्टी इन द चैट गाइस, हैशटैग एबी जॉन्टी गाइस। जॉन्टी भाई बोलने शगुन डालना 101 का। अरे गजब जॉन्टी भाई। जय श्री राम रॉकी भाई, जय श्री राम। मेरा डब्बा गिर गया भाई, मेरी ठकुराइन का तोहफा है गाइस। तुम्हारी मामी ने बहुत ज्यादा तोहफे भेजे हैं, एज यू नो कि गाइस मैं काफी सिंपल आदमी हूँ, तो मेरे को इतना ज्यादा ये सब तोहफों की आदत नहीं है। बट भाई रिश्ता पक्का होने की खुशी में आपकी मामी ने मुझे ये भेजा है। अच्छा है राउंड में प्रपोजिंग अ गर्ल, ये मेरी ठकुराइन की ओर से तोहफा है मुझे, तो रिश्ता पक्का होने की खुशी में ये था। एक बचा है अभी भी, सासू के। ओ भाई क्या सासू के, हाँ मैं झारखंड रांची से रिएक्शन देना। अरे भाई जरूर देंगे, जरूर देंगे। ओ भाई भाई झारखंड से हैं, जरूर रिएक्शन देंगे ब्रो, क्यों नहीं देंगे। तो गाइज झारखंड के रांची से एक और खिलाड़ी विन स्मोक, कॉम्पिटिटिव ऑन है, गन प्रॉपर्टी नो है, सब सही है। रुकी भाई जंटिया बोल, रूल्स तो बनते हैं तोड़ने के लिए। जंटिया क्या है, रूल तो बनते हैं तोड़ने के लिए, जंटिया क्या है, रूल तो बनते हैं तोड़ने के लिए भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। ओके तो चलिए गाइस, जॉन्टी भाई विथ हिज टीम, AB Jaunty once again with the orangutan, but AB Jaunty की lineup कही जाएगी इसको। Team AB Jaunty, AB Jaunty making his Clash Squad returning match, and उनके सामने मौजूद है solid as a titanium। पिछला Clash Squad tournament Rocky and RDX में जीता था titanium ने undefeated रहते हुए, क्या AB Jaunty आज सरप्राइज कर पाएंगे? रोन भाई एक पल को लगा था यूजी एम्पायर आसानी से जीत जाएगी, बट वहां से टीम M10 ने भी पूरा सिचुएशन बदल के मैच जीत लिया। बट AB Jaunty एक एक्सपीरियंस कप्तान, इनके आने की खुशी में हजारों बंदे आज चैट में उमर पड़े हैं, हर कोई इंतजार कर रहा है, हर कोई इंतजार कर रहा है AB Jaunty के कमबैक का। और काफी भावुक मैसेज दिया था जॉन्टी भाई ने कि मैं इस स्पोर्ट्स में अगर ऐसे रहेगा तो नहीं रहूंगा, बट कहना पड़ेगा AB Jaunty आपका कंट्रीब्यूशन बहुमूल्य है, और हम तो चाहेंगे कि आप जो है इसी तरीके से ईस्पोर्ट्स ना सिर्फ कंटिन्यू करें, बल्कि सर आप हैं तो ईस्पोर्ट्स है, यू आर वन ऑफ द कॉर्नरस्टोन सर। तो AB Jaunty क्या यहाँ पे टाइटेनियम सॉलिड एज ए टाइटेनियम को मात दे के आज एक इतिहास रचेंगे, क्या टाइटेनियम को हरा पाएंगे यहाँ पे नादिर मनीष और विन स्मोक, वन मोर टैलेंटेड प्लेयर फ्रॉम झारखंड। विन स्मोक जो है झारखंड रांची से,
झारखंड रांची से विन स्मोक, हमने एपी जिया को देखा था, वो धनबाद से थे, ये रांची से हैं। क्या यहाँ पे ओ भाई विन स्मोक का करारा हेडशॉट और आते ही एमबॉट को यहाँ पे बाहर का रास्ता दिखाया। और भाई झारखंड में क्या ही टैलेंट है, और इस बार का स्टेट वॉरफेयर में मैं देखना चाहूंगा झारखंड किस किस्म की टीम उतारता है। नादिर के ऊपर हमला, पुपी का जबरदस्त शॉट, इस बार स्टेट वॉरफेयर में क्या झारखंड कमाल कर देगा, क्या बात है। रण भाई देखिए सॉलिड एज ए टाइटेनियम मुकाबले के लिए आए, लेकिन एबी जॉन्टी ने शुरुआती पलों में ही दिखा दिया एक्सपीरियंस डज मैटर। एबी जॉन्टी, ओह व्हाट अ शॉट दैट वाज बाय एबी जॉन्टी, 1-0 से एबी जॉन्टी लीड में, सॉलिड एज ए टाइटेनियम के ऊपर करारा हमला, टाइटेनियम 1-0 से पीछे और ए बी जॉन्टी 1-0 से लीड पे। सॉलिड एज ए टाइटेनियम के पुनीत सस्के अभी भी यहां पे टिके हुए हैं, देखते हैं गाइस क्या होता है। रॉकी भाई जियो का 4G वाउचर मार दो, नेट खत्म होने वाला है मेरा। सासुके द मशीन, जी गाइस जम्मू के द मशीन सासुके आगे बढ़ते हुए यहां पे आगे बढ़ते हुए विन स्मोक, वन मोर टैलेंटेड प्लेयर फ्रॉम झारखंड, झारखंड के एक और ड्रैग रावण भाई, एक और ड्रैग सीधा हेड पे, क्या बात है। विन स्मोक का लाजवाब ड्रैग, जॉन्टी भाई आगे बढ़ते हुए, ए बी जॉन्टी एक बार फिर से ग्लू बॉल लगा के आगे बढ़ते हुए, संभल के आगे बढ़ते हुए, सास्के को डाउन करने में कामयाब हो गए। एक बार फिर से करारा शॉट लगाया गया, इस बार मनीष के द्वारा वो शॉट लगी थी। नादिर आगे बढ़ते हुए, सामने खड़े पूपी, नादिर गुजरात से, नादिर यहाँ पे नॉकआउट हो गए। ए बी जॉन्टी यहाँ पे नॉकआउट हो गए, स्टिल 2v2 मुकाबला चलता हुआ, मनीष का शॉट वहां पे मिस आउट होता हुआ, रिवाइव देने की कोशिश वहां पे ए बी जॉन्टी को रिवाइव दे दिया जाएगा। ए बी जॉन्टी को रिवाइव मिलता हुआ और बेहतरीन शॉट, एम बॉट को नॉकआउट जरूर किया, जॉन्टी भाई को भी रिवाइव मिल जाएगा यहाँ पे। पूपी पूरी ताकत से मुकाबला करते हुए, ए बी जॉन्टी भी दोबारा से अपने कदमों पे लौट आए। क्या टाइटेनियम के सामने से शुरुआती दो राउंड में ही यहाँ पे जीत जाएगी द टीम ऑफ ए बी जॉन्टी वहां पे नॉकआउट हो गया, इस बार रिवाइव भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि जोन के बाहर, श्रिंक के बाहर वहां पे नॉकआउट हुए विन स्मोक एंड मनीष। यहाँ पे विन स्मोक, वन मोर टैलेंटेड प्लेयर दिस टाइम फ्रॉम रांची, झारखंड से एक और टैलेंट आता हुआ विन स्मोक, बट ही इज फ्रॉम रांची, धनबाद से थे एपी, ये हैं रांची से विन स्मोक और मनीष, कंधे से कंधा मिलाकर मुकाबला करते हुए सामने खड़ी सॉलिड एज ए टाइटेनियम, जॉन्टी भाई की लीडरशिप में खेलने का मौका और एंगेटॉन के इन न्यू जनरेशन प्लेयर्स को, नादिर, मनीष एंड विन स्मोक को। ए बी जॉन्टी वन ऑफ द टैलेंटेड कैप्टन्स, वन ऑफ दी बेस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स हु हैड प्लेड of the esports in India. और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, oh my god what a shot that was by Windsmoke, 2-0 they are in the lead, the team of AB Jonty 2-0 से लीड में, रांची के Windsmoke यहाँ पे लीड में, 2-0 से लीड में AB Jonty राउंड भाई। और पब्लिक ने यहाँ पे वोट भी भरपूर तादाद में दिया था यहाँ पे, मैं भी झारखंड से हूँ रॉकी भाई, क्या बात है। क्या बोला मामी ने, तोहफा कबूल करो, नहीं मामी ने बस गिफ्ट दिया था, ज्यादा कुछ बोला नहीं। सासू के पेट लाया है क्या रॉकी भाई, पता नहीं। रॉकी भाई राइस स्टार बाप है, ए भाई छोड़ो, इग्नोर। फालतू में कंट्रोवर्सी कराते हैं ये भाई, ये जो कमेंट करते हैं ना उल्टे सीधे लोग भाई। मैच किसका चल रहा है, क्या बोल रहे हो, कुछ आइडिया ही नहीं आप लोगों को, छोड़ो। ए बी जॉन्टी पुनीत, एमबॉट, पूपी एंड सास्के, ए बी जॉन्टी आगे बढ़ते हुए, ए बी जॉन्टी यहाँ पे देखिए मनीष को बैकअप देने की कोशिश करे, आईजीएल एंड सपोर्टर के रोल में खेलते हैं ए बी जॉन्टी और मनीष के ऊपर पैनी निगाह है। सही टाइम पे सही अटैक करना ए बी जॉन्टी की फितरत और उनकी स्पेशलिटी भी है। ए बी जॉन्टी नीचे से आता हुआ रश टाइटेनियम का, पुनीत बाई तरफ से आते हुए, ए बी जॉन्टी के ऊपर हमला हो सकता है करारा, बुक ऑफ कैरेक्टर बन के वहां पे शायद नादिर बैकअप देने की कोशिश करें। यहाँ पे डबल बैरल का शॉट थोड़ा सा मिस आउट होते हुए, स्काइलर का बखूबी इस्तेमाल, विंडस्मोक नॉकआउट हो गया, ए बी जॉन्टी का शॉट बंदा नॉकआउट हुआ, ए बी जॉन्टी नॉकआउट हो गए, मनीष
स्काइलर चली, पुनीत के ऊपर हमला, वुडपिकर का शॉट मिस आउट होते हुए रिवाइव अगर मिल गया तो दिक्कत में आ जाएंगे। नादिर वहां पे टिके हुए हैं, सारे खिलाड़ियों को रिवाइव मिल चुका है। टाइटेनियम एक बार फिर से सॉलिड बन गए, एक बार फिर से जबरदस्त शॉट, 2v3 मनीष और नादिर को दिखाना पड़ेगा। यहां पे नादिर नॉकआउट, मनीष इज ऑल अलोन, क्या 1v3 निकाल पाएंगे या रिवाइव देंगे अपने साथी को? जवाब है, रिवाइव दिया जा रहा है, जवाब दिया जाए, दाएं बाएं दोनों तरफ से रश आता हुआ, जबरदस्त शॉट टूपी के ऊपर मनीष का, और टाइटेनियम 1-2 से यहां पे कमबैक करते हुए 2-1, एबी जॉन की 2 points and 1 point for the solid as a titanium, कमाल का कमबैक बाय द सॉलिड एज अ टाइटेनियम, और टाइटेनियम यहां पे लगातार आगे बढ़ते हुए। जॉन्टी भाई का न्यू लाइनअप है रॉकी भाई, ओके दिल से जॉन्टी रॉकी भाई जी, तो दिल से जॉन्टी रॉकी भाई क्यों बोलो, दिल से जॉन्टी भाई बोलो दिल से, हाँ दिल से जॉन्टी भाई बोलो भाई, सास के जम्मू से हैं वो। रॉकी भाई को टट्टी आती नहीं और यूजी पागल M10 से जीत पाती नहीं। अरे भाई तुम लोग फिर शुरू हो गए, वहीं अटके पड़ो, दुनिया चांद पे पहुंच गई, दुनिया चांद पे पहुंच गई है ब्रो। एबी जॉन्टी और टाइटेनियम का मैच चल रहा है अभी एबी जॉन्टी एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल करते हुए टाइटेनियम और एबी जॉन्टी का मैच। राउंड भाई कुछ लोगों ने शायद सोचा हो एक तरफा हो, टाइटेनियम डोमिनेटिंग अंदाज में खेलती है, अटैक करके खेलना पसंद करती है, यहाँ तो मुझे कुछ और ही दिख रहा है। यहाँ पे एबी जॉन्टी बिल्कुल मैच जीतने के लिए आए हैं, कॉन्सेंट्रेटेड है। पहले कस्टम चैट में उन्होंने इस तरीके से जो है एक फ्रेंडली नेचर दिखाया, जैसा कि राउंड भाई बोले भी जहाँ पे भी जानते हैं तो जॉन्टी भाई अपने नाम का समा बांध के आते हैं, लेकिन बीइंग सेड दैट जब भी एबी जॉन्टी मैदान में उतरते हैं तो सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, दैट इज विक्ट्री। एंड राउंड भाई इनसे इनका नाम भी जो है बिल्कुल सिद्ध होता है, अजय नाम है इनका, अजय का मतलब होता है इमोर्टल। तो क्या इमोर्टल एबी जॉन्टी यहां पे एक ऐसी टीम जो अभी तक इमोर्टल है टाइटेनियम, क्या उनकी मोर्टालिटी छिन पाएगी? क्या यहां पे एबी जॉन्टी सॉलिड एज अ टाइटेनियम को हराकर एक ऐसा मैसेज सेंड करेंगे कि मैं तैयार हूं? एबी जॉन्टी विन स्मोक नादिर एंड मनीष पुनीत एम्बॉट पूपी एंड सास्के, फायर पावर एबी जॉन्टी के पास भरपूर। एबी जॉन्टी विन स्मोक मनीष नादिर सास्के लगातार स्नाइपर चलाए राउंड भाई, स्नाइपर एक्सपर्ट तो ये भी हैं जम्मू से सास्के। रॉकी मामू आपके लिए ये लोग परेशान करते हैं, हाँ जबरदस्त मुकाबला इस बार, एक बॉट नॉकआउट हो गए हैं। पुपी 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 बेहतरीन शॉट, पुपी पुपी एक बार, ओ इस बार सास के बिल्कुल अकेले 1v4 नादिर को नॉकआउट करने में कामयाब, सास के 2 knock निकाल दिए हैं एबी जॉन्टी, और इसी के साथ विन स्मोक ने एक बार फिर से यहां पे जो है डबल किल करके 3-1 से लीड दिला दिया है टीम एबी जॉन्टी को। टीम एबी जॉन्टी आगे बढ़ते हुए, भाई मिनी मैप कुछ करो यार, वहां स्ट्रेटेजी सीखने को मिलता है भाई, वो तो अब ग्लिच सही नहीं हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कुछ किया नहीं है उसमें, इसमें कैसे मैप सही करते हैं राउंड भाई मेरे को तो कोई आईडिया भी नहीं है। कंपनी फॉल्ट है, कंपनी अपना के तरफ गाइस मेरे हाथ में नहीं है ये, आप देख सकते हो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा इसमें, ये कंपनी फॉल्ट है, इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे क्लैश स्क्वाड में गाइस वैसे भी मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, वो है ड्रोन व्यू दिखा सकता हूँ आपको, स्ट्रेटेजी अगर देखनी है तो। यहाँ पे अगर आप देखें मनीष विन स्मोक एबी जॉन्टी और नादिर पूरी ताकत से मुकाबला करते हुए, सामने खड़ी सॉलिड एज ए टाइटेनियम भी अपना मोर्चा संभाल चुके हैं। राउंड भाई एक तरीके से लोग कह रहे होंगे शायद शुरुआती पलों में कि क्या पता मुकाबला एक तरफा हो, टाइटेनियम किसी को सेटल डाउन नहीं होने, लेकिन एबी जॉन्टी ने दिखा दिया जहां अनुभव है वहां कुछ भी संभव। एबी जॉन्टी ने शुरुआत, ओ भाई एम बॉट को करारा जवाब देते हुए एबी जॉन्टी
दो खिलाड़ियों को क्या के लिए रश कर पाएंगे एबी चौंटी का बेहतरीन शॉट, लेकिन मनीष नॉकआउट हो चुके हैं यहाँ पे 1v2 यहाँ पे लड़ाई करते हुए एबी चौंटी लगातार यहाँ पे क्लोज रेंज पे अपना नजर पेश करते हैं। इस बार एबी चौंटी डाउन, बेहतरीन शॉट सास के, और यहाँ पे विंस्मोक बहुत ही बेहतरीन शॉट। तीन खिलाड़ी मौजूद हैं उनके सामने, 1v3 मुकाबला करना पड़ रहा है, 1v4 भी हो जाएगा अगर सास्के को रिवाइव मिल गया। जी 1v4 हो जाएगा, अब 1v4 मुकाबला करना पड़ेगा विंस्मोक को। 3-1 से लीड में है टीम एबी चौंटी। दाएं बाएं दोनों तरफ से रश आता हुआ, एम बॉट का ट्रिपल किल, और 3-2 से यहाँ पे कमबैक करते हुए सॉलिड एज अ टाइटेनियम। क्या बात है, 3-2 इज द स्कोर लाइन। टाइटेनियम की ओर से एम बॉट का पिछले राउंड में ट्रिपल किल। यूजी वर्सेस पागल M10 जैसा डेली मैच हो तो मैं वाईफाई लगा लूंगा रॉकी मामू। रावण भाई इट्स अ वेरी वेरी यूनिक कमेंट है, बड़ा अच्छा बोला है। रॉकी भाई दिल से आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना लाइव में मजा नहीं आता। थैंक यू ब्रो। मनीष नादिर, एबी जॉन्टी, विंस्मोक, पुनीत, एम्बॉट, पूपी एंड सास्के। तेजी से आगे बढ़ते हुए TSG, सास्के खेल रहे हैं आज टाइटेनियम से। रण भाई एक्चुअली आज 11:30 बजे TSG का मैच था। चांबा भाई की ना तबीयत खराब है जी, मैंने अभी पूछा था, इसलिए सास्के आए हैं। चांबा की तबीयत खराब है एंड जितना मुझे कहा जा रहा है TSG भी दमदार तरीके से ग्राइंड कर रही है, इस वजह से इनके भी प्लेयर्स फ्री नहीं हो पा रहे। खेलना तो है ही रण भाई, क्योंकि न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन की भी बात करूं तो उसमें भी सेमीफिनाले में लगभग हमें 16 टीमें मिल चुकी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेमीफिनाले के लिए 16 टीमें मिल चुकी हैं। सो दिस इज वेरी एपिक, जबरदस्त मुकाबला चलते हुए यहाँ पे अगर आप देखें, जबरदस्त तरीके से मुकाबला चल रहा है टाइटेनियम के। पुनीत, एक बार पुष्टि और सास के मुकाबला करते चले जा रहे हैं। आप देखो के ऊपर हमारा कैमरा है, रांची झारखंड के न्यू टैलेंट फ्रॉम रांची। पुनीत के ऊपर डैमेज आता हुआ, पंजाब के हैं पुनीत। एम्बॉट तेजी से आगे बढ़ते हुए, एम्बॉट पिछला राउंड जिता के दिया था, बहुत बेहतरीन शॉट मिला, नॉकआउट कर दिया एबी चौंटी और विंस्मोक दोनों को। ऊपी भी यहां पे नॉकआउट करके पीछे की ओर से एम्बॉट का तगड़ा प्रहार आते हुए मनीष और नादिर, बहुत ही प्यारा शॉट। फिर फाइटिंग चल रही है और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी वहां पे वुकोंग की, बट 3-3 की बराबरी हो चुकी है। अब टाइटेनियम की ओर से तगड़ा कमबैक, 3-3 का कमबैक हो चुका है। वन डे यू विल कास्ट माय टीम एंड माय ड्रीम विल कम ट्रू रॉकी भाई, डेफिनेटली सॉलिड एज अ टाइटेनियम। जौनपुर का कंट्रोल ले लिया रॉकी मामा, अरे नहीं, जौनपुर वाले बड़े बदमाश है भाई, बड़े बदमाश है जौनपुर वाले, हमको नहीं चाहिए जौनपुर का कंट्रोल। हम आपने सूरती लालच बराबर छे भाई, आपने जौनपुर नो कंट्रोल नहीं जो है। जौनपुर का कंट्रोल उन्हीं को मुबारक हो भाई, हम सूरती लाला ही सही है भाई, मस्त यहाँ पे बैठ के वेजिटेरियन खाना खाएंगे। रण भाई पता है मेरा सबसे फेवरेट सूरती भोजन क्या है? थेपले के ऊपर मक्खन लगा के वो अचार का संभार आता है। जो रेड मिर्ची पाउडर होती है, कैरी का संभार पाउडर जो होता है वो डाल के बचपन से ब्रेकफास्ट करता था मैं वैसे। एनीवेज 3-3 की बराबरी पे मुकाबला यहाँ पे, टीम ए बी जॉन्टी मुकाबला कर रही है सॉलिड एज अ टाइटेनियम से। 3-3 की बराबरी हो चुकी है, क्या यहाँ पे ए बी जॉन्टी जिस किस्म की शुरुआत ली है राउंड भाई, क्या उस तरीके से कमबैक कर पाएंगे? चांबा की तबीयत खराब है, टाइटेनियम में चांबा अवेलेबल नहीं है। अगर यहां से ए बी जॉन्टी ने पकड़ लिया टाइटेनियम को तो उसके बाद कोई मौका मिलेगा नहीं। ए बी जॉन्टी आगे बढ़ते हुए मेरा जुखाम वाकई में ठीक हो जाएगा अब।
इतना कफ आता कहां से है मेरे अंदर। मनीष नादेर, मनीष यहाँ पे डैमेज हो चुका है, 50 की हेल्थ गवा दी वहां पे। एक नादिर और मनीष के पास बिल्कुल भी हेल्थ नहीं बची है। 2v2 मुकाबला, अब नाउ इट्स 1v2, मनीष के पास बिल्कुल हेल्थ नहीं। मनीष ओ वहां पे हेडशॉट जरूर लगाया था, लेकिन 4-3 से लीड पे आ चुके हैं सॉलिड एज ए टाइटेनियम। 4-3 से लीड में, सॉलिड एज ए टाइटेनियम 4-3 से यहाँ पे लीड में आ चुके। क्या ए बी जॉन्टी यहाँ पे अपनी टीम को दोबारा से लीड में ले जा पाएंगे? सॉलिड एज ए टाइटेनियम 4-3 से लीड में है गाइज, बताइए शेड्यूल कब आएगा? रॉकी मामा अभी तक नहीं आया क्या राउंड भाई, जरा पता करना। करण नहीं, वो मोहन भाई और ये सब कर रहे हैं। अच्छा क्या हम अनबीटेबल टाइटेनियम का फायर पावर भूल गए हैं क्या? नो कंपेयर हैशटैग रॉकी। नहीं ब्रो, फायर पावर तो है ही, लेकिन आज का अगर आप देखें जॉन्टी भाई के न्यू लाइनअप के पास भी फायर पावर है। यंग सेंसेशन विन स्मोक रांची से हैं, मनीष नादिर, ये पूरा फायर पावर। जॉन्टी भाई खुद भी आपको याद रखना चाहिए, आज की हालिया ई-स्पोर्ट्स में जॉन्टी भाई आईजीएल एंड सपोर्टर खेलते हैं, बट जब इन्होंने डेब्यू करा था ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में जॉन्टी भाई वाज प्लेइंग एज अ असॉल्टर। तो मुझे तो लगता है फायर पावर दोनों तरफ है, टाइटेनियम के फायर पावर से मैचअप कर पाएंगे कि नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि टाइटेनियम बहुत आगे है क्लैश स्क्वाड के मामले में लेवल में। बट ये भी जॉन्टी है सामने ब्रो, ये वो खिलाड़ी है जिसने अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को सितारा बना दिया। यहाँ पे मैं ये देखना चाहूंगा क्या ओ, नादिर का बेहतरीन शॉट, नादिर का बहुत ही आला दर्जे का शॉट। राउंड भाई यहाँ पे बात नहीं बन रही, विन स्मोक को अब नादिर के साथ मिलके 2v3 ये मुकाबला निकालना पड़ेगा। नादिर के पास बहुत मेडिकेट्स हैं, गेम बोर्ड के ऊपर अटैक नादिर का और यूजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। शॉट बहुत ही बढ़िया, पहला खिलाड़ी नॉकआउट विन स्मोक। और क्या AWM चलाई है वहां पे सास्के, बहुत ही बेहतरीन शॉट 1v1 सास्के बनाम नादिर, सास्के बनाम नादिर। और यहाँ पे बिल्कुल अच्छा क्रॉसओवर पॉइंट करता है, लेकिन पुनीत का डबल किल और 5-3 से दोबारा से लीड को पुख्ता करते हुए यहाँ पे सॉलिड एज ए टाइटेनियम 5-3 से लीड में जा चुके। एयर ड्रैप को नो कर दीजिए रॉकी भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, कुछ भी नहीं आता। रॉकी भाई फ्री फायर में कितने अजय हैं, बहुत से अजय हैं, मैं भी अजय हूं। सूरत में ऊन से हूं, आप मिलने आओगे? ऊन पाटिया बहुत बार आया हूं ब्रो मैं, ऊन पाटिया के पास भेस्तान पड़ता है आपको याद होगा, वहां पे भी मेरे कई बार, मैं बचपन में क्रिकेट खेलने आया हूं, काफी अच्छा क्रिकेटर था मैं, नॉट एज गुड एज फैब इंद्रो बट अच्छा खासा क्रिकेट खेलता था मैं, तो दैट्स व्हाई वहां पे कई बार खेला है मैंने। विंस्मोक के ऊपर हेड लगाना चाहते हैं वहां पे पूपी, ओ भाई विंस्मोक के ऊपर करारा शॉट, हिलने का मौका नहीं मिल रहा है पूपी और सास्के। एक बार नॉकआउट, मैन टू मैन एडवांटेज मिलने की कोशिश थी लेकिन नॉक कर पाए हैं, सिक्योर नहीं कर पाए किल को। पूरी जॉइंटिंग कोऑर्डिनेशन के साथ खेल दिया, लेकिन लीड अभी तक टाइटेनियम के पास है। मनीष आगे बढ़ते हुए बैटल देने की कोशिश, मनीष आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, ए बी जॉन्टी नॉकआउट, ए बी जॉन्टी यहां पे नॉकआउट, मनीष और मनीष भी नॉकआउट हो गए इसी बीच। और विन स्मोक का यहां पे जबरदस्त प्रहार, विन स्मोक भी नॉकआउट, जबरदस्त जबरदस्त असॉल्ट पावर वहां पे एम बॉट की ओर से, एक खिलाड़ी को समाप्त कर दिया। 1v3 अभी भी लड़ रहे हैं, सास्के वहां पे आ जाते हैं, सास्के को नॉकआउट करने का एक अच्छा मौका गवा बैठे नादिर। शॉट पहला शॉट बिल्कुल ठिकाने पे, नादिर डैमेज हो गए, फिर खत्म। ओह माय गॉड, नादिर का क्वाड्रा, नादिर का क्वाड्रा किल, टेक अ बाउ बॉय, ओ जी नादिर योर ब्यूटी, क्वाड्रा किल बाय नादिर। एबी जॉन्टी क्या बात है, एबी जॉन्टी की टीम से नादिर ने सॉलिड टाइटेनियम को दिया बड़ा झटका, क्या बात है गाइस। यहाँ पे नादिर के क्वाड्रा किल ने सबको हिला के रख दिया। Oh my God, what a clutch that was! We need party and killer Rocky भाई।
मजा आ रहा है मामू, थैंक यू भाई। हिमाचल से बस एक ही टीम है, कुछ करो। मैं क्या करूं ब्रो, प्लेयर आए तो कुछ कर सकता हूं मैं। रखे मैं गर्लफ्रेंड से झगड़ा करके लाइव देख रहा हूं और मैं अपनी मंगेतर को थोड़ा कम समय दे के रिस्क उठा के लाइव कर रहा लगभग लगभग अपने एक ही कश्ती पे सवार है, बस तुम्हारा वाला नौका है, मेरा वाला टाइटेनिक है। सेम प्रॉब्लम सेम मेडिसिन। सास्के को नॉकआउट करने में कामयाब, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अगर आप देखें नादिर, वहां पे देखें फमास को बड़ी तेजी से चला रहे हैं, एमबॉट बिल्कुल पीछे की तरफ मौजूद है, एम गड़ा के बैठे एमबॉट, एमबॉट के ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे। नादिर डैमेज हो चुके हैं वहां पे, एमबॉट एमबॉट बनाम नादिर, नादिर 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 की ओर से जबरदस्त एफर्ट, बहुत प्यारा शॉट, खिलाड़ी को नॉकआउट करने में कामयाब हो चुके हैं नादिर। नादिर का बेहतर शॉट, नादिर छक्के में वहां पे ए बी जॉइंट की टीम के दो खिलाड़ी धराशायी हो गए। हेडशॉट बाय नादिर, नादिर का एक बार फिर से करारा हेडशॉट। नीचे की तरफ खड़े सास के ए बी जॉन्टी ने भी पूपी को नॉकआउट करके वहां पे जीत की दहलीज पे एक और कदम बढ़ा दिया। टब स्नाइपर की वादा से आगे बढ़ते हुए एक बार ट्रिपल किल, एक बार फिर से ट्रिपल किल, द गेम चेंजर नादिर फॉर ए बी जॉन्टी, हैशटैग नादिर, हैशटैग द न्यू डिस्ट्रॉयर फॉर ओरेंगटोन। जी गाइस, ओ जी नादिर, क्या बात है, टैलेंटेड खिलाड़ी नादिर ने यहाँ पे अपने टैलेंट का परचम लहरा दिया। ओजी नादिर यहाँ पे ओरेंगटोन को 5-5 की बराबरी पे लेकर आ गया और सोलिड एज अ टाइटेनियम के ऊपर तगड़ा प्रहार। ओजी नादिर कमाल खेलते हुए यहाँ पे, क्या बात है। देखिए आपका फेवरेट ईस्पोर्ट्स प्लेयर कौन है? नूब्रू, नूब्रू बंदे के चेहरे पे हमेशा हंसी लगी रहती है। नादिर ग्यारह किल कर चुके हैं रावण भाई, सामने पुनीत भी 10 किल कर चुके हैं, तो टाइटेनियम के पुनीत बनाम ओरेंगटोन के नादिर। ए बी जॉन्टी, ए बी जॉन्टी वाई टी, व्हाट एक्सपीरियंस प्लेयर, व्हाट एक्सपीरियंस लैड। और अब सास्के को भी अब आना पड़ा है असॉल्ट राइफल क्लोज रेंज में, नो मोर स्नाइपर्स बाय सास्के। उपी को नॉकआउट करने में कामयाब हो गया, उड़ देकर चली थी, नॉकआउट हो गया नादिर का शॉट, लेकिन इस बार बात ए बी जॉन्टी, ए बी जॉन्टी को यहाँ पे अब अकेले ही नैया पार लगानी पड़ेगी। शॉट बहुत ही बेहतरीन शॉट, सास्के को नॉकआउट करने में कामयाब हो गए ए बी जॉन्टी। ए बी जॉन्टी एक बार फिर से है, लेकिन इस बार एमबॉट ने कोई मौका नहीं दिया। 6-5 सॉलिड टाइटेनियम काफी आगे। रॉकी भाई आज अगर पागल M10 हारता तो सो नहीं पाता ब्रो, देखो मेरे को इस बारे में मत घसीटो रॉकी। सूरत का लाल भाई क्रिकेट स्टेडियम पता ही होगा रॉकी मामू, पिपलोद में आता है भाई, सूरती हूँ मैं, यही जन्म हुआ है मेरा, पता नहीं होगा से क्या मतलब। पिपलोद इच्छानाथ में आता है भाई लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम, बिल्कुल पता है। फिर ये भी ये मत बोलना, वहां से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ओ भाई, ओ आ गए और नादिर को नॉकआउट कर दिया यहाँ पे। ये भी जॉन्टी के ऊपर प्रेशर है, जॉन्टी ये वाला महंगा पड़ेगा। नादिर को रिवाइव मिला, तेज ब्लू वॉल लगाने की कोशिश का समर, विंड स्मोक बार बार अगर आप देखें नादिर को गेम में जीवित वन विक टू है और इसी के साथ 6-6 की बराबरी, क्या बात है बी जॉन्टी एंड टीम, 6-6 की बराबरी, मुकाबला डाउन टू द वायर, क्या बात है। रॉकी मामू बोले उतना पैसा बहा दूंगा जॉन्टी भाई को, We want elite back. ब्रो देखो मेरे को इस बारे में मत बोलो क्योंकि मेरा इस बारे में कोई टिप्पणी करना बनता नहीं है। सर व्हाट्स योर एज? आई एम 30। इस बारे में मेरा कोई कमेंट करना बनता नहीं है। आई थिंक जॉन्टी भाई इज द बेस्ट मैन टू अप्रोच। इसमें मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो गलत बात होगी, जॉन्टी भाई टीम के मेंटोर हैं, मैं इस बारे में कोई भी बात बोलना नहीं चाहूंगा। ओरेंगटोन
की ओर से जॉन्टी भाई मेंटोर हैं, तो जॉन्टी भाई जो बोलेंगे वो आई थिंक आपको मानना चाहिए। फर्स्ट ब्लड, जबरदस्त मुकाबले में रोमांच। एम बॉट फूपी और सास के आगे बढ़ते हुए विन स्मोक नादिर एंड ए बी जॉन्टी। क्या यहाँ पे ओरेंगेटॉन पहला मैच जीतेगी या टाइटेनियम? राउंड भाई आज भारी पैमाने में वोटिंग हुई है एबी जॉन्टी के लिए, और एबी जॉन्टी ओरेंगेटॉन से नए लाइनअप को मैदान में उतारा था और ये नया लाइनअप काफी कमाल खेल रहे हैं। नादिर के ऊपर प्रेशर बढ़ता हुआ, विंस्मो क्या एबी जॉन्टी या तो होल्ड करना पड़ेगा या तो अटैक करना पड़ेगा, दो ऑप्शन है। जॉन्टी ब्लू वॉल ब्रेक करने वेट करने को कहा गया है, टाइटेनियम गलती करेगी। एबी जॉन्टी का पेशेंस या टाइटेनियम का पावर? जॉन्टी डाउन, अब तक पावर हावी एक्सपीरियंस के नादिर। विंस्मोक भी गए, नादिर 1v3 क्या क्लच निकाल पाएंगे? सॉलिड इज द टाइटेनियम काफी आगे, राइट हैंड साइड में बंदा आ गया, नादिर देखने में असमर्थ रह गए और एक आसान सा शॉट और 7-6 से सॉलिड इज द टाइटेनियम ने पहला मैच जीता और काफी मशक्कत के साथ जीता। किसी का भी गेम हो सकता था ये टाइटेनियम भी जीत सकते थे, ये एबी जॉन्टी भी जीत सके, लेकिन पहले मुकाबले को एक कांटे की टक्कर में जीता सॉलिड एज अ टाइटेनियम ने। 1-0 की बढ़ोतरी यहाँ पे, 1-0 से लीड करते हुए सॉलिड एज अ टाइटेनियम। दोनों तरफ बराबरी की आग लगी थी, लेकिन एमबॉट इज द डिफरेंस मेकर। अगर आप देखें एमबॉट ने भी 10 किल करे जहां पुनीत ने 12 किल करे थे। दूसरी तरफ अगर आप देखें ओरेंगेटॉन से तो वहां पे नादिर ने 12 किल करे, एबी जॉन्टी ने 5, विंस्मोक ने 6 और 5 किल करे मनीष ने। तो गाइज यहाँ पे एमबॉट डेफिनेटली द डिफरेंस मेकर। 7-6 इज द स्कोर लाइन, 1-0 से टाइटेनियम आगे। क्या टीम एबी जॉन्टी कर पाएगी यहाँ पे कमाल की वापसी? रैंडम स्टोर लगा, व्हाट इज रैंडम स्टोर? आई डोंट नो, क्या कोई मोड है? हाँ है ना, वो कॉम्पिटिटिव के पहले आता है, उसमें शायद वो नहीं मिलती, मेरे को पता नहीं। रैंडम स्टोर लगा देता हूँ, और तो कुछ नहीं बदलना होता। ओके, रैंडम स्टोर लगा दिया, स्टार्ट। अरे उसमें चेंज करना पड़ता है शायद स्किल विल, पता नहीं। हाँ, मैंने गन प्रॉपर्टी बंद कर दी। अच्छा कर दी ना? ओके, गन प्रॉपर्टी बंद कर दी मैंने, याद से किया मैंने बस। तो देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। 1-0 से सॉलिड एज टाइटेनियम लीड में है, क्या यहाँ पे बात बनेगी? रॉकी मामू तारो जन्म सूरत में कहाँ थयो छे? सूरत नवी सिविल हॉस्पिटल में। मजूरा गेट सूरत नवी सिविल हॉस्पिटल। नादिर मनीष एबी जॉन्टी विंस्मोक पुनीत सास्के पूपी एंड एमबॉट। यहाँ पे ये एड्रॉप आया, एड्रॉप से ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। जॉन्टी भाई ने रैंडम मोड वाइज जताई थी, रैंडम मोड हमने कर दिया। बैटरी लो हो गई है मेरी, अखंड पीरो गेम प्ले करना भी तो है बाद में। नॉकआउट हो गए नादिर, क्या बात है एबी जॉन्टी, बहुत बढ़िया। फर्स्ट ब्लड, अगर आप देखें लॉन्ग रेंज से भी बैकअप आ रहा है। एबी जॉन्टी ने वहां पे एक किल सिक्योर करके नादिर को रिवाइव देने की जो यहां पे चाल चली थी बिल्कुल सही। यहां पे दोबारा से अब मैन टू मैन एडवांटेज जो है मिल जाएगा ओरेंगेटॉन को। ओरेंगेटॉन एबी जॉन्टी, अगर आप देखें एबी जॉन्टी यहां पे पूरी ताकत से लड़ते हुए, पुनीत सास्के और पूपी। एबी जॉन्टी नादिर मनीष एंड विंस्मोक, पुनीत सास्के एंड पूपी ऊपरी सतह पे मौजूद हीलिंग बैटल के लिए भी यहाँ पे जो है दावा पेश कर सकते हैं सॉलिड टाइटेनियम। अब तक टाइटेनियम पहला मैच जीत चुका है। सास्के को पैट हटाने बोलो, हटाया है ब्रो। भाई आपको सास्के का पैट दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, हटा गया है।
आपको दिख रहा है सर? मुझे तो नहीं दिख रहा। हटा गया है। गाइस देख लो आपके सामने ऑन स्क्रीन है सास्के। कहीं पे भी दिख रहा है राउंड में आपको पेट? मैं ड्रोन व्यू से भी देख लेता हूं। मुझे तो नहीं दिख रहा क्योंकि ये 3-4 बार कमेंट आ रहा है बार-बार, बट मैं यहां पे सास्के का कोई पेट नहीं देख पा रहा हूं गाइस। मुझे कोई पेट दिख नहीं रहा है गाइस सास्के का। अगर आपको कुछ ज्यादा दिख रहा है तो मुझे बता दीजिए। मैं रावण भाई से भी कंफर्म करा इसलिए कि अगर कोई पेट दिख रहा हो तो बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, जब देख करा ना टीएनएम के दो बंदे ना साथ के और बैग गए थे। गए थे अभी, हटा गए होंगे। अगर नहीं हटा पाए भूल गए होंगे तो दिक्कत ना लीजिए। हीलिंग बैटल होने वाली है। पुनीत डेफिनेटली हीलिंग बैटल शुरू भी कर चुके हैं वहां पे। चालाकी भरी चाल ए बी 20 डबल किल। कौन जीता? एंड आई थिंक मनीष सबसे लास्ट में एलिमिनेट हुए जी। तो गाइस सॉलिड एज ए टाइटेनियम को यहां पे लीड मिल गई 1-0 की सबसे लास्ट में। जी नहीं, सबसे लास्ट में नहीं, मनीष पहले एलिमिनेट हुए थे, बच गए वहां पे। तो 1-0 से यहां पे लीड में टाइटेनियम। टाइटेनियम को दोबारा से मिल गया। जॉन्टी भाई आग लगा दी, आग। Come on guys, जितने भी भाई लोग देख रहे हैं वो जो थम्स अप वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करके फटाफट 36,000 लाइक टारगेट पूरा कर दीजिएगा। 36,000 से ज्यादा का लाइक टारगेट तो पूरा होना चाहिए। मैक 7 चलाना को बोलो जॉन्टी भाई को। मैं कैसे बोलूं इन गेम में? मैं कैसे जॉन्टी भाई को बोलूं इन गेम में जाके कि मैक 7 चलाओ? ये भी जॉन्टी, विन स्मोक, नादिर, मनीष, पुनीत, सास्के, पूपी एंड एम्बॉन। एबी जॉन्टी डाउन। वो 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 एबी जॉन्टी और मनीष दो छक्के लग गए। नादिर नॉक, और इसी के साथ सॉलिड एज ए टाइटेनियम ने 2-0 की बढ़ोतरी बना ली। एक ही झटके में लीड पे आ गई है इस वक्त सॉलिड एज ए टाइटेनियम। आप डिस्कॉर्ड पे टूर्नामेंट कराते हो सर? बिल्कुल कराते हैं सर, लिंक भी दे रहे हैं आपको, आ जाइए। हैप्पी रिपब्लिक डे रॉकी मामा। अरे हाँ, 26 तारीख होने वाली है ना। हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल। रॉकी भाई शादी कब है आपकी? अभी देर है ब्रो, शायद इस साल हो या शायद अगले साल जनवरी में। पुनीत साथ के पूपी एंड एम्बॉट, मनीष, नादिर, एबी जॉन्टी एंड विन स्मोक। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। एबी जॉन्टी आगे बढ़ते हुए, एबी जॉन्टी तेजी से आगे बढ़ते हुए। पुनीत साथ के पूपी एंड एम्बॉट, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है यहां पे। एबी जॉन्टी सास्के पूपी एंड एम्बॉट तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और यहां पे करारा शॉट पुनीत का और एबी जॉन्टी के ऊपर दोहरा प्रहार टाइटेनियम का। एबी जॉन्टी हैज बीन वाइप्ड आउट इन अ सेकंड। दोहरा वार हुआ था। यहां पे तेजी से आगे बढ़ते हुए विन स्मोक आगे बढ़ते हुए। यहां पे विन स्मोक डैमेज दिया है यहां पे। बेहतरीन शॉट विन स्मोक द्वारा। एक बार फिर से विन स्मोक, एक बार फिर से रीलोड और बात नहीं बनी। नादिर बिल्कुल अकेले, नादिर बिल्कुल अकेले। और यहाँ पे 3-0 से एक बढ़ोतरी यहाँ पे टाइटेनियम को मिल गई एक बार फिर से लीड में। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। जॉन्टी सर मैग हैकर इसलिए रैंडम मोड बोले रॉकी भाई। ब्रो माइट बी, बट जॉन्टी भाई ने मैग नहीं डबल बैरल ली है। रैंडम स्टोर लगाया है। एंड रण भाई यहां पे अगर आप देखें जॉन्टी भाई को मैग 7 तो नहीं बट डबल बैरल मिली है। एंड यहां पे भी जॉन्टी पर प्रेशर जरूर रहेगा। जॉन्टी एक बहुत ही तजुर्बेकार खिलाड़ी, पुनीत को नॉकआउट कर दिया और शायद यहाँ पे मुझे लग रहा है तो भी जॉन्टी के ऊपर डैमेज भी आया। आगे विन स्मोक नॉकआउट, फर्स्ट ब्लड, विन स्मोक नॉकआउट। सामने पुनीत और सास के दोनों डाउन है। पूपी से हमला करते हुए
इमबॉट आगे बढ़ते हैं। इमबॉट 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 बना नादिर, इमबॉट बना नादिर, एक बार फिर से नादिर, नादिर मनीष ने भी जॉन्टी, नादिर शॉट पूपी के ऊपर, नादिर पीछे की ओर से डैमेज आता हुआ, सारा डैमेज नहीं दे पाए नादिर, नादिर डैमेज दे पाए, इमबॉट जॉन्टी बहुत ही प्यारा बैकअप, बहुत ही प्यारा बैकअप, लेकिन उतना ही ऊंदा हेडशॉट इमबॉट द्वारा, इमबॉट द्वारा कमाल का हेडशॉट, टीएनएम इमबॉट का बहुत ही जबरदस्त शॉट, मुकाबले में रोमांच और एक बार फिर से ट्रिपल किल, और यहां पे नादिर ने दिला दिया है ए बी जॉन्टी को कमबैक। जी गाइस, टीम ओरेंगटन ए बी जॉन्टी यहां पे कमबैक करते हुए 3-1 टाइटेनियम 3-1 से अभी भी आगे है। रॉकी मामू थोड़ा बंगाली में कमेंट कर दीजिए, बाकी को समझ नहीं आएगी ब्रो। गजेंद्र प्रताप सिंह शेखावत, भैया टीम डी कब खेलेगी, बहुत दिनों के बाद आया हूं, और टीम डी भी क्वालिफाई हो चुकी है, तो टीम डी का मैच माइट भी कल होगा ब्रो। मेरी कमर, जनवरी में शादी क्योंकि आप आइसक्रीम के पैसे बचाना चाहते हो ना भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जनवरी में भी आइसक्रीम खा सकते हो, आइसक्रीम की जगह जो चाहिए वो बोल देना, वो आ जाएगा, बस फर्स्ट खाने में कोई कमी नहीं होगी भाई। जबरदस्त शॉट, पुनीत आगे बढ़ते हुए, पुनीत पुनीत और क्या बात है, पुनीत अकेले ही यहाँ पे पूरी टीम के ऊपर अटैक करते हुए, एबी जॉन्टी, एबी जॉन्टी बनाम पुनीत, एबी बनाम पुनीत, एबी जॉन्टी और फिर से एबी जॉन्टी, अकेले खेल रहे हैं एबी जॉन्टी, अकेले मुकाबला करते हुए टीम से आगे बढ़ते हुए एबी जॉन्टी, शॉट मनीष वहां पे पूरी कोशिश करते हुए, लेकिन दोबारा से कहना पड़ेगा पुनीत ने अपने दो खिलाड़ी रिवाइव दे दिए, दो खिलाड़ी रिवाइव दे दिए, जहां पे सिचुएशन काफी ज्यादा वल्नरेबल थी, सारे खिलाड़ी डाउन थे, वहीं पुनीत ने सबको बचा लिया, और ये भी जॉन्टी और मनीष को अब अपने पेशेंस का जायरा देना पड़ेगा। मनीष का वन टैप मिस होता हुआ, ये भी जॉन्टी नॉकआउट, मनीष ट्रबल ट्रबल ट्रबल, ओ मनीष गन रीलोड करते हुए एक और खिलाड़ी को नॉकआउट किया मनीष ने, दो खिलाड़ी नॉकआउट है, क्या क्लच निकाल पाएंगे मनीष, क्या बात है, स्काइलर का बखूबी इस्तेमाल और 3-2 के कबाव मनीष, व्हाट अ गेम प्ले, सेंसिबल सेंसिबल गेम प्ले बाय ओरेंगटन मनीष, बहुत ही प्यारा नजारा यहां पे, ओ जी मनीष क्या बात है, वेल प्लेड, बहुत ही दुरुस्त स्काइलर का इस्तेमाल, जुंटी गेमिंग से ना जो भी प्लेयर है ना रवि भाई, वो गेम प्ले से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अच्छा लगता है देखना। मैच के बाद सहारा दरवाजा आइए चाय पीने, कहा चामुंडा में, मैं वैसे चाय पीता नहीं हूँ, बट मैं मेरे दोस्तों के साथ कई बार गया हूँ, मेरे दोस्त लोग चाय पी लेते हैं और मैं फाफड़ा खा लेता हूँ, सारा दरवाजा वो लोग रहते हैं, और मैं सारा दरवाजा जाता नहीं हूँ गाइस, क्योंकि मेरे को डर लगता है कोई भाई मेरा सब्सक्राइबर मेरे को पहचान लेगा, भीड़ भीड़ हो जाएगी भाई, कोविड का टाइम है। जॉन्टी भाई को नॉकआउट कर सकते हैं यहाँ पे, पूपी ACAT का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए, इनस्मोक मनीष नादिर एबी जॉन्टियन, यहाँ पे मनीष बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए, और वहां पे UAV भी आ चुकी है, मनीष के पास एक M82B है, जिसके वजह से मनीष यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कंफ्यूज करने की, और विंस्मोक यहाँ पे नॉकआउट हो चुका है, एबी जॉन्टी AB Jonty तेजी से आगे बढ़ते हुए, AB Jonty के पास मौका है, AB Jonty के पास बेहतरीन मौका है यहाँ पे अपनी टीम को दोबारा से मैन टू मैन एडवांटेज दिलाने का, AB Jonty बनाम पुनीत, पुनीत बनाम AB Jonty, बहुत ही प्यारा शॉट AB Jonty का पुनीत को, ईंट का जो आप पत्थर से दिया इस बार AB Jonty ने, कहना पड़ेगा यहाँ पे AB Jonty दिखाते हुए अपना फायर पावर, AB Jonty यहाँ पे बहुत ही कमाल के फॉर्म में, टाइटेनियम के साथ बराबरी का मौका करने का दोबारा से मौका पिछला मैच भी 6-6 की बराबरी पे समाप्त हुआ था, क्या इस बार AB Jonty इस बार लीड दिला देंगे क्या, इस बार फिर से मुकाबले में जबरदस्त रोमांच, AB Jonty आगे बढ़ रहा है, मनीष ने उससे पहले ही किल करके 3-3 की लीड ऑलरेडी दिला दी है, तो गाइस ओरेंगटन AB Jonty
तीन पॉइंट एंड सॉलिड एज ए टाइटेनियम तीन पॉइंट, और 1-0 से मैच में लीड में है ऑलरेडी सॉलिड एज ए टाइटेनियम. वेयर इज एनएक्सटी? कल ही तो क्वालिफाई किया है, रोज रोज एनएक्सटी खेलेगी. ओफ, रोज रोज थोड़ी खेलेंगे. 7-0 होगा ब्रो, बट आई लव एबी जॉन्टी. नहीं होगा ब्रो 7-0, डोंट वरी. 7-0 नहीं होगा ब्रो, एबी जॉन्टी इज देयर. क्या बात है जॉन्टी भाई जी, बिल्कुल. डोंट फॉरगेट ही इज स्टिल एबी जॉन्टी. जॉन्टी गेमिंग ईयर याद है रुके भाई, जॉन्टी गेमिंग ईयर. हम लोग वहीं पे थे जब वो चीज वायरल हुई थी. वही वही बहुत मजा आता है देखने में. एबी जॉन्टी आगे बढ़ते हुए. एबी जॉन्टी, एबी जॉन्टी, ओ एसीएटी से पूरा खोपड़ा ही उड़ा दिया. एम बॉट थे और पूरा का पूरा वहां पे हेलमेट उड़ा के रख दिया एबी जॉन्टी का. अच्छा ड्रैग शॉट, विंड स्मोक के रडार पे है इस वक्त. पीछे से आते हुए पूपी और पुनीत और पाइप लाइन. अच्छा ड्रैग, एम बॉट बहुत ही खूबसूरत ड्रैग लगा रहे हैं, लगातार दो हेडशॉट लगा चुके हैं. और इस बार ड्रैग शॉट का जवाब ड्रैग शॉट से दिया वहां पे नादिर ने. खूबसूरत ड्रैग, खूबसूरत हेड, एम्बॉट नॉकआउट है. रिवाइव होने की कोशिश करते हुए नादिर के ऊपर पीछे से भी हमला हो चुका है. मनीष बिल्कुल अकेले, मनीष क्या बैकअप दे पाएंगे नादिर को. मनीष का बेहतरीन शॉट, क्या बात है, पूपी नॉकआउट. लेकिन एक बार फिर से सॉलिड टाइटेनियम 4-3 से अब आ चुकी है लीड पे. 4-3 से अब आ चुकी है लीड पे. कौन बांगाली बोलছেন? जॉन्टी भाई हैज रियली इंप्रूव्ड भाई, बिल्कुल. एबी जॉन्टी मेहनत कर रहे हैं, आप देख देख भी रहे हो, ग्राइंड कर रहे हैं और दिख रहा है वो चीज. एबी जॉन्टी 1v1 पुनीत को नॉकआउट कर दिया था जिस तरीके से उन्होंने वहां पे 1v1 बिल्कुल भी किसी का सपोर्ट नहीं, ऐसा नहीं था कि किसी ने डैमेज किया था, नॉकआउट कर दिया. 1v1 नॉकआउट करा था एंड इट वाज फैंटास्टिक. फर्स्ट ब्लड. मनीष, मनीष, मनीष आगे बढ़ते हुए. मनीष, मनीष के पास मौका, मनीष, मनीष के पास बेहतरीन मौका. सामने की तरफ से आते हुए खिलाड़ी के ऊपर हमला करने की कोशिश मनीष द्वारा अभी तक समझ रहे. और नाकामयाब, मनीष लगातार शॉट्स पे शॉट्स लगाए जा रहे हैं. वहां पे दोनों कैरेक्टर भी आ चुका है. क्या यहां पे मनीष कामयाबी हासिल कर पाएंगे? जी नहीं, 5-3 से दोबारा से सॉलिड एज ए टाइटेनियम अब लीड में जा चुकी है. ओजी को फेवर देते हो? नहीं ब्रो, मैं क्यों फेवर दूं, लीड पे तो टाइटेनियम है, ओजी को क्यों फेवर दूंगा ब्रो. सॉलिड एज ए टाइटेनियम लीड पे है ब्रो. नादिर, मनीष, मनीष के ऊपर एम लगाते हुए सास्के, सास्के बना मनीष, मनीष को वहां पे डैमेज देने में कामयाब हो चुके सास्के. लेटना पड़ेगा एमबॉट का रश, बेहतरीन रश, और मनीष की भी चाल अच्छी थी यहाँ पे, बेहतरीन कोशिश यहाँ पे. इम्बॉट मनी, मनीष को नॉकआउट करने में कामयाब हो गए. पुनीत अकेले है, दो बंदे आते हुए नॉक हो सकते हैं. पुनीत बेहतरीन शॉट वहां पे भी, और पुनीत को नॉकआउट करारा जवाब दिया एबी जॉन्टी ने. एबी जॉन्टी ने करारा जवाब दिया, लेकिन सास्के अभी भी अपने स्नाइपर के साथ टिके हुए हैं. एबी जॉन्टी के ऊपर हमला करने की कोशिश, नाकामयाब. शॉट पे शॉट चल रहे हैं, लेकिन अब तक खिलाड़ी नॉकआउट करने में असमर्थ.
पे अगर आप देखें एमबॉट अभी भी टिके हुए हैं। ओह नॉकआउट सात से बिल्कुल अकेले 1v3 कमबैक का मौका दोबारा से मिलेगा ओजी एबी जॉन्टी को। हेड पे एम विन स्मोक के एक बार फिर से डबल एम ए 2b का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सास्के सास्के कुछ नया करने की कोशिश करेंगे क्या सास्के 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 आगे बढ़ते हुए सास्के रात के 12 बज चुके हैं फिर भी हजारों की तादाद में लोग यहां पे इंतजार करते हुए देखने के लिए कि कौन जाएगा नेक्स्ट राउंड में बिटवीन टाइटेनियम एंड एबी जॉन्टी। एबी जॉन्टी एक तगड़ा कामयाबी यहां पे हासिल करने की कोशिश ओजी एबी जॉन्टी कमाल के फॉर्म में सामने खड़े हैं सास्के। एबी जॉन्टी जॉन्टी सामने खड़े सास्के 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 एक बार फिर से अंदर आए सास्के बनाम एबी जॉन्टी और विंग स्मोक ने यहां पे किल ले लिया 5-4 व्हाट अ कमबैक बाय ओजी एबी जॉन्टी एंड द टीम 4-5 इज द स्कोर लाइन। पिछले मैच में वहां पे मनीष ने सबसे ज्यादा किल करे। हैप्पी बर्थडे अमित भाई। कौन से वाले अमित भाई का बर्थडे है? हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू टू। भाई फाइनल कब है टूर्नामेंट का? अभी तो वक्त ही बताएगा ब्रो। हैप्पी रिपब्लिक डे आप सबको। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। नादिर अरे भाई साहब क्या बात है, क्या डैमेज दिया था वहां पे T5 से। एम बॉट को अंदर जाने पे मजबूर कर दिया वहां पे। सामने की तरफ हमला करने की कोशिश विंस को काफी डैमेज हो चुकी है। विजॉन्टी पूपी के सामने 1v1 पूपी बना में विजॉन्टी 1v1 पूपी बना में विजॉन्टी 1v1 विंस को नॉकआउट हो चुका है। विजॉन्टी पूपी बना में विजॉन्टी 1v1 1v1 बेहतरीन शॉट पीछे से भी अटैक आता हुआ लेकिन इस बार दो तरफा हमला और एबी जॉन्टी फंस गए। मनीष इज ऑल अलोन एक आसान सा राउंड टाइटेनियम के लिहाज से। सास्के को जबरदस्त बैरल का शॉट करारा जवाब मनीष द्वारा। मनीष वहां पे डैमेज हो चुके हैं। मनीष बनाम पुनीत आसान सा राउंड और पुनीत भी नॉकआउट। क्या बात है मनीष बहुत ही बेहतरीन शॉट और पूपी ने वहां पे एक बार फिर से लीड दिला दी टाइटेनियम को 6-4 की लीड। हम भी वाराणसी से हैं रॉकी भाई। प्रीतेश सिंह प्रीतेश सिंह साहब कोई बात नहीं आपको भी शादी में जो है आमंत्रित करते हुए रॉकी भाई। राउंड भाई 6-4 टाइटेनियम अब तक एक कंफर्टेबल लीडिंग पोजीशन में है। एबी जॉन्टी और उनकी टीम highly potential team solid titanium एक undefeated clash squad team उनके सामने भी कहना पड़ेगा। एबी जॉन्टी ने मुकाबले को जरा सा भी जैसा पब्लिक सोच रही थी एक तरफा तो कहीं नहीं लग रहा है बिल्कुल भी एक तरफा नहीं है। एबी जॉन्टी ने बिल्कुल मुकाबले को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। इस बार एबी जॉन्टी टाउन तीन खिलाड़ियों का सॉल्ट। मनीष नादिर के ऊपर फुल प्रेशर। नादिर के ऊपर डैमेज आता हुआ सास्के बहुत ही बढ़िया स्नाइपर चलाते हुए। मनीष बिल्कुल अकेले और एक आसानी से यहां पे बैक टू बैक दो मैचेस जीत लिए हैं यहां पे गाइस द टीम ऑफ सॉलिड एज टाइटेनियम ने। वेल प्लेड क्या बात है। एम बॉट को देखिए गाइस लगातार इस टैलेंटेड लड़के ने सबको प्रभावित करा है। चांबा की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया। यहाँ पे एम बॉट ने 11 किल करके एमवीपी पोजीशन हासिल करा है। सामने की टीम से देखे तो मनीष ने भी 8 किल करे लेकिन अगर आप देखें पुनीत और सास्के की जोड़ी कमाल कर रही थी और वहां पे अगर बात करी जाए वहां पे एम बॉट की तो जस्ट फैंटास्टिक एज ऑलवेज। नादिर की अच्छी कोशिश डैमेज भी काफी दिया उन्होंने लेकिन अब स्कोर लाइन 2-0 हो चुका है। टाइटेनियम 2 पॉइंट पे है और ओजी एबी जॉन्टी मौजूद हैं अब तक बिना खाता खोले सेकंड पोजीशन पे बिना खाता खोले 0-2-0।
नाइस, एबी जॉन्टी कह रहा है नाइस जीजी। हैप्पी रिपब्लिक डे। यस चलो तो गाइस शुरू करते हैं। बूम बाम, एबी जॉन्टी कह रहे हैं बूम बाम, तो चलिए गाइस देखते हैं बूम बाम होने वाला है यहाँ पे। एबी जॉन्टी इज हाईली एक्साइटेड, बूम बाम होने वाला है यहाँ पे। एबी जॉन्टी ने कहा है बूम बाम करेंगे इस बार, तो देखते हैं क्या होने वाला है। स्टार्टिंग में एक खिलाड़ी अब तक मुझे नहीं दिखा। रेडी ऑल तो मैंने पूछा था, बताया ओके आ गए, इमोट भी आ गए, शायद कोई मैसेज वैसेज करने गए थे इमोट, बट अब वापस आ चुके हैं। तो क्या वो जॉन्टी खेल रहे हैं तो ओल्ड इलीट नहीं खेलेगी क्या? भाई देखो प्लीज, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है ब्रो, आई एम अ कास्टर, मैं इस बारे में मेरा कुछ बोलना जायज नहीं होगा। विन स्मोक मनीष नादिर एबी जॉन्टी, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। पुनीत सास्के पूपी एंड एम्बॉट आगे बढ़ते हुए सॉलिड एज टाइटेनियम। मनीष नादिर एबी जॉन्टी एंड विन स्मोक, पुनीत सास्के पूपी एंड एम्बॉट। एम्बॉट नॉकआउट, फर्स्ट ब्लड, पुनीत पूपी मनीष नादिर। ओ विन स्मोक नॉकआउट, विन स्मोक नॉकआउट है। जॉन्टी भाई को पोजीशन जल्दी से कायम करनी पड़ेगी, अब तक मैन टू मैन एडवांटेज किसी के भी पास नहीं है, बराबरी पे मुकाबला। एबी जॉन्टी ने कहा है बूम बाम करूंगा इस बार, देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। नादिर एबी जॉन्टी एंड मनीष सॉलिड एज़ टाइटेनियम, 2-0 से लीड में, दो मैचेस जीत चुके हैं टाइटेनियम। ओजी एबी जॉन्टी की टीम को अभी भी उस पहले मैच की जीत की तलाश। ओजी जॉन्टी आगे बढ़ते हुए, मनीष डैमेज हो चुके और दोनों का बेहतरीन इस्तेमाल, पूपी द्वारा क्रोनो का बेहतरीन इस्तेमाल। 2v3 जॉन्टी, मेडिकेट चार जरूर है इनके पास लेकिन ग्लू वॉल्स नहीं, बहुत बेहतरीन शॉट, पूपी नॉकआउट है। पुनीत रिवाइव देने की कोशिश करें लेकिन पुनीत के ऊपर एबी जॉन्टी का कमाल का ट्रैक, साथ के भी गए और एबी जॉन्टी का एक्सपीरियंस सराहनीय। के कबाव एबी जॉन्टी, 1-0 से लीड पे यहाँ पे टीम ओरेंगटॉन एबी जॉन्टी, दिमाग से खेला और जैसा उन्होंने कहा बिल्कुल वैसे बूम बाम, यानी कि टिट फॉर टैट करने को तैयार। यहां से आएगा बूम, वहां से करेंगे बैम, बूम बैम चल रहा है यहां पे। और एंगेटॉन एबी जॉन्टी ट्रिपल किल, क्या बात है। ओजी विल विन नेक्स्ट 3 गेम आई चैलेंज, माफिया इज बेटर देन पहाड़ी रॉकी, मामू ये मत मानो। अरे भाई ओफ, आप लोग कंपेयर क्यों करते हो यार, मुझे नहीं समझ में आता। ईयर 2009 में बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर सचिन तेंदुलकर, ईयर 2017 में बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को मिला, तो अब क्या आप ये कहोगे विराट कोहली इज बेटर देन सचिन तेंदुलकर? क्या बोलूं मैं भाई, समय की बात है भाई। जिस सीजन विराट अच्छा खेला उस दिन उस समय विराट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने, जिस टाइम पे सचिन बाजी अच्छा खेले उस टाइम पे वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। उसी हिसाब से स्नाइपर का भी आप हमारे गेम में यही देख सकते हो, जब पहाड़ी अच्छा खेल रहे थे वो स्नाइपर ऑफ द ईयर थे, आज माफिया अच्छा खेल रहे वो बन गए। क्या हो गया इसमें कि कोई किसी से बेहतर कैसे हो सकता है भाई, सब इक्वल है, कोई किसी से बेहतर नहीं है। गेम गेम की बात है, फॉर्म फॉर्म की बात है। मत बोलो कुछ दिन पहले टीजी भी आउट ऑफ फॉर्म थी ब्रो, ऐसी बात नहीं है, कुछ दिनों पहले टीजी भी आउट ऑफ फॉर्म थी ब्रो। तो ये बस वक्त वक्त की बात है, कभी भी पासा पलट जाता है, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि वो उससे बेहतर है, ये नहीं। मैं पहाड़ी या माफिया को किसी से कम नहीं समझता, सब एक जैसे हैं। इस सीजन माफिया ने बहुत बड़ा बहुत बड़े टूर्नामेंट्स जीते हैं, बहुत बढ़िया खेला है, चैंपियनशिप है उनके पास, सबसे ज्यादा किल भी करें, प्लेयर ऑफ द ईयर है, स्नाइपर ऑफ द ईयर है। पहाड़ी का भी एक वक्त था, आप अभी के लिए कह सकते हो कि इस सीजन माफिया बहुत बढ़िया खेले हैं, ही इज बेस्ट प्लेयर राइट नाउ,
मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आप अगर बोलोगे पहाड़ी से बेहतर है, इससे बेहतर वो है, वो तो गलत बात है ना भाई। सब एक जैसे, और 2-0 से लीड पे, 2-0 से लीड पे इस बार ओरेंगेटॉन। क्या आइको पहाड़ी और किलर खेलेंगे रॉकी भाई? मुझे कोई आइडिया नहीं है ब्रो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रॉकी भाई एक बार बोल दो, कैसे हो अनूप फ्रॉम वेद व्यास, बिग फैन रॉकी भाई, कैसे हो, कैसे हो अनूप, अनूप वेद व्यास से अनूप भाई कैसे हो आप? रॉकी मामू मामी का फेस कब देखने को मिलेगा? अब मैं बस शादी का एक पिक या फिर वो डाल दूंगा वीडियो फुटेज। पुनीत के ऊपर हमला विंड स्मोक का, शॉट शॉट, पुनीत नॉकआउट, लेकिन यहां पे एक बार फिर से मौका, एक बार फिर से एबी जॉन्टी और उनकी टीम के पास मौका। रण भाई इस बार जैसा कहा था एबी जॉन्टी ने, बूम बाम करेंगे, और शुरुआत से ही सबसे ज्यादा किल करके यहां पे एक चीज तो साबित कर दी उन्होंने कि इस मैच में बिल्कुल भी ज्यादा मौके मिलेंगे नहीं वहां पे सोल्जर्स टाइटेनियम को। एबी जॉन्टी जिस तरह मौजूद पीछे से अटैक करेंगे और कहते कहते कर दिया, प्यारा शॉट एबी जॉन्टी नॉकआउट, गलती कर गए, पीछे वाले खिलाड़ी को देख नहीं पाए थे, शायद प्लेयर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल सही नहीं, उन्होंने डिक्टेट नहीं किया था एबी जॉन्टी को कि पीछे की तरफ आपके खिलाड़ी। पूपी पे हमला, नॉकआउट पूपी, पूपी नॉकआउट, किल सिक्योर करवा के देना पड़ेगा किसी को, काफी लॉन्ग रेंज से नॉकआउट किया था नादिर ने, आगे बढ़ते हुए अब तक किल सिक्योर नहीं करा पाए, और सास्के भी डाउन है, सास्के भी डाउन है, एमबॉट बिल्कुल अकेले, 1v3 क्लच निकालना पड़ेगा सास्के को, तब जाके कहीं बात बनेगी, और बेहतरीन शॉट, बेहतरीन शॉट, और इसके साथ यहाँ पे एक बार फिर से एबी जॉन्टी की टीम ने 3-0 की बढ़ोतरी बनाई। क्या हम लोग एक कमबैक देख रहे हैं? इज दिस द कमबैक इन द मेकिंग, टाइटेनियम बनाम ओरेंगेटॉन एबी जॉन्टी? पुनीत सास्के पूपी एंड एम्बॉट आगे बढ़ते हुए, मनीष नादिर एबी जॉन्टी एंड विंस्मोक, पुनीत सास्के पूपी एंड एम्बॉट अभी तक कमबैक करने में असमर्थ है। एबी जॉन्टी कमाल के फॉर्म में एबी जॉन्टी, और जैसा उन्होंने कहा बूम बाम करूंगा मैं इस बार, 3-0 से लीड में है अभी ओरेंगेटॉन एबी जॉन्टी। टीम जॉन्टी फ्रॉम ओरेंगेटॉन यहाँ पे टाइटेनियम को मना चखा पाएगी, पुनीत सास्के और पूपी जॉन्टी आगे बढ़ते हुए, पुनीत सास्के एंड पूपी, सास्के के ऊपर हमला, सास्के डाउन, क्या बात है, जॉन्टी कमाल के फॉर्म में खेल रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा बिल्कुल वैसा ही करके दिखाया, बूम बाम जैसा कहा था बूम बाम चल रहा है, और यहां पे ये देखिए पुनीत पे हमला, जॉन एबी जॉन्टी इज इन अ वन हेक ऑफ अ टच। ओ भाई साहब घुस घुस के रश मारते हुए एबी जॉन्टी, सास्के और पूपी, जॉन्टी 6 किल दर्ज कर चुके हैं एबी जॉन्टी, और इसी के साथ एबी जॉन्टी और उनकी टीम 4-0 से आगे, टाइटेनियम को वहां पे व्हाइट वॉश की ओर धकेल दिया गया है ओरेंगेटॉन एबी जॉन्टी द्वारा, क्या बात है। रण भाई ऑलरेडी 2-0 स्कोर लाइन है, टाइटेनियम 2 मैच जीत चुका है, लेकिन ओरेंगेटॉन यहां पे हार मानने को तैयार नहीं, और एबी जॉन्टी यहां पे जीत की नई कहानी लिखने के लिए आतुर।
लव मैरिज और अरेंज मैरिज आपकी रॉकी भाई? लव हुआ फिर अरेंज, ऐसा लव तो हुआ बट अरेंज सिंपल है। अब मेरी जो होने वाली वाइफ है वो कोई फ्री फायर या किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, शी इज अ डॉक्टर, कोई लेना देना नहीं है। जॉन्टी नादिर एंड मनीष आगे बढ़ते हुए, पुनीत सासके पूपी एंड एम्बॉट, जबरदस्त शॉट वहां पे, मनीष नॉकआउट इस बार टाइटेनियम की ओर से, करारा कमबैक, ए भी जॉन्टी के ऊपर भी तगड़ा प्रहार, स्टाइल से ले भी जॉन्टी डाउन इस बार, सही तरीके से रश किया गया है और ओरेंगेटॉन को ज्यादा मौके नहीं, सारे खिलाड़ी नॉकआउट है। लेकिन ये क्या विन स्मोक पहुंच गया रिवाइव देने, करने का सोचा क्या तुम्हारा नेटवर्क जा रहा है उसको बोलो को समझा नहीं क्या बोला समझ ही नहीं आया। हाय रॉकी भाई, गूगल गेमिंग फॉर न्यू ब्रो, क्या ये एक और क्या लिख रहा है रॉकी भाई? ये पागल बंदे हैं, इनको जो पसंद होता है बस उसी को अच्छा बोलते हैं, बाकियों को हेट देते हैं। द ट्रूथ इज दैट शेर शांत है, इसका मतलब शिकार करना नहीं भूला, हैशटैग पहाड़ी। नहीं ब्रो, ऐसा नहीं है कि मैं पहाड़ी को सपोर्ट कर रहा हूँ या किसी और को नहीं सपोर्ट कर रहा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं किसी एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी से कंपेयर नहीं करता, जिस सीजन जिस खिलाड़ी ने अच्छा खेला है वो उस सीजन डिजर्व करता है अवार्ड पाना। इस वक्त पहाड़ी आउट ऑफ टच है, माफिया फुल फॉर्म है, माफिया डेफिनेटली बेस्ट स्नाइपर राइट नाउ इन इंडिया, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर आप बोलोगे पहाड़ी से बेहतर माफिया है तो ये तो गलत बात हो गई कि भाई इस वक्त पहाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है तो आप बोल रहे हो नहीं पहाड़ी खेलना भूल गए जो है माफिया ही है, ये तो गलत बात है। माफिया ने क्लच कर दिया है, ठीक है जी, पूरी स्क्वाड वाइप आउट कर दिया था, ऐसा बोले भले क्लच कर दिया लेकिन पहाड़ी जितना नहीं चला पाएगा कभी, ऐसा बोले उसके ऐसा दम, ऐसा बोले क्या? देखिए गाइस, हर खिलाड़ी एक जैसा होता है, किसी की एबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, किसी की एबिलिटी कम, कोई ज्यादा अटैकिंग खेलता है, कोई ज्यादा दिमाग से खेलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपेयर करना शुरू कर दे, कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए किसी को। मैं अपने आप को कभी कंपेयर नहीं करता भाई, भाई साहब कमाल का कमबैक टाइटेनियम का, और ये महंगा पड़ेगा राउंड भाई, ये वाला राउंड जो गवा दिया और एंगेटॉन ने, ये महंगा पड़ सकता है। एबी जॉन्टी चिंतित जरूर होंगे, ये वाला राउंड जीतने लायक राउंड था। कभी भी किसी को हेट मत दो गाइस, एवरीवन इज गुड। You should never feel in that way. AB Jaunty aging like a fine wine, older and it's get better it tastes. जी बिल्कुल. Don't say anything bad about other players. आप किसी को पसंद करते हो वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, support करें, but ये मत कहो कि मैं जिसको पसंद करता हूँ वो पर्टिकुलर प्लेयर से बेहतर। आप बोलो मेरा जो खिलाड़ी वो सबसे बेहतर है बिकॉज ही इज द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ, उसमें कोई गलती नहीं है, बट आप ये कहोगे उससे बेहतर है पर्टिकुलर, ये तो कंपैरिजन हो गया। कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन बहुत बुरी चीज है। शॉट पुनीत द्वारा फिर से अटैक आता हुआ, ए बी ट्वेंटी ने एक बार फिर से पहली किल दिलाई, मनीष नॉकआउट, लेकिन सामने भी सास के नॉकआउट, एक और लीड को पुख्ता करने की कोशिश यहाँ पे ओरेंगेटॉन द्वारा, ओरेंगेटॉन एबी जॉन्टी आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एबी जॉन्टी, 2v2 मुकाबला, पुनीत के पास हेल्थ नहीं है, पूपी एंड पुनीत बना एबी जॉन्टी एंड ओह व्हाट अ हेडशॉट दैट वाज बाय एबी जॉन्टी, एबी जॉन्टी का धमाकेदार हेडशॉट, पुनीत इज ऑल अलोन 1v2, पुनीत इज ऑल अलोन 1v2, एबी जॉन्टी तरफ से आते हुए फॉर्मास को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल में चला रहे हैं, पुनीत साइथे का भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं,
पुनीत की कोशिश साइड में चलाने की अब तक नाकामयाब पुनीत डैमेज और इसी के साथ 5-2 की लीड में औरेंगे टोने बिजंटे। क्या बात है, डबल किल वहां पे एबी जॉन्टी और विन स्मोक के द्वारा 5-2 द स्कोर लाइन। सोलिजर टाइटेनियम 5-2 से पीछे, लेकिन दो मैच टाइटेनियम ने जीते हैं, क्या ये मैच जीत के एबी जॉन्टी कमबैक कर लेंगे यहां पे? एक पागल अपना ही नाम लिख के स्पैम कर रहे हैं, क्या बोलूं भाई। पुनीत सास्के पूपी एन एम्बॉट मनीष नादिर एबी जॉन्टी एंड विन स्मोक। को डिस्ट्रॉय करते हुए सोलिजर टाइटेनियम मुसीबत में, सास्के डाउन है, क्या यहां से टाइटेनियम कमबैक कर पाएगी? बेहतरीन शॉट नादिर द्वारा, नादिर पूरी कोशिश करते हुए, नादिर एबी जॉन्टी बहुत ही बेहतरीन यहां पे कमबैक। और जैसा कि हमें दिख रहा है यहां पे ओरिंगटन इस मैच को जीतना चाहते हैं, बूम बम करूंगा मैं ऐसा कहा था फर्स्ट ब्लड, बिल्कुल बूम बम करते हुए सबसे ज्यादा किल भी एबी जॉन्टी ने करें। He's enjoying. और सामने वाले प्रतिद्वंदियों को डरना चाहिए जब एबी जॉन्टी एंजॉय करें। जिस गेम को एबी जॉन्टी एंजॉय करें वो गेम आपके लिए मुसीबत का सबब होगा। एबी जॉन्टी पूरी शिद्दत से मुकाबले को एंजॉय करते हुए, ही इज बैक एबी जॉन्टी। उनके पास इस वक्त नई टीम जरूर है बट फायर पावर भी काफी मजबूत। पुनीत सास्के पूपी, पुनीत सामने खड़े एबी जॉन्टी, पुनीत बनाम एबी जॉन्टी, डैमेज आता हुआ और यहाँ पे पुनीत ने लगभग 30 से ज्यादा की हिम गवा दी। मनीष नॉकआउट हो चुके हैं, मौका दोबारा से मिला है एबी जॉन्टी ने, खड़े हैं। स्काइलर का इस्तेमाल जरूर किया था एबी जॉन्टी ने, पुनीत अपने मूवमेंट का इस्तेमाल करके एबी जॉन्टी को रोकने की कोशिश करते हुए, और एबी जॉन्टी बनाम पुनीत, और क्या स्नाइपर चलाई है पुनीत ने, क्या बात है पुनीत। पुनीत ने मैच का पूरा पासा ही पलट दिया यहाँ पे, नादिर बिल्कुल अकेले, वाड़ा शॉट एट वाज ओवर सासुके, सासुके के ऊपर नादिर का करारा शॉट, 1v2 नादिर 1v2 फॉर नादिर, वाड़ा क्लच दैट वाज बाय पुनीत। पुनीत ने स्नाइपर की बदौलत कहना पड़ेगा यहाँ पे पूरा का पूरा पासा ही पलट दिया 5-3। एक पल को ऐसा लगा आसानी से ओरेंगे टॉन यहाँ पे डोमिनेट करेगी बट नहीं, उसके बाद पुनीत ने, सरदार पुनीत सिंह ने वहां पे पासा एक बार फिर से बदल दिया। हैप्पी बर्थडे अमित भाई। अच्छा अपने अमित भाई का बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे अमित भाई। निखिल भाई का भी, अग्निव का भी है, अपना अग्निव भाई है ना, अग्निव का भी बर्थडे है, क्या बात है अग्निव, हैप्पी बर्थडे अग्निव। तुम खाओ पियो जियो हजारों साल, तुम्हें मिले कोई अच्छी सी लड़की शादी करने के लिए चेरी टाइप की। मनीष नादिर जॉन्टी एंड विंस्मो का पुनीत सस्के जबरदस्त शॉट, मनीष को नॉकआउट करते हुए सरदार पुनीत सिंह अपने टैलेंट की गाज बरसाते हुए यहां पे आगे बढ़ते हुए एबी जॉन्टी के ऊपर हमला, एबी जॉन्टी के ऊपर हमला, ओह व्हाट अ हेडशॉट ओवर नादिर, एबी जॉन्टी भी डाउन। राउंड भाई क्या कमाल का गेम ने दिखा रहे हैं यहां पे सरदार पुनीत सिंह, 5-4। I am highly impressed by Sardar Puneet Singh. What a gameplay, man. What a gameplay by Sardar Puneet Singh. अब सरदार मैदान में आया है। जी। डायलॉग है एक मूवी का। रॉकी भाई पहाड़ी को भी, लव और माफिया को भी, सब अपनी जगह अच्छे हैं। डोंट कंपेयर एनीवन। कंपेयर क्यों कर रहे हो? देखो एक सीजन किस, देखो क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्टीवन स्मिथ को भी मिला है, जो रूट को भी मिला है, विराट कोहली को भी मिला है। अब आप बोलोगे जो रूट विराट कोहली से बेहतर है, हैं? विराट कोहली स्टीवन स्मिथ से बेहतर है, स्टीवन स्मिथ सबसे बेहतर है। अब भाई जो जिस सीजन अच्छा खेल रहा है उसको मिल रहा है, उसको कंपेयर क्यों कर रहे हो आप लोग? आप बोलो ना हाँ ही इज द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ, सबसे बेहतर है। बट आप ये बोलोगे पहाड़ी से वो बेहतर है, माफिया से वो बेहतर है, ये तो गलत बात हो गई। आप बोलो सबसे बेहतर है,
तो समझ में आता है। ओ क्या बात है नादिर, करारा शॉट, करारा जवाब। यहाँ पे नीट नॉकआउट होने के बाद टाइटेनियम फंस गए। इम्बॉट 1v3 कैसे क्लच निकाल पाएंगे, 6-4 की लीड मिल सकती है यहाँ पे टीम ओरेंगे टॉन ए बी जॉन्टी को एक एक करके किल जाते। और एक बार फिर से ए बी जॉन्टी ने किल दिला दिया, 6-4 ओरेंगे टॉन ए बी जॉन्टी 6-4 से लीड में। बूम बाम की बात कही थी ए बी जॉन्टी ने, बूम बाम करके भी दिखा दिया यहाँ पे। रॉकी मामू आप लॉक डालना, हम घर से ही वेडिंग अटेंड कर लेंगे। अरे लाइव स्ट्रीम कर दूंगा उस चीज की। फेवरेट फुटबॉल प्लेयर मेसी और रोनाल्डो, ना मेसी ना रोनाल्डो, माय फेवरेट प्लेयर वाज पुराने प्लेयर का नाम देना है, अभी का नाम देना, अभी के टाइम पे पूछोगे तो इट्स डेफिनेटली किलियन मम्बापे, फ्रांस के किलियन मम्बापे। ये भी जॉन्टी नॉकआउट। ओ नादिर एक बार फिर से कमबैक टाइटेनियम का, टाइटेनियम सॉलिड एज टाइटेनियम का फिर से कमबैक। नादिर बिल्कुल अकेले 1v4, देयर इज नो चांस। स्काइलर आ सकती है कभी भी, स्काइलर ने गोलियां ही चला दी और मौका ही नहीं मिला। 6-5 विद द स्कोर लाइन। Right now my favorite player is Kylian Mbappe. और all time की बात करोगे तो I think Roberto Carlos. ऑल टाइम की बात करोगे तो रोबर्टो कार्लोस, और अगर आप बात करोगे अभी के टाइम पे तो इट्स किलियन मम्बापे। अब आप पूछोगे क्यों, वो क्या है ना गाइस, मेसी और रोनाल्डो चाहे कितने भी बड़े खिलाड़ी हो लेकिन उन्होंने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता है, दैट्स व्हाई। बुरा मत मानना। Puneet, Sasuke, Poopy and Imbot, Manish, Nadir, Abijonti and Winsmoke. सास्के, पूपी या नेमबॉट, क्या यहां पे टाइटेनियम 6-6 की बराबरी कर पाएगी, क्या ओरेंगे टॉन यहां पे इस राउंड को जीतकर, इस मैच को जीतकर 2-1 से कमबैक कर लेगी। सवाल कही जवाब हमें अभी मिलने वाला है। ओरेंगे टॉन कंधे से कंधा मिला के लड़ते हुए, ए बी जॉन्टी इंस्ट्रक्शंस देते हुए अपने टीममेट्स को, इंतजार कीजिए गलती करेगी टाइटेनियम। नादिर पे डैमेज आता है, नादिर नॉकआउट, अच्छा बैकअप। फर्स्ट ब्लड स्नाइपर चल रही है सास्के की, सास्के और एंगेटॉन के ऊपर हमला करते हुए सास्के, सास्के बहुत ही प्यारा शॉट और टाइटेनियम ने 6-6 की बराबरी यहां पे आखिरकार कर ही ली है। 6-6 इज द स्कोर लाइन और दोबारा से फैक्ट्री आ गया, वाओ दोबारा से फैक्ट्री आ चुका है यहां पे। मामा माई बर्थडे तो अभी केक काटने के बाद तुरंत आ गया डेटा वसूल मैच देखने। थैंक यू मल्हार जोशी, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मल्हार, मल्हार को हमारी ओर से जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। टू बी गेमर हैप्पी बर्थडे। सुनील चेत्री लव इंडिया। मैं सच बताऊं तो मैं इंडियन फुटबॉल को उतना फॉलो करता नहीं हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंडियन फुटबॉल में काफ़ी ज़्यादा एंडोर्समेंट की ज़रूरत है एंड हमारे इंडियन फुटबॉल में भी कई टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जिनको पुश ऑन चाहिए। सुनील छेत्री को जब
नेम मिला ही वाज ऑलरेडी नियर बाय 30 और फुटबॉल यंगस्टर्स का गेम है फर्स्ट ब्लड दैट्स व्हाई सर जी कोई मिलने आया आप क्या करते हैं मिलने आया है कोई कौन हेलो बोल भी लो नुमान भाई डबल किल अरे 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 नुमान भाई कैसे अरे अरे नुमान भाई कैसे हो हेलो बढ़िया रॉकी भाई लाइव पे हो क्या हां लाइव हूं अच्छा लाइव खत्म करके बात करते हैं ऐसे ही मैं सर्वर पे आ रहा था सबके जो तो बहुत ही हुआ सुपर चैट तो आप जा नहीं रही सब मिस हो जा रही है हमारी बताओ और इसी के साथ क्वाड्रा किल और सॉलिड एज अ टाइटेनियम ने 3-0 से ये मैच जीत लिया और इसी के साथ सॉलिड एज अ टाइटेनियम जा रही है नेक्स्ट राउंड में गाइस कांग्रेचुलेशंस टू टाइटेनियम हार्ड लक टू ओरेंगेटॉन एबी जॉन्टी बट यहां पे सॉलिड एज अ टाइटेनियम आखिरकार एस से ही बात बनी एंड कांग्रेचुलेशंस वेल प्लेड फिर आएंगे देखिए यहां पे ओरेंगेटॉन से एबी जॉन्टी का ऐलान वेल प्लेड बट फिर आएंगे हम और प्रैक्टिस करेंगे वो हो गुड लक जॉन्टी भाई हार्ड लक बट टाइटेनियम ओपी एबी जॉन्टी यहां पे तारीफ करते हुए टाइटेनियम की वेरी गुड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हैज बीन शोन बाय एबी जॉन्टी तो गाइस दिस वाज द शो फॉर टुनाइट बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी भाई लोग आज जुड़े हमसे जितने भाई लोग देख रहे हैं फटाफट लाइक टारगेट पूरा कर देना एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम जिन्होंने लाइक किया उनका शुक्रिया जिन्होंने डिसलाइक किया उनका भी शुक्रिया जिन्होंने लाइक नहीं किया वो जो थम्स अप वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करके फटाफट लाइक कर देना जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक करें उसके ऊपर क्लिक करके वो जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल्स को जरूर दबाएं रिपीट वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक करके जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना हेटर्स तुम कभी सुधरोगे नहीं फिर भी मुझे तुमसे प्यार है बट जो मुझसे ऑलरेडी प्यार करते हैं उनको तो ठाकुरान को डबल ट्रिपल तो गाइज मिलते हैं आप सबको कल मुकाबला है टू साइड गेमर्स का जो आज होना था वो आज हो नहीं पाया बिकॉज टू साइड गेमर्स के मैच से पहले ये दोनों मैचेस 12:30 तक चल पड़े हैं तो आई डोंट थिंक सो दे आर नॉट एनी मोर अवेलेबल फॉर टुडे तो मिलते हैं कल गाइज कल दोबारा से मिलेंगे विद द बैटल इन फ्री स्टाइल Till then, this is yours truly, Rocky Bhai. See you later, alligator. Milte aap sabko. Tata, bye bye. Shabba khair, sasriya kal. And see you tomorrow on Sharp Time at 9.